एक बार ये मतलब कानपुर की बात है, तो मेरे दोस्त इन लोगों ने स्मोकिंग शुरू कर दी थी। मैं आई थिंक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, हम वापस गए थे तो दोस्त मिले थे पुराने क्लासमेट्स, और मैंने बोला, कहता है कि यार कुछ करते हैं कुछ, मतलब मैंने कहा मैं सिगार पे लाता हूँ तुम लोगों को, तो कहता है, तो उन लोगों ने बोला हाँ सही सही है। फिर मैं भूल गया ये बात, अगली बार मिले कहता है सिगार तूने बोला था पिलाएंगे, तो मैं कहा खरीद के ले आ पिला दूंगा। तो तब से इमेज इतनी ख़राब हो गई है कि एक तो मैंने जो ऑफर दिया बड़े बड़े वादे करता है बड़े वादे करता, कभी कभी डिलीवर नहीं करता, बट एक ही बार हुआ था और मैंने बस यूं ही मजाक में बोल दिया था। पर वाई शुड आई प्रमोट, आई नेवर प्रमोट स्मोकिंग और एनी थिंग। मेरे कॉलेज में जब वो फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने सुट्टा मारना शुरू करा था, तो फिर वो कर रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब हाँ तब वैसा रखा हुआ था कि ड्रग्स नहीं करेंगे बट थोड़ा इसमें लेवल अप करना है। तो विच इज मेरे सिगार, हाँ तो मेरे दो दोस्त सिगार लेके आए थे और उनने रूम बंद करके सिगार, वो बहन जो रूम बंद करके बहुत चीज़ें करते थे, मुझे अब लगता है शायद वो कुछ कर मतलब सुट्टे से कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन फिर बहुत बोर्ड निकले थे कि सिगार बहुत टाइम लग रहा है, ख़त्म नहीं हो रही है, कहीं जा ही नहीं रहा है कुछ। तो उसमें वो नहीं होता ना, एक तो सिगार में फिल्टर नहीं होता, और दूसरा सिगार को तुम ब्रीद इन नहीं करते, सिर्फ फूंकते हो, माउथ पैक करना होता है बेसिकली, लेकिन वो आ ही जाता है क्योंकि इतना सारा टोबैको है ना, इतना सारा है और फिल्टर नहीं है, इट्स वेरी अनहेल्दी एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। मतलब नॉट लाइक सिगरेट इज़ वेरी हेल्दी, बट आई एम सेइंग इट सिगार हैज़ नो प्रोटेक्शन, तो वो कुछ टार वगैरह रोकता नहीं सिर्फ साइज के बेसिस पे ही मैं गेस कर लूंगा कि ये ज्यादा खराब है, बहुत खराब है, क्योंकि अगर बीड़ी ऐसा नहीं टाइप। है कि सिगरेट का कुछ ऐसे कहते हैं कि इसके ऊपर ऊपर वाला पोर्शन बहुत न्यूट्रिशियस होता है और अंदर खराब है, तो तुम ऐसे सोचो कि वो शायद सिगार में भी उतना ही हार्मफुल है बट न्यूट्रिशन ज्यादा है, वेरी खराब ही है, ज्यादा टोबैको दिख रहा है मेरे को। हाँ मच मोर हार्मफुल, कोई फिल्टर नहीं, और ये भी रहता है जैसे बीड़ी है ना, इट्स लाइक बीड़ी, कि बीड़ी में कोई फिल्टर नहीं है, तुम फूंक रहे हो तो तुम पत्ता फूंक रहे हो और साथ में अंदर टोबैको फूंक रहे हो, तो सिगार इज लाइक दैट, बट बीड़ी इज कंसिडर्ड वेरी डाउन मार्केट एंड सिगार इज रियली एक्सपेंसिव अप मार्केट। क्यूबानो अगर तुम, मतलब डिपेंड करता है कहाँ से लो, पर कोलंबियन अगर खरीदोगे या क्यूबन सिगार खरीदोगे तो बड़े महंगे आते हैं। तो पता है सबसे अच्छा फिल्टर क्या होता है, एक अच्छी अपब्रिंगिंग तुम्हें ये सब तुम करने पहले से ही रोक रिजेक्ट देती कर है। दो ये सारी हाँ चीजें, दैट इज योर फिल्टर। मैंने तूने वैसे तूने सिगरेट पी है? नहीं कभी नहीं। मैं कुछ 2-3 महीने के लिए पी थी हाँ और ऐसी शुरू करी थी मैंने क्योंकि कूल लगता था देखने में, लगता तो है, जो कि तुम बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते। नहीं लोग नहीं कहते कर हैं सकते, असली कूल लोग ये नहीं, असली कूल असली नहीं, बट ये भी गंदे का रस और पीते। फिर कुछ लोग इसका ट्रेस करके तुम्हें बताएंगे कि ये तुम्हें कूल इसलिए लगता है क्योंकि पॉपुलर मीडिया ने ऐसे पोर्ट्रे करा है। हाँ तो नहीं भाई मैं फिर हुआ हूँ ब्रेन वॉश पर वो भी उससे। नहीं है हाँ से उसका मतलब कूल लगने का एक रीजन है यार, तुम्हारे हाथ में आगे आग जल रही है, और तुम धुआं धुआं निकल निकाल पा रहा रहे है। हो, और अगर तुम बहुत फूक लो तो तुम धुएं की शेप चेंज कर सकते हो। बहुत चीजें हैं जो कूल हाँ है ना, इट्स डेफिनेटली कूल, ये तो कोई हाँ डिनाई नहीं कर सकता, पर मतलब वही है कि अब ऐसी बातें नहीं करते हैं ये सारे कैंपेन जो इन धुएं को रोकने के लिए या सिगरेट को रोकने के लिए, उसमें ऐसी बातें करते हैं कि असली कूल चीज ये नहीं होती, गन्ने का रस पीना असली कूल, माँ बाप को प्यार करना पूजा करना ये असली कूल है, अगरबत्ती जला लो ना उसका धुआं नहीं अच्छा लगता, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इवन इफ यू आस्क दैट तुम एक्टर अपने अपने पापा को जाके बोलो पापा आई लव यू, कहेंगे छी यार छी बहन छोड़ दिए किसको मैंने बड़ा करा है, मैंने सुट्टा लाओ। तूने कभी वो देखा जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज में भी करते हैं, या फिर ऐसे ही किसी ने बोला है कि तुमको बहुत टफ टास्क देंगे, और टास्क ये होता है कि अपने बाप को फोन करके बोलो आई लव यू, हाँ एंड लाइक यार ये टास्क से ज्यादा आई थिंक मेरा बाप सोचेगा कि ये क्यों अभी क्या कर रहा है, इसको क्या चाहिए। बाबा बोलेंगे रियलिटी शो में भी पैसे चाहिए तुम्हें, वहां तो एटीएम भी नहीं मैं है। कभी नहीं बोला आई लव यू, कौन बोलता है मैं एक बार ही बहुत गिल्टी ऐसे यही सब देख के ब्रेन एग्जैक्टली वॉश हुआ था, तो मैंने हाँ लिख के भेजा था, हाँ पापा ने कहा था क्या ये सब सेंटी वेंटी भेजता रहता है, पढ़ाई पे ध्यान कर। तो मतलब वो उनके पास भी है और उनको भी ऐसे कभी बार लगता है तो बस बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कौन बोलता है यार नहीं बार कोई बार ही नहीं, बहन चोद। अगर तुमने आउट ऑफ द ब्लू ही होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर एनी बडी हु रेगुलरली गोज टू हिज फादर एंड गोज आई लव यू, कोई नहीं हाँ करता है ना, लड़कियां हो सकता करती हूँ, बट आई एम सेइंग सन्स विल नेवर डू इट। अगर तो अगर कोई करता है तो वो बहुत कॉन्शियसली मेरे सर्कल में एग्जिस्ट नहीं करता हाँ है, हाँ भाई क्योंकि हम तो वो अलग ही बेचो रखते हैं ऐसे लोगों को, मुझे भी आके बोलेगा भाई कल प्लीज को मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो एकदम
फुद्दू बातें करते हैं, लेकिन अगर अगर कोई करता है सपोज, है ना, आउट ऑफ द ब्लू ही आएगा, तो अगर मैंने अपने बाप को सडनली बोल दिया आई लव यू, तो वो सबसे पहले बोलेंगे कहाँ लाश कहाँ है या फिर कौन लड़की प्रेग्नेंट हो गई बताओ। ये प्रॉब्लम है क्योंकि तुम उनको नहीं बता सकते तुम्हारे थॉट प्रोसेस की क्या जर्नी रही है कि मैंने एक्चुअली 4 सीजन देखे नार्कोस के, या तो तुम उनको साथ बैठ के दिखाओ हाँ कि अब आप भी ये फील करो और फिर बोलो आई लव यू, वो तो और ज्यादा क्रिंज है। पापा की कंडीशनिंग हो रही है न्यूज़ देख के कि ये मर गया, ये हो गया, वो हो गया, कह रही क्या आई लव यू क्या बोल रहा है भाई, पागल हो गया क्या, हत्याकांड देखा भी मैंने 5 मिनट पहले। ये मेरे को एक्चुअली ना स्टैंड अप में भी, जैसे कोई तुमसे पूछे तेरे फेवरेट कॉमिक्स कौन है क्या है, अगर वो फेवरेट कॉमिक्स अब मेरे दोस्त बन गए तो मैं नहीं कर सकता भाई उनकी तारीफ की, यार उसकी राइटिंग मैं जानता हूँ उसकी गंदगी, वो कोई वो अच्छा कॉमिक है इसलिए हमारी दोस्ती हुई, बट अब हो गया, अब ऐसे नहीं तुम उसके गुण गा रहे हो तो फिर थोड़ा ऑफ सा लगता है मेरे को, इसलिए इसलिए तुमने देखा जो जो कपल्स भी बहुत वो होते हैं आपस में दुखी होते हैं वही बहन जो तारीफ करते रहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये तो बहुत केयरिंग है, क्योंकि ये ब्रेकअप के बाद मुझे और रियलाइज हुआ ये बहुत अच्छा था, आई थिंक इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अगर तुम किसी कॉमिक की बहुत तारीफ करते हो तो वो उसकी होनी चाहिए जिससे तुमको पता है कि कभी मिलना नहीं हो पाएगा। मैं लुई सीके की करता हूँ, नॉट इन माई सर्कल, बट कभी कभार कुछ इंडियन सर्कल में भी तुम्हें पता होता है कि ये बस लैंग्वेज बैरियर के चक्कर में हमारी ऐसी उतनी कभी दोस्ती होगी ही नहीं। दैट इज ऑल्सो ट्रू, या तो कर लेंगे कनन की तारीफ, कनन की तारीफ कर देंगे, कनन मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं कॉलेज में और इनफैक्ट कॉलेज का जॉब में भी कॉमिक्स के ऐसे पोस्टर्स वो करता था, तो सारे अमेरिकन कॉमिक्स, तो वैसे मैं अपने रूम में से पैटर्न बनाते रहता था, जो बहुत अच्छे कॉमिक्स लगते थे वो उनकी बहुत बड़ी होती थी और फिर 4 छोटे छोटे रहते थे, सारे ब्लैक एंड वाइट रहते थे, तो ऐसा लगता था थीमेटिकली वो है। तो कोई आता था कहता था तुम्हें कोई इंडियन कॉमिक्स पसंद नहीं है, मैं कहा भाई पसंद है बट मान लो कल को कोई आया तो कितना क्रीपी लगेगा उसको, जो फोटो लगा लगी हुई है। मैंने तो अपने कमरे में लगाई है फोटो, सबसे बड़ा मेरा और फिर 2 छोटे लुई सीके के, एक छोटा मिच एडवर्ड का, एक जॉर्ज कार्लिन का, तो मैं तो अपने हिसाब से लगाता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या लेवल्स हैं। हाँ, क्योंकि उनसे मिल लो फिर तो अजीब सा ही, किसी को ये बोलना भी मुझे बहुत ही वियर्ड सा लगता है कि मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ और बहुत क्रीप, मतलब मुझे लगता है सामने वाले को क्रीपी ही लग रहा होगा यार कि कैसे क्या क्या चाहिए भाई तेरे को मेरे से। प्लस ऑल्सो अगर तुम किसी से मिल लो ना तो यू रियलाइज कि ये इंसान तो घटिया ही है तो तुम्हारी वैसे भी इज्जत कम हो जाएगी। ये लोग इतना रेगुलरली बिग फैन लाइक सुनते रहते हैं तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू डिसाइफर इफ दिस इज अ जेन्युइन इमोशन या फिर समबडी इज जस्ट very happy to meet somebody famous. So that's also true, yeah. Kyunki agar why will a comic do that? If a comics comes to you and says ki big fan or we like your work, then it is genuine. Comics ko koi nahi hai ki bhai spot ke liye bol sakta tere ko koi. Spot mang, wo to fir alag story alag hai. Nahi to wo lekin uski shuruaat aisi to koi aata to kahega spot hai kya? आपके बिग फैन के लिए वो ऐसे ही शुरू करेगा भाई तेरे से कि बिग फैन मैं तो आपको जब से सब आपको गाली देते थे तब से देख रहा हूँ मैं आपको। अरे अभी पीछे गाली दे रहे थे पर मैं तब भी मैं आपको डिफेंड करके आया कि ये बहुत अच्छे कॉमिक है और इनके शो में एक नहीं 2 ओपनिंग स्पॉट रहते हैं इनके डिफेंडर्स के लिए। एक इन्होंने अभी डिसाइड किया, एक बचा हुआ है, मैं जा रहा हूँ इनसे मिलने। तो स्पॉट ही वो, तो इसलिए कई बार क्या होता है मैं कोई जैसे मान लो वीडियो डाला है तो कुछ कुछ जो मेरे को कॉमिक्स अच्छे लगते हैं मेरे को बड़ा मन होता है कि अगर ये मेरे से बात हो रही है मेरी इनसे बातचीत है तो मैं बस चाहूंगा कि ये मेरा काम देखें। लेकिन वो चीज़ पोर्ट्रे करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई मैं आपको इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप शेयर करो। ऑफ कोर्स बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है कि बस मैं चाहता हूँ कि ये देख लो आप क्योंकि मेरे को आपका काम बहुत अच्छा लगता है हमेशा से, आप देख लो कि मेरा कैसा है। और हाँ मतलब आई एम प्राउड ऑफ दिस वर्क, मे बी आई वोंट बी लेटर, तो अभी जब तक प्राउड हूँ तो देख लो। वो दैट इज अ वेरी वियर्ड डायनामिक, तो मैं उसमें हमेशा I've never been able to do that. Also, किसी ने, और आई थिंक घोष के साथ हुआ था कभी कि घोष को किसी ने भेजा तो घोष ने कहा ये सब मत किया करो कहता है ये सब नहीं देख रहा मैं, खुद कर लो जाके। किसी ने बोला कि मेरा ये जोक कैसे है, जोक वोक मत भेजो, मैं नहीं टेस्ट कर रहा। तो देन ही गॉट रूड, दैट्स द सेम टेम्परमेंट। आई मीन आई ऑल्सो वॉन्ट टू से द सेम थिंग बट आई कांट, इट्स अ लिटिल रूड। बट वो बात सही है कि तुम किसी का बैठ के काम देखो, दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स। तुम वीडियो डाल दो, अगर होगा तो देख लेंगे, पर अगर तुम शेयर करो होगा तो देख लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि उन तक पहुँचेगा ही नहीं क्योंकि, पर तुम भेजोगे तो फिर मैं गुस्से में नहीं देखूंगा ये क्या चूतिया पे। ये तो है,
कि भाई अगर तुम शेयर कर दोगे इट मीन अ लॉट लौड़ा इट मीन मैं अपना शेयर करता हूँ वो नहीं चल रहा हाउ विल इट इट्स नथिंग इट वोंट डू एनीथिंग फॉर द वीडियो दिस इज अ वेरी फ्रीइंग रियलाइजेशन कि किसी के शेयर करने से कोई अंतर कुछ नहीं पड़ेगा होता भाई क्योंकि ग्रेट क्योंकि ये भी अगर तुम नॉर्मली सबके साथ एग्जिस्ट कर सकते हो यस देयर इज नो कि भाई अगर मेरा ये सबसे बड़े कॉमिक ने मेरा शेयर कर दिया अचानक वायरल हो जाए लौड़ा कुछ नहीं होगा जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ कुछ हो भी जाएगा तो वो शायद वो साल खींच दे तुम्हारा कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि रोज उपमन्यु शेयर कर रहा है गाइस अगर तुम ये नहीं देखोगे साल से बोल रहा हूँ अच्छा क्यों नहीं देखो 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 ऐसे करता रहे तो फिर शायद लोग कि शायद भाई सॉरी हम नहीं गेज कर पा रहे देख लेंगे लेकिन इवेंचुअली फिर तो उसी की जर्नी पे आ ही जाएगा या इट जस्ट कम्स डाउन टू कि तुम्हारा वीडियो अच्छा था कि नहीं वरना किसी को फर्क नहीं पड़ता तो यू आर राइट इट्स वेरी फ्रीइंग कि जब फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन शेयर करे तो भेजो ही मत भेजो फिर तो अपने आप जो चल रहा है शेयर अगर पॉपुलर होना होगा हो जाएगा नहीं होगा नहीं होगा तो गेम ऑफ थ्रोन्स तो तूने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसे उन्होंने भूमिका बनाई थी कि भाई टारगेरियंस का ये बहुत टाइम से चल रहा है एंड दे डू इनब्रेड होते रहते हैं इन इनसेस्ट इनके का लीनेज में वेरी कॉमन एंड नाउ इन दिस शो हाउस ऑफ ड्रैगन्स दे आर शोइंग कि ये स्टार्ट कैसे हुआ तो स्टार्ट हुआ एंड तो वही टॉपिक वही है कि इट्स लुक डाउन अपॉन अ लॉट लेकिन उस समय तो इतना वो नहीं था बायोलॉजिकल उनके पास क्या कहते हैं स्टैट्स नहीं थे टू प्रूव कि इनसेस्ट की मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आपस में तुम शादी करोगे आपस में बच्चे करोगे तो फिर वो बच्चे पागल निकलेंगे डेवलपमेंटल इश्यूज नहीं हो रहे सब कुछ हाँ बहुत सारी बीमारियां होंगी डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे रिटार्ड्स निकलेंगे वो सब होगा ये फर्स्ट रीजन है हाँ सेकंड उस टाइम पे रक्षाबंधन भी नहीं होता था अगर रक्षाबंधन तुम सेलिब्रेट करके कुछ कर ही नहीं सकते अपनी बहन के साथ तो ये दोनों रीजंस की वजह से बट आई एम सेइंग उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं पता थी अभी वो प्रॉब्लम पता है लेकिन बच्चा द ओनली थिंग दैट इज रॉन्ग अबाउट दैट इज कि तुम बच्चा करोगे तो वो पागल निकलेगा बेकार निकलेगा बट अदर देन दैट रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा टाइम यही ट्रस्ट बिल्ड करने में लगता है या फिर टू नो इफ यू आर कंपैटिबल पर वो तो ऑलरेडी उनको पता है कि वो कंपैटिबल है कि नहीं तो इनसेस्ट का वो एक बहुत बड़ा अप प्लस पॉइंट है कि यू आर रिलेटिव्स एंड यू नो ऑलरेडी इफ यू आर कंपैटिबल अगर उनको पहले से लग ही रहा है तो फिर वो करने तो क्या करते मतलब आई एम नॉट प्रो इट बट आई एम सेइंग आई सी द पॉइंट ऑफ व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टू इट इफ दे आर नॉट प्लानिंग टू रिप्रोड्यूस अगर उनको बच्चा अडॉप्ट ही करना है तो क्या फर्क पड़ता है मैं ये मेरे से एक आध बार किसी ने पहले पूछा है गेम ऑफ थ्रोन्स के कॉन्टेक्स्ट में कि डेट पे पूछा था झूठ मत बोलो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में क्योंकि मेरी बहन ने मैं बहुत कंफर्टेबली बोलता हूँ बढ़िया है बढ़िया कर लो जिसको जो करना कर लो तो फिर वो मेरे को नहीं होता बट जो तू बोल रहा है ना कि तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाता है कि तुम कंपैटिबल हो या नहीं तो उसमें यूजुअली आंसर होता है कि तुम नहीं हो ज्यादातर नहीं हो पर मैं वही कह रहा हूं चिढ़ते हो अपने भाई बहन से ट्रू बट मैं कह रहा हूँ कि द पीपल हु आर गोइंग फॉर इट If they are going for it, तब तो होंगे ना ये थोड़े by chance से उनका होने का लायक है भाई against their will घर वाले बोल रहे हैं जान अपनी बहन से शादी कर ये तो नहीं हो रहा है ना तो if they're choosing to do it, they already know life long उनका था कि उनको chill सही लग रहा था अब बच्चे मत करो बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है incest का एक ही जो फ्लॉ वो दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं कि तुम्हारे पागल हो जाएंगे बच्चे क्या फायदा तुम्हारे जितने और उनके बच्चे फिर होंगे तुम्हारी जीन पूरी फक हो जाएगी जीन पूल बस वो नहीं है तो उसका सोल्यूशन तो ये है कि आप शादी कर लो अपनी बहन से शादी में मत करो मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप बच्चे बनाए पे हमें बुला लो हम आपकी प्रॉब्लम्स झट से सॉल्व कर सकते हैं इंसेस्ट का इंसेस्ट और बढ़िया हेल्दी बच्चे ये आपके लिए कर रहे हैं हम मजबूरी है हमारी वैसे तो आपकी मदद हो जाए वरना मजबूरी तो क्या मतलब हम भी हमारा भी हाना लगेगा भाई हाँ हमारा कंसेंट लग रहा है पर हम कह रहे हैं कि आपकी हेल्प हो जाए हम क्यों आपको परेशान आपके बच्चे खराब निकले अच्छा थोड़ी लगता है एक ही समाज में रहना आप हमारे मोहल्ले में पागल बच्चे आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे ब्रिज क्यों गिरा क्योंकि बच्चा से रहता एक छोटा सा पॉइंट कट करना बाकी तो कॉन्वर्सेशन ठीक था रिलेशनशिप्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज्यादा आई थिंक पीपल टेक 7 years, 8 years टू रियलाइज कि ओ वी आर नॉट कंपैटिबल मैं तुमको पहले 6 साल पता नहीं चला साथ में पर इतना ज्यादा अनफोल्ड होने में टाइम लगता है तो इसलिए आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट इट्स क्रेजी दैट वी हैव नॉट थॉट ऑफ दिस सम पीपल हैव इनसेस्ट तो मतलब सिबलिंग्स तक भी बोल रहे हो लेकिन सम कल्चर्स हैव फर्स्ट कजिन सेकेंड कजिन वाला फर्स्ट कजिन तो आई थिंक वो लोग कहते हैं हम तो इतने दूर के रिलेटिव मिलते ही नहीं है स्ट्रेंजर ही मानेंगे हम तो बट इट्स इकी टू अस
बट इन सम कल्चर्स इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं, हमें प्रॉब्लम होने तो हो भी कि नहीं, पर हम तो अपना प्रो हैं, हम तो प्रो हैं भाई. हम तो कह रहे हैं करो जितना ज़्यादा इजी हो जाएगा. अगर कोई बोलेगा कि तुम अपनी कज़िन के साथ कर सकते हो शादी, तो फिर वो किस मुंह से बोलेगा कि यार ये दूसरा कल्चर वाला ठीक नहीं है, या फिर क्या कहते हैं उसको, दूसरी जात में शादी करने में, इंटरकास्ट में वो फिर मना नहीं कर सकते क्योंकि तुमने तो मौसी की बेटी के साथ कर ली. बट कैसा लगा अभी टूर में, मज़ा आ रहा है? मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सोलो कर रहा हूँ जिसमें लोग मेरे लिए आ रहे हैं, तो वो टूर वैसे होता है. आई थिंक टूर में मैं तब मानता हूँ जब ये सिटीज पहले अनाउंस हो जाए. ये तो ऐसा हो रहा है कि अच्छा कौन कौन सिटीज में, कौन कौन से कॉमिक्स को जानता हूँ यहाँ पे रूम में, लेकिन अभी तो इंटरेस्टिंग ही लग रहा है. मतलब दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, पर बहुत मज़ेदार है. दूसरी सिटी में परफॉर्म करने में कोई ऐसा नहीं है कि जनता का फर्क है, पर ये है कि यार पता नहीं था कि यहाँ पे भी बेच सकते हैं. हाँ, तो वो फील आती है कि तुम लोग इधर भी बैंगलोर में भी आ गए. अच्छा तुमने इंटरनेट हर जगह है. हाँ, कोई ऐसे मैसेज करता है कि कम टू हैदराबाद, में का ऐसे थोड़े से और 20 कमेंट डाल दो. हाँ, विच इज फेयर ऑल्सो, फिर मैं आ जाऊंगा. क्योंकि ये मैसेज तो हर किसी को आता है कि आ जाए, क्योंकि वो बंदा तो अपने हिसाब से देख रहा है ना कि मैं हूँ तो मैं चला जाऊंगा. उसे ये नहीं पता कि 100 और लोग फिर कहाँ से लाएंगे, वो तो नहीं हो सकता. बिलासपुर आ जाओ, भाई बहुत सारी चीजें बोल. तुझे पता है एक मेरे पास आया था मैसेज, कहता है कि आप यहाँ पे शो कर लो, मैं जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो क्लियर. तो उसने बोला हमने रिजॉर्ट बुक कर रखा है, पूरा रिजॉर्ट बुक कर दिया है, आप शो कर दो. और भाई पैसा वैसा सब एवरीथिंग इज क्लियर, फ्लाइट वगैरह सब कर दी. वहाँ पे मैं पहुँचा और खाली वो बंदा था. बैठ गया. हाँ बताओ कुछ. हमें तो मिलना था, हमें तो बात बात करनी थी. वो तो क्या ही होता है. मैं ये और हैंचो थी कि डेट पे बुलाया गया है मुझे चूतिया बना. मुझे ये वाली चीज अभी थोड़ी सी ना थोड़ी सी ऑड लग रही है कि जैसे कोई बोलते हैं कि शो करने आ जाओ और शो के बाद हैंग आउट करो. मैं कहा नहीं भाई, क्यों हैंग आउट करूंगा मैं. और मतलब ऐसा होता है कि अभी तक तो ये कि मैं उस सिटी में मेरे दोस्त हैं. मैं अभी ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे मेरे दोस्त रह रहे हैं तो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम हो गया, इनसे मिलाऊंगा, ये सब कुछ कुछ कर लूंगा. लेकिन अगर मैं बहुत अकेला भी होऊंगा तो मैं कुछ और देख लूंगा यार. मैं क्या बात करूंगा तुमसे. ये तो रिहर्स सा मोनोलॉग सा है, जो कि मतलब आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि हम तो ऐसे ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गाइस मेरी लाइफ के बारे में जानो, फिर ये हुआ वो हुआ. तो उनको लगता है कि हाँ वो तो जान गए, बट मैं थोड़े से शिवालिका 349 एस थोड़ी मैं नहीं जानता भाई. मैं क्या करूंगा बात करके तुमसे. शिवालिका 349 यू नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट. नहीं लेकिन देख, तू ये भी बोल रहा है कि वी सेल इट लाइक दिस, कि हम बता रहे अपनी लाइफ के बारे में, तुम हमारे दोस्त हो, इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि कॉमिक्स ऑफ द टॉप ऑफ द हेड नहीं बोलते. हाँ, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि अरे आपने उस दिन जो बात करी थी एक घंटे, कितना फन. मैं कहा भाई मैं सालों प्रैक्टिस करके वो बात रट के लेके आया हूँ. तो ऐसी कुछ डेटा प्राइवेसी पे भी कर दो बात, अरे कहाँ से बनाना पड़ता है भाई. हाँ भाई, तो पीपल डोंट रियलाइज, विच इज सच ए शॉकिंग थिंग, क्योंकि तुमको कैसे लग रहा है, यू नो पीपल अराउंड यू, डू यू सी एवरीबडी टॉकिंग एंड एवरीथिंग इज दैट फनी, नोबडी इज दैट फनी. हाउ डू यू थिंक कि ये एकदम एलियन आया है जो नॉर्मली एक घंटे बात करते हैं और एकदम फनी है भाई वो, और उसमें भी फनी नहीं होता भाई. तू सोच, मतलब ये नीड टू बी फनी तो बहुत साल से ही है ना, हर किसी की है, हर किसी की है. लेकिन जब तब स्टेज पे नहीं कर रहे थे और किल नहीं कर रहे थे, तब तक हम बस इरिटेटिंग थे. कि ये अभी भी है टू अ लॉट ऑफ पीपल, कि ये बस कॉन्टेक्स्ट समझता नहीं है, इसको तो बस हर समय कुछ जोक मारना है, इससे तो नॉर्मल बात ही नहीं कर सकते हैं, कोई सीरियस हो. यही सब ही बोला जाता था. और ये सब झेलने तुमको, इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ कॉमिक, ये सब झेलना पड़ेगा तुमको. हर जगह गाली पड़ेंगी कि भाई ये जोक हमारे ऊपर ट्राई मत कर, फिर कहां करूं भाई. और मैं अभी आइडिया सोचा, ये तेरे ऊपर करना पड़ेगा मुझे. एक मेरे को किसी ने कुछ मैसेज करा इंस्टाग्राम में कि आर यू फ्रॉम ASU. मैं कहा आई डोंट नो व्हाट ASU इज, तो आई थिंक ना ही होगा आंसर. तो उसने कहा ओ मैं किसी और को ढूंढ रही थी. ओ तुम तो कॉमिक हो. मैं कहा हाँ. कह रहे कौन से कंट्री में. मतलब इतना रैंडम DM था, ठीक है. मैं कहा इंडिया. कहते ओ डोंट यूज मी इन योर कॉन्टेंट. मैं कहा भाई कौन हो तुम. हाँ, कौन सा कंट्री है तुम्हारा. हाँ, कुछ भी नहीं मालूम. और कर भी दिया यूज. हाँ, ले कौन है तू. ये तो डाल रहे हैं. कहाँ से यूज करूंगा मैं. ये इतना वो लगता है कि ओ तुम्हें तो मटेरियल. भाई अभी बीच में मैं बता रहा था, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे तो एक रिश्तेदार आए थे मिलने. हाँ, तो मैं उनको कुछ ऐसे ही बता रहा था कि पापा ये बोल रहे थे, ये हो रहा था. कह रहे ओ तुम तो कंटेंट ढूंढ रहे होगे. मैं कहा हाँ भाई जरूर. मैं मतलब अस्पताल में भी ये नहीं कर रहा हूँ कि सब ठीक होके निकल जाए. मैं यहाँ कंटेंट ढूंढ रहा हूँ. विच इज बहुत सारे रिश्तेदार बोलते भी हैं, और
मतलब मेरे तो घर पे जब मम्मी भी बात कर रही होती है, बोलती है कि इस पे ये कुछ बना देगा, मैं कहा हर चीज़ पे नहीं बनाता। कई बार लोग जोक देने नहीं लगते, उसके बाद तुम ये बता सकते हो कि इन्होंने चाची ने कैसे बोला। हाँ, नोबडी इज इंटरेस्टेड कि चाची ने इस बात पे कैसे बोला। तेरे पेरेंट्स कभी तेरे को ऐसे पिच करते हैं कि ये वाली चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते? मतलब मजाक में ही, पर कॉल में बोलते हैं कि इसके ऊपर ये बना देगा, वो खुद ही अपने मन से, लेकिन मैं नहीं बना रहा भाई इसके ऊपर। मेरे पेरेंट्स थोड़ा उल्टा करते हैं कि बेटा सबके सामने जाके चाचू को फ्रॉड मत बोलो। चाचू इफ यू आर वॉचिंग, तूने सब तो कर दिया, क्या छोड़ा तूने, चाचू फ्रॉड है। क्या मैं तेरे को जोक सुनाऊं? बहुत ही हार्मलेस सा जोक है कि मेरे चाचू बहुत बड़े फ्रॉड हैं, पापा की प्रॉपर्टी हड़पने में लगे रहते हैं। तो पर सब मेरे पापा को बोलते हैं कि छोड़े यार जाने दे, छोटा भाई है, बट अब छोटा भाई भी 58 साल का हो गया। आई थिंक ये तभी वैलिड होता है जब बड़ा भाई बड़ा और छोटा भाई नाबालिग हो। हाँ यार, जो बुढ़े होते होंगे वो भी तो बोलते होंगे और छोटू भाई और मैं छोटू आ रहा है। तो मैं 82 साल मैंने ये जो करना शुरू करा, मैं जैसे ही बोलता हूँ मेरे चाचू फ्रॉड है, सब कहते हैं हमारे भी। ये बड़ा यूनिवर्सल सा एक्सपीरियंस है कि यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो व्हाई, बट जो बाप के साइड की फैमिली है वो हमेशा हरामी निकलती है, विच आई डोंट नो, और माँ की फैमिली सारी अच्छी, बट ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक दिस इज जस्ट योर लव फॉर योर मदर, जो उनकी साइड की फैमिली को तुमको हरामी दिखाई नहीं, सब इक्वली हरामी। बट मैं तो क्रिटिकल आई से जज करता हूँ, मेरी माँ से ही बहुत बहुत अच्छी है। भाई किसी को तो छोड़ दे, नहीं तो शिवालिका 319 और वो लड़की जिसको कंटेंट में आना था, किसी को नहीं छोड़ा तूने, चाचा फ्रॉड है, मासी भी अच्छी नहीं। हाँ तो लेकिन तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि फुल एक साइड खराब है, एक साइड में कुछ कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग खराब हैं, तो फेयर विच इज, बट आई मीन चाचू सबके वो हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं चाचू। और हाँ आई थिंक क्योंकि बाप अगर तीन भाई हैं तो उनमें इक्वली बटनी चाहिए, लेकिन इक्वली बांटी नहीं गई तो लड़ाई हो रही, ये सारी बहुत कॉमन लड़ाई है, माओ के में होता नहीं क्योंकि औरतों को मिलता ही नहीं कुछ। हाँ, वो तो अपने घर चले जाते हैं। माँ कब बोलेगी कि अरे मेरे भाई ने प्रॉपर्टी, कोई नहीं बोलता। इट्स अ प्रॉब्लम इज आर पेट्रियार्की के चक्कर में, पेट्रियार्की के चक्कर में हो रहा है कि माँ को जब प्रॉपर्टी मिली नहीं रही तो लड़ेगी कहाँ से, तो उनकी फैमिली अच्छी लगेगी। तो लोग कहते हैं कि तुम पेट्रियार्की खत्म करो, बट फिर मासी भी खराब हो जाएंगी। इफ यू वांट टू टेक दैट रिस्क, देख लो। पर तूने तो अभी खराब कर दिया मासी को, तूने कहा मौका दिया मासी को। मैं तो एक्सेप्शन हूं। मैंने एक बार ये बोला था कि बाप के साइड की फैमिली हमेशा ही घटिया होती है, तो भाई इतनी तालियां पड़ी क्योंकि सबके बाप की साइड की फैमिली, इट्स जस्ट आई थिंक इट्स द सेम थिंग इज द पेट्रियार्की साइड, की माँ की साइड को मिलता ही कुछ नहीं है तो वो किस चीज में लड़ेंगी, बाप को ही मिलता है तो वही लड़ते रहते हैं, प्रॉपर्टी के ही झगड़े हैं ज्यादातर, प्रॉपर्टी के झगड़े बहुत होते हैं, बहुत हैं और बहुत कॉमन है। मतलब मेरी फैमिली में इतना मुझे नहीं पता ज्यादा, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे प्लॉट था हमारा, ये इन्होंने छीन लिया और इनको नानी ने इनको दिया था मामा को, मामा ने डुबा दिया बिजनेस, इतनी सारी बातें मैंने सुन रखी हैं सबकी फैमिली में। हम लाइक यार, मतलब दिस इज जो हम बाहर सुनते हैं कि ललित मोदी ने फ्रॉड कर दिया, वो भी तो किसी का मामा होगा। तो बेसिकली उसके घर में तो यही बात हो रही है, मामू फ्रॉड है, वो थोड़ी बोल रहे हैं ललित मोदी फ्रॉड है। तो भाई सबकी घर में भी वो बोलते होंगे कि छोटा भाई तो बेकार, मुकेश तावजी से बात मत करा करो तुम, वो हमें नीचा फील कराते हैं। या द फैमिली डायनेमिक्स ऑफ द पीपल वी थिंक ये तो क्रिमिनल है। चार्ल्स सोबराज के भी घर पे बात होती होंगी, अरे ये एक खराब निकल गया कजिन हमारा, पढ़ा रहा नहीं। उसके पेरेंट्स भी कहते होंगे देखो हमने तो अच्छे स्कूल में भेजा था, हमने अच्छा पढ़ाया, हम अपनी तरफ से क्या करते थे कि फ्रॉड करे तो इंग्लिश में करे, भाई इंग्लिश तो अच्छी बोलता ही था, उतना ही था हमारा योगदान, ये सब नहीं सिखाया था हमने। पर ही वाज अ फ्रेंच, मैंने वो तूने देखी नेटफ्लिक्स वाली चार्ल्स सोबराज वाली? नहीं, ही वाज अ फ्रेंच और ब्रिटिश सिटीजन, वो बस मतलब वो इंडियन खाली यही था। और हम इसमें भी प्राउड फील करते हैं यार, मतलब इंडियंस का वो मेरे अंदर भी आता है, ऐसा नहीं कि वो मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, जब भी हम देखते हैं ना चार्ल्स, पहले एक बार चेक करें इंडियन है, ओ फक इंडियन है यार, इतना पॉपुलर बंदा है, इसके ऊपर सीरीज बन रही है। वो थोड़ा है तो क्रिमिनल इन जनरल चार्मिंग भी था, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम में तो तुम्हें बेसिक चार्म रिक्वायर्ड होता है, बहुत रिक्वायर्ड होता है भाई। और वो मतलब इवन आप वो तो उसका अलग से देखो सीरियल किलर्स में भी, अब हमने पहले भी बात करी थी, बट सीरियल किलर्स में एक वो पोर्शन तो होता है जिसमें वो सामने वाले को कन्विंस करके कि तुम मेरी वैन में चलो, ऑफ कोर्स बहुत चार्म, तो चार्म उसके लिए चार्म तो उन्होंने डेवलप करा ही है, तो वही चार्म देख के हमें अच्छा लग रहा है भाई, और क्या हो गया, हम थोड़ी कह रहे हैं कि किलिंग बढ़िया है, हम तो बस वो एस्पेक्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं उसका। पर कॉन्टेंट अगर तुम किसी भी बंदे के ऊपर 10 एपिसोड देख लो तो यू लाइक हिम अ लिटिल बिट। हाँ, वो क्योंकि एक्चुअली एक राइटर कुछ तो अच्छा होगा, तुम्हें एक्चुअली वो राइटर अच्छा लग रहा है,
जिसने तुम्हें फंसाया है कि ये डायलॉग्स बोले, ये सब कुछ कुछ करे. एक्चुअल सीरियल किलर थोड़ी अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो वो राइटर जो प्रोफेशनली ट्रेंड है इसमें कि कैसे एक ऑडियंस को एंडियरिंग बना दिया. हाँ, हुक करके रखो, एक ग्रे कैरेक्टर डेवलप करो, वो अच्छा लग रहा है तुम्हें. या वही गेम की हर कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए. अभी मैं कुछ देख रहा था जिसमें बोल रहे थे कि बेटर कॉल सॉल में उनका फेवरेट कैरेक्टर इज जिमी का बड़ा भाई चार्ल्स मैकगिल, जो अच्छा, भी. मैंने वही ब्रेकिंग अच्छा बैड देखा देखा नहीं? है, बेटर कॉल सॉल नहीं देखा है. ऑल्दो सब मेरे जिन दोस्तों ने बोला था ब्रेकिंग बैड देखो, वही बोलते रहते हैं कि बेटर कॉल सॉल बेटर शो है, देखिए बहुत वो. बढ़िया. एंड मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जो भी है, तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि चार्ल्स मैकगिल जो उसका बड़ा भाई है वो कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि वो ग्रे है. सबको ग्रे अच्छा लगता है, कि कोई भी इंसान प्योर अच्छा ना निकले. मतलब ऐसा हो कि बच्चों को पढ़ाता है, एनजीओ का है, लेकिन घर पे जाके बीवी को पीटता. कुछ उनको कुछ चाहिए ऐसा, कंट्रास्ट होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट बढ़िया चाहिए सा. भाई. कुछ लोग अच्छे भी होते हैं यार. मैं कितना क्या ग्रे है मेरे अंदर, बता. एक भी चीज ग्रे बता दे, फुल वाइट. पर क्यों चाहिए हमको कंट्रास्ट हर चीज में? ग्रे कैरेक्टर बनाओ भाई. तेरे को नहीं, अभी हम एक किसी के बारे में बात कर रहे थे, हाँ. कोई बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा होता है, ऐसा लगता है क्यों पका रहा है यार वेंचो. आई लव यू बोल रहा है वेंचो, फेयर इनफ, पकाओ. फेयर इनफ. हाँ, थोड़ा ग्रे अच्छा लगता थोड़ा है. अच्छा लगता है ग्रे क्या? व्हाट इज एन एंडियरिंग नेगेटिव क्वालिटी फॉर यू? क्या तो एक लड़की है जो मतलब बहुत अच्छी है, पर उसमें ऐसी क्या चीज तुमको चाहिए कि थोड़ा स्पाइस तो लाओ यार, थोड़ा मसाला तो डालो. व्हाट शुड शी डू? बी रूड समटाइम्स? नो, टेम्पर ही है, बट वो टेम्पर आई डोंट लाइक दैट. मतलब मेरे पे नहीं आना चाहिए. बाकी लोगों से गुस्सा हो जाओ, पर मुझसे प्यार करो. क्योंकि मतलब मैंने डेट करा ऐसे लोगों को जो अपना टेम्पर इजिली छूट जाता, मतलब वो गुस्सा हो रहे हैं कुछ हो रहे हैं. तो हम जब एज अ कपल किसी से लड़ रहे हैं कुछ कि ये काम करवाओ ये कुछ करवाओ, तो वो बिल्कुल बरस जाएगी, ये कैसे नहीं हुआ ये नहीं हुआ. तो मेरे को बस वहाँ पे लगता था और ले पंगे साले, बंदी भेज दी मैंने अपनी. लेकिन फिर वो लड़ाई मेरे से भी लड़ती थी, तो फिर थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता था. वेरी वेरी टॉक्सिक इट साउंड्स लाइक. ये बहुत हरामी है, बस मेरे साथ अच्छी. हाँ. नाइस गाइज आर नॉट नाइस, क्योंकि उनको कोई ऐसा चाहिए जो बहुत भी हरामी हो सकता है. एक्चुअली मैं जब बटन दबे तो तुम्हें तुम जैसे अगर डेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि अच्छा इंसान होना चाहिए, बट एक वो होना चाहिए बैलेंस अच्छाई में और प्रैक्टिकलिटी में, कि थोड़ा हम टैक्स नहीं दे रहे हैं. वो चीज़ों पे ऑन बोर्ड रहो, कि छोटे मोटे जो हम फ्रॉड कर रहे हैं करें उसमें मेरे साथ ही रहो. उससे मत करो कि ये तो गलत है. हाँ गलत है, लेकिन उसूल बीच में मत लाओ. मैं भी तो थोड़ा क्राइम क्रिमिनल फील होने, क्रिमिनल छोटा मोटा रिवेलियन तो हम भी करेंगे. तो वो छोटे मोटे रिबेलियन में मेरे साथ दो. कि बफे में खा लिया भाग गए. हाँ, ये एडवेंचर होता है. तुम सोचो अगर कि एडवेंचर करना है, व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू हैव डन? मुझे तो मतलब मैं कुछ नहीं किया यार ऐसा, कि जब मूवीज में देखो कि इन्होंने एक बार ऐसा कर दिया था कि चेंजिंग किसी और की प्रॉपर्टी में घुस के स्विमिंग पूल में कूद गया. भाई नहीं, ये सब नहीं करना मेरे को बहनचोद. एक तो ऐसा है कि मेरे दम भी नहीं है कि मैं भाई किसी का ट्रेसपास कर दूं. बाहर लिखा हुआ है कि कुत्ते हैं, गोली भी मार देते हैं, ये सब. या तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि मैं बिना लड़की के भी ये सब करता हूँ. हाँ, तो समझ में आया मेरे फिर को. समझ में आता है. हाँ. ऐसी किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैं बहन जो लॉकअप नहीं जा रहा मैं. राइट, एक तो वो है, और दूसरा भाई मुझे अच्छा भी नहीं लगता यार. मैं लाइक क्राइम है नेवर इन बैठ के दारू पी. अरे सांप होते भाई. हाँ. यहाँ पे एक इंदौर में एक बढ़िया सा फॉरेस्ट है, वहां पे बैठ के मेरे को नहीं पीना है बहन जो. अनसेफ है, अनकंफर्टेबल है, मच्छर है. सारी जितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटीज ये ऐसे करते ना, यहाँ छुप के जाएंगे और रात को मॉन्यूमेंट पे बैठेंगे, सब में मच्छर होता है सबसे बड़ा बैरियर. सही बात है, कीड़े काटते. हाँ, कोई नहीं बात करता है. जब भानगढ़ में रुक लेंगे वहां पे भाई, ये जो जो पत्थर घुसते हैं पीठ में. हॉन्टेड हवेली है भाई, हॉन्टेड है, भूत आए नहीं आए, मच्छर आएगा, इसीलिए लोग नहीं जाते वहां पे. हाँ, पागल जैसे बहन चो. पैसे खर्च कर लो. ये तो मतलब ब्रायन रीगन का जोक है ना, कि भाई इतनी मेहनत करके बंदे ने अपना घर बनाया सबकी, और टेंट में रह रहे हैं. क्या रहा, इसमें क्या मजा है. यही है. और जो भी एडवेंचर ऐसे होते हैं ना, कि अब तुम कैंपिंग करने जाओ, इट्स एन एडवेंचर, की भाई तुम पहाड़ में कैंप लगा के और खाना भी वही मैगी खा रहे हो, विच इज नॉट कूल. घर पे तुम कभी नहीं खाओगे. ये स्ट्रक्चर्ड एडवेंचर तब भी मैं एक बार को वो कर लूं कि नो, नॉट स्ट्रक्चर्ड. ऐसा नहीं कि तुम्हारा कैंपिंग पूरा सेट है और यहाँ पे एक टीम है और साथ में मेडिकल टीम भी है, वो बैठी हुई है. हाँ. और स्टैंड बाय पे है कि अगर कुछ हो गया बचाने. ना, एकदम खुला एडवेंचर की भाई माँ चुन गई तो चुन गई, ये सब कर रहे हो. बट ऑल दिस इज फेयर व्हेन यू नो दैट यू हैव द कुशन टू गो बैक टू योर कंफर्टेबल लाइफ.
ऐसे ये नहीं है कि जो सड़क पे होमलेस छोड़ दे, छोड़ दे जॉब, पैसे का क्या करना है पैसे का क्या बैग उठा जाओ जो सड़क के किनारे होमलेस लोग हैं हाँ। वो भी टेंट में ही रह रहे हैं, उनके लिए वो कैंपिंग नहीं है, उनके लिए कि भाई घर मिल जाए किसी तरह प्लीज वो ऐसे नहीं देखते कि फक आज तो एड्रेनलिन इतना ऊपर है मेरा आज क्या खाएंगे कुछ बनाते हैं यार, कुछ मैगी बना देते हैं हाथ से, लाइफ ऑन द एज भाई एकदम। इट्स नेवर कूल व्हेन यू डोंट नो दैट यू हैव लाइक अ कुशन ऑफ कंफर्टेबल लाइफ। कोई एक मूवी देखी थी मैंने, इनटू द वाइल्ड, अरे नहीं हिंदी मूवी वो वाली इरफान खान वाली एक मूवी थी, लाइफ ऑफ पाय, अरे नहीं यार हिंदी मीडियम आई थिंक या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम आई थिंक थी, जिसमें वो बोलते हैं कि गरीबी में भी मजा है, गरीबी कितनी कूल है, देयर ट्राइंग टू रोमांटिसाइज गरीबी क्योंकि ये लोग थोड़े दिन के लिए गरीब बने नोइंग कि भाई अभी चले आएंगे वापस बंगले, क्या दिक्कत है, तब वो बहुत कूल, तब वो गाने वाने गा रहे हैं, बट इट्स नॉट, जब जैसे पिक्चर में दिखाते ना कि वो अपने गाँव वापस गया, फिर उसने वो मक्खन उससे खाया ये सब कुछ, तुम एक दो दिन खा सकते हो, फिर ऐसा लगता है भाई जाओ यार घर, गाय का दूध निकालने में रोज अगर तुमको दूध निकालना है तो चाय तुम्हें बेकार लगने लगेगी, फिर लगेगी मेरे को नहीं खोलनी नींद अपनी नहीं पीनी चाय, बैठे रहेंगे हम, ओ गाय का गोबर एनआरआई यार तो गांव दिखाओ यार, असली इंडिया दिखा भाई। मेरे को तो इन जनरली लाइफ में भी मुझे कम चैलेंजेस चाहिए, ऑफ कोर्स सबको कम चाहिए, कम ग्रो करना है, कम सीखना है मुझे मुझे अपनी लिमिटेड नॉलेज में एक कंफर्टेबल लाइफ निकालनी है तुझे कोई ऐसा ऑफ बीट जो चीज, ये सारी ऑफ बीट ही हैं पर क्योंकि इसमें बहुत पिटाई होती है, बट इसमें डोंट यू वांट, डोंट यू हैव एनी एस्पिरेशन कि कुछ ये एक चीज करने का मन था कभी? जस्ट मेरा था कि मुझे बाइक बनानी है खुद। ओ ऐसे? हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई एम नॉट डूइंग इवन 1% ऑफ, नॉट putting any effort to bring that into reality. कुछ मैंने आज तक कभी ऐसा भी नहीं कि रेंच से बाइक टाइट कर दियो टू गेट टू अ पॉइंट कि मैं खुद अपनी बिल्ड करूँगा, पर मुझे मन बहुत है अपनी बाइक। मुझे क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें डिपेंडेंसी हटाती हैं वो हमेशा मन करता है सीखने का, जैसे गाड़ी एडिटिंग गाड़ी खोल के तुम्हारा कुछ वो हो गया, जिस भी चीज़ में मेरे को किसी के पास लेके जाना पड़ता है वो सब चीज़ें लगता है कि काश मुझे गाड़ी फिक्स करना भी आता होता, लेकिन उस सब चीज़ों के लिए उतना पैशन ही नहीं है मेरे को भाई। हाँ, कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरा फिर पूरा गाड़ी का सिस्टम सिखाएंगे करेंगे, मुझे लगता है अरे ये सब तो मेरे को पढ़ाने की कोशिश कर ही रहे थे इंजीनियरिंग में, मेरे को पकाओ ही लगता था तब सब कुछ। मुझे सीधे ये बता दो कि मेरी बाइक जो है हाँ, वो कैसे सही मैट्रिक्स में जैसा था ना कि जैसी कोई प्रॉब्लम आती है वो बस एक डाउनलोड कर देता है, अब तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, तो वो और वो भी मैंने रियलाइज करा कि मेरे को क्यों चाहिए होता है कि ये सब कुछ इंडिपेंडेंट हो जाऊं, क्योंकि मुझे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से डील करने में एंग्जायटी होती है कि ये कितने का होता है और लूट रहा है मुझे, हाँ लूट रहा है बस, वो पैसे कितने जा रहे हैं उससे ज्यादा अंतर ये लगता है कि मैं यहाँ भी चूतिया बन गया, बन रहा क्यों नहीं बन पा रही हो। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम एवरीबॉडी हैज कि भाई मैं पैसे दे दूंगा इफ, अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी दिख जाए कि पूरी दुनिया में देखो लोग इतने पैसे दे रहे हैं, अगर मुझे स्टैट्स दिख जाए आई विल हैप्पीली पे 10,000 नोइंग कि हर कोई 10,000 दे रहा है। द प्रॉब्लम इज कल को कोई आएगा और आगे बोलेगा कि अरे ये तो मैं 2,000 में करवा देता हूँ, मैं मेरा बस छूतिया ही कट रहा है हर जगह, रेंट में कि तुमने 2 महीने का क्यों दिया, ब्रोकरेज भाई आधे महीने का होता है, मैं यार अगर होता भी है अब मैंने दे दिया आके बकवास मत कर, मेरे ब्रोकरेज में बहुत होता, ब्रोकरेज में बहुत होता है, हर बार होता है कि यार व्हाई डू आई ऑलवेज गेट बैड डील, हर जगह मैं चूतिया कट, बार्गेनिंग वही नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती तो बट अब मुझे रियलाइज होता है बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिवर्सल सेंटिमेंट, हर किसी को यही लग रहा है, तो कोई तुम्हारा अकेले चूतिया नहीं कट रहा, सबको यही लगता है, समटाइम्स इट्स ओनली एंग्जाइटी। अगर तुम पूरा स्टैट लेके आओगे ना, ये जो 2-3 लोग जो बोल रहे हैं कि हमें बहुत सस्ता मिला, वो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो सिर्फ उनको चांस की बातें मिल गई, या फिर वो ऐसे होते हैं जैसे दिल्ली में ना एक हौसखास विलेज में हाँ पार्किंग स्टील डील मिल गई, नहीं एक पार्किंग थी जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है प्राइस कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ गाड़ी लगाओ, वहां से निकल रहे होगे तो तुम्हें जो तुम्हारी कितनी शक्ल कैसी दिखती है उस हिसाब से 250-400 ऐसे कुछ भी बोल देगा, ठीक है, तो उसमें जो इवेड कर पाते थे वो वैसे थे जो इन जनरल लड़ाकू थे, हाँ गुंडे, मार दूंगा ये कर दूंगा, क्योंकि वो लोग भी बाउंसर बुला लेते थे तो ये अब वो पार्किंग फ्री हो गई है क्योंकि उसने एक बंदे को कुछ बाउंसर ने आके कुछ निकलवा लिया 300-400 और कुछ थप्पड़ मारा है कुछ करा, जिस बंदे को मारा उसके पापा MCD में काम करते थे, उसने अगले दिन अपने पापा को बुलाया और वो पार्किंग बंद करा दी और वो फ्री पार्किंग है। उसके बाद ही मुझे पता चला कि ये सारी पार्किंग फ्री ही होती है, इनने नकली बस एक सब मशीन ले आते हैं भेजो 100 रुपये दिखा देते हैं और फिर तुमको ऐसा लगता है कि ठीक है अब कौन आ रही है, तो उसके बाद से मेरे को सब पार्किंग में देने में इतना चुभता रहता है। ये हॉस्पिटल में मैं गाड़ी लगाई हुई थी, मेरे को शाम को फोन कर रहा है, हेलो सर
हम लोग निकल रहे हैं आगे पैसे दे जाओ। मैं कहा तो किस बात के पैसे दे रहा हूँ मैं बहन चोद, हाँ तुम ही तो पार्किंग वहाँ रहोगे ना। कह रहे आ जाओ। मैं कहा आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल आए हैं, कुछ ऐसे खाने तो आए नहीं है, मैं दो मिनट आ जाऊँ भाई इमरजेंसी है, कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कह रहे अरे सर आ जाओ ना मैं कहा मैं नहीं आ रहा यार। तो ये इन सब चीजों से चुपता है तुम्हारे को कि, और वो वही है कि तुम्हारी कितनी स्ट्रीट स्मार्ट हो तुम कितने, तभी तुम उस हिसाब से बार्गेन कर सकते हो, उनको धौंस दे सकते हो कि मैं नहीं दे रहा साले जो करना करो, फिर कॉल पकड़ लेंगे, फिर मैं कहूंगा ठीक है दे दूंगा ये वर्बल वर्बल थी ये तो आर्ग्यूमेंट। इन दीज मोमेंट्स आई फील लाइक यार पहुंच जो होता है ना कि अभी मैं फोन करूं मिनिस्टर को और इसकी इसकी नौकरी चली जाए। जब भी कोई तुमको परेशान करता है मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि किसी ने मुझे बहुत परेशान किया है ना, काश मेरे पास कुछ ऐसा कांटेक्ट होता, ऐसा होता है एक होता जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बट तुम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के पार्किंग ले रहा है नो नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, जैसे हॉस्पिटल में या कहीं पे, हॉस्पिटल इज वन प्लेस जहां पे तुमको लगता है कि भाई खुला लूट रहे हैं, निचोड़े दे रहे हैं तुमको, है ना। तो वो एंड विच दे आर ऑल्सो डूइंग, बट यू आर लाइक कि आई विश आई हैड समबडी वुड कम एंड तुरंत जैसे किसी ने तुमको परेशान किया आई कॉल समबडी और वो इसको फायर कर दे। मेरी फैंटेसी सारी यही है कि मैं कॉल करूंगा और वो ओनर आ जाएगा इस जगह का, वो मुझे जानता होगा, वो इसको फायर कर देगा क्योंकि इसने मिसट्रीट किया है। वो कभी होता नहीं है बट इन दीज थिंग्स आई ऑलवेज ऐसा लगता है कि मैं उसको बोलूं कि नाम क्या सर आपका, दुबे साहब को जानते हो? हाँ मेरा सरनेम देखा आपने, दुबे ही लिखा हुआ है क्या मतलब हुआ इसका, मैं मेदांता का मालिक का बेटा ऐसे करके कुछ निकले। ये मेरी फैंटेसी बहुत सालों से है कि कुछ ऐसे देख फैंटेसीज भी सेम है लोगों की। मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल सेंटिमेंट कि हमारा चूतिया कट रहा है, क्योंकि वो पार्ट है पूरा कंज्यूमरिज्म का कि भाई मेरे से भी पैसे ले रहे हैं, इससे भी ले रहे हैं, जिसको आता है सिस्टम को फूल करना वो बच जा रहा है और हम लूट रहे हैं। बट क्योंकि 90% लोग लूट ही रहे हैं तो फिर उसे लूटना नहीं माना जाएगा, है ना। कोई बहुत कम लोगों को हैक पता है या फिर वो झूठ भी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ उंगली करने आते हैं कि अरे मैंने तो ये गाड़ी 2 लाख में ले ली, तूने कितने में 6 लाख में ली, ओ चूतिया कट गया वो खाली उंगली करने आते हैं। तो भाई अगर तुमको इतना सस्ता हाँ, और वो ये सब चीज में शो ऑफ करते हैं कि मैं तो एक जगह जानता हूँ जहाँ 15 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे मिलते हैं, तुम क्या ये हल्दीराम जाते रहते हो? हल्दीराम का ही जो शेफ है वो अपनी शिफ्ट खत्म करके यहाँ आता है और वो 15 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे बनाता है और यहाँ से बेटर बनाता है। हाँ। क्योंकि उसने बोला कि हल्दीराम का मैं नौकर तो नहीं, मैं अपने में अच्छा बनाऊंगा तो इसमें ज्यादा घी डालता है। मैं तो आपको अपने बर्थडे पे बुलाया था आपने हर जगह जाके क्या गा दिया सर क्या है ये सब कुछ अरे यार मैं क्या सोच रहा था, भूलिया मैं कुछ बोलने वाला भाई इतना लूटने वाला सीन यही है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि तुम एक तो ये लोगों को लगता है कि बस मेरे साथ चूतिया ना करे, ये सबसे बड़ा सबका डिफेंस रहता है कि प्लीज यार बस मैं इससे तभी बचूं। तो लोग ऐप से इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि तुम्हें अर्बन क्लैब से वो पूरा अनऑर्गेनाइज कारपेंटर कितना होता है इसका, वो बोलेगा कि 250, तुम बोलोगे सर 250 तो नहीं होता है जबकि हमें कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन ये मालूम है कि तुम्हारे जिस हिसाब से तुम वो बोल रहे हो 250 नहीं होता है। ऐसे ऐसे ऑटो नहीं बोलेगा तुम्हें कहाँ जाना है, अंधेरी में कहा, हाँ। तो तुम्हें लगता है अब तुम ये चुतिया कुछ गलत वो बोलेगा। या, हाँ। ये मेरे साथ बैंगलोर में भी हुआ कि अब मैंने डाला हुआ है ऊबर हाँ। है तो मैंने डाला हुआ है कि मैं कहाँ कोरमंगला जा रहा हूँ, कह रहे कि कहाँ जाना है, मैंने कहा डाला हुआ है उसमें, कह रहे फिर भी एरिया बता दो, मैंने कहा कोरमंगला, और फिर वो अपना कन्नड़ा में कुछ बोलने लगा किसी से, मैं कहा ये पक्का कुछ तो गलत घुमाएगा ये वो, कोरमंगला में गुंडे भेज दो मतलब वो तो खैर नहीं था इतना, बट मुझे वही लग रहा था कि ये बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए जब भी तुम कभी ऐप देखो ना, इफ यू सर्च ऑन गूगल तुम्हें कुछ खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, तुम एक अप्रोक्सीमेट प्राइस हाँ मिल जाता है एंड देन यू सी अलग अलग साइट में और एक साइट में बहुत कम दिख रहा है, तो नाउ मेरे दिमाग में यही है कि ये बहन जो नकली बेचते हैं हाँ, ये नकली हाँ, अब मैं सर्च कर रहा हूँ, उनकी रिव्यूज पढ़ रहा हूँ, मुझे खरीदना भी नहीं सामान, मैं बस देख रहा हूँ बैठ के कि अरे बोस के हेडफोन ये तो 36,000 के हैं, ये 17 के बेच रहा है, ये चोर कंपनी होगी, फिर मैं बहन जो बैठ के उनकी 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ डाली कि ये कंपनी ये सैनिक पार्क में इन्होंने ऑफिस खोल रखा है और ये लेके आते हैं बाहर से अनबॉक्स बेचते हैं, जिसकी मैं कंपनी एक लिखते कुछ तो कंपनी है और वो पढ़ना भी जरूरी होता है ताकि अगर तुम उससे बार्गेन कर रहे हो तो उसको लगे कि इसको तो बहुत चीजें पता है हेडफोन्स के बारे में yes. कि इस पे सर वो कौन सा मफ्स कौन से लगाते हैं कॉटन के स्वीट लेदर के होने चाहिए बट हाँ दिस इज अ बिग थ्रेट दिस थिंग फियर ऑफ एवरीवन आई नो कि यार हमको लूटा जा रहा है। मैं एक जोक करता हूँ कि
हर एक सब्जी कैसे पहचानो अच्छे या नहीं, उसके लिए तुम्हें बहुत सब्जियां खरीदनी चाहिए और तब फिर तुम वो कर सकते हो। जैसे अब तुम मेरे को कोई सब्जी बोल और मैं तेरे को बताऊंगा कि कैसे अच्छी सब्जी वो आइडेंटिफाई करो। भिंडी। भिंडी तो तुम उसको बोलो भैया अच्छी वाली देना भिंडी। तो अगर तुम फोन पे मम्मी को कॉल कर दो, मम्मी ये नहीं दे रहा अच्छी भिंडी, नहीं दे रहा, इसको डांट। भाई साहब ऐसे कैसे, आप बच्चा इतना दूर आया पढ़ने। एक ऐड भी था जिसमें पता है वो वीडियो कॉल बेसिकली फोन का ऐड है या फिर एयरटेल का किसी का, कि वो वीडियो कॉल कर देता है और उसकी मम्मी डांट देती है कि बच्चे को बेवकूफ बना रहे हो, चलो अच्छी निकालो, और फिर वो तुरंत अच्छी निकाल दे। दिस इज एन ऐड ऑफ आई, बट ये जेन्युइन वो होता था कि जब खरीदने जा रहे हो तो समझ ही नहीं आता क्या, तो बस मैं ऐसी कैजुअली मेंशन कर देता हूं कि भैया यार अच्छी से वो देना, लास्ट टाइम हमने खराब दी थी, ताकि उसको लगे कुछ आइडिया होगा इसको, ये टैब्स रख रहा है। बट लेकिन इजीली सी थ्रू योर बुलशिट, और वो ऐसे बोलते हैं बेस्ट है भैया, अरे आप बेफिकर होके जाइए। मेरी गारंटी मीठा निकलेगा। हाँ। कैसे होगी तेरी गारंटी भाई मीठा निकलेगा इसकी। और फिर तुम कोर्ट जाके बोल रहे हो जज साहब कितनी गलत गारंटी दी थी, गारंटी दी थी और ठेला भी हटा दिया। हाँ। वहां से मैं अगले दिन ढूंढने गया था, ठेला नहीं था। बट वही है यार, मैं तो मुझे तो बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं ठेले वाले भी हर कोई, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती। अब कोई मुझे जोक का पूछे कि ये जोक अच्छा है कि नहीं, तो मैं उसकी परख रख सकता हूँ, मैंने लिखे बहुत हैं, लेकिन बाकी किसी चीज़ वो भी हम इतना रख सकते हैं कि ये लिखे हुए जोक में कैसा लग रहा है, तू कैसा परफॉर्म करेगा उस दिन, कैसा वाइब होगा, क्या होगा, वो भी नहीं गेज कर सकते भाई। और ये तो पूरे दिन यही काम कर रहे हैं। हाँ, तो इट्स वेरी टफ टू नो कि कोई चीज़ अच्छी है कि नहीं। मेरा तो बहुत बेवकूफ़ बनता है, मतलब मेरे को एक्चुअली बेवकूफ़ बनने में इतना वो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो लो स्टेक्स बेवकूफ़ बन रहे हैं। हाँ, 100 रुपए का नुकसान है कि शायद मैं आदमी ऐसा हूँ। yes, कल को कोई बड़ी चीज, कल मैं घर खरीदने जाऊंगा तो मैं बहन जो, तो उसमें भी बेवकूफ़ बन जाऊंगा, कुछ ऐसे दलदल में बीच में ले आऊंगा घर। रेंट में वही तो होता है। हाँ, तुम रेंट करते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5,000 एक्स्ट्रा इज नॉट दैट बिग अ डील, पर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, कल को जब मैं खरीदूंगा तो ब्रोकर मुझे बेचेगा भी 10 लाख महंगा, तो वो इन लॉन्ग टर्म मेरा चूतिया ही कट रहा है हमेशा। दैट इज अ प्रॉब्लम। डिवोर्स के बाद मेरी वाइफ पूरा घर हड़प लेगी, एलिमनी ले लेगी पूरा और बच्चे मेरे को दे देगी। आई ऑलवेज गेट द बैड डील। तो वो इज आई थिंक अ माइंडसेट, और मेरा अभी धीरे धीरे सेट हो गया है, मेरा सही हो गया है, क्योंकि मैंने मान लिया है कि सभी का चूतिया कट रहा है दुनिया में। मैं जिससे बात करता हूँ उसका यही डर है, हर किसी का यही डर है। अगर यूनिवर्सल डर है तो इसका मतलब है कि सब बेवकूफ बन रहे हैं, तो देन आई शुडंट बी वरीड अबाउट इट। और ऑनलाइन खरीदो, क्या ही यही सोल्यूशन है, सामने लिखा रहता है उसमें ऑनलाइन ले लो, लेकिन उसमें भी हो रहा है कि वो आजियो से मत लेना, उसके नकली होते हैं जूते। मैं कहा बट उसमें लिखा है ऑथेंटिक रीबॉक 9,000 ओरिजिनल प्राइस 2,000 मिल रहा है डिस्काउंट में। या इसीलिए सारी स्टोरीज बताने में किसी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त था, वो अमेज़न में सेलर था, चाइना से सामान मंगा के और रीबॉक बोल के बेचता था। हाँ। और वो बोल रहा फक मैंने भी तो पिछले साल लिया था जूता। हाँ, तेरे दोस्त अमेज़न से लिया थी तो मैंने तेरे दोस्त ने चूतिया बनाया होगा मेरे को। तो इसलिए कभी कोई पूछता नहीं ये जूते कितने के, मैं सोचता हूँ छोड़ यार तेरे को अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। मैं बताऊंगा फिर तू बोलेगा इतने महंगे ले लिए, मैंने अभी लिए थे सस्ते लिए, फैक्ट्री आउटलेट से लिया करो। और जो लड़की है उससे बोल दिया करो तुम हॉट हो तो 2,000 और सस्ता दे देगी। भाई हमें ये सब ट्रिक जाननी नहीं है, पॉइंट नहीं है कि हम खरीद चुके हैं, आगे का बताओ। ऐसे में किसी का गेसिंग गेम भी खराब करने बहुत मजा आता है कि गेस करो कितने का लिया, मैं कहा 12 रुपए का। गाड़ी है यार इनोवा। कैसी बात कर रहा है। और उसका उल्टा भी होता है यार कि तुमने सपोज तुमने किया है। हाँ। ये गेस करो कितने के, एंड यू आर थिंकिंग ये 35 रुपए के मैंने लिए, सब शॉक हो जाएंगे, है ना। हाँ। भाई तकिया 35 का कैसे मिल सकता है। और लोग बोल रहे 25 है, बढ़वे हो तुम साले, तुम्हें तमीज नहीं है, निकलो मैं तो कर रहा हूं। क्यों मिलेगा ये 25 रुपए का साले, कम से कम 200 का होना चाहिए। कितने का लिया, 35 का। एक बार मासूम ने बहुत भैंस और रूड वो चीज करी थी। फेयर इनफ, साउंड्स करेक्ट। माधवेंद्र ने कुछ नए जूते पहन के आया था। हाँ। तो मासूम ने कहा कि अच्छे लग रहे हैं जूते। हाँ। उसने कहा थैंक्स, कहता कितने के लिए, उसने बोला कुछ ऐसे 5-6, इतने अच्छे भी नहीं लग रहे, छह ये यार मासूम तो बड़ा हुआ नहीं। तो फिर मैं कहा कि दिमाग से बड़ा भाई कैसे कर रहा है। हाँ। कह रहा है 6 के लेने होंगे तो मैं जॉर्डन ले लूंगा। मैं कहा भाई कौन सी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ। 6 के जॉर्डन आ जाएंगे, कह रहा है मिलते हैं डिस्काउंटेड पे ये वो। और इतने में माधवेंद्र ने अपने पैर पीछे कर लेगी। तू भाई प्लीज मेरे मोजे मत देख। मैं नहीं दिखा रहा तेरे को कुछ, रूड
यार बचपना तो बहुत है भाई, मासूम बहुत ऐसी चीजें करते हैं। मैं से कहता है इतने सारे वीडियो डाल दिए, 1,00,000 सब्सक्राइबर तो हो गए होंगे अभी तक। अगर नहीं भाई नहीं हुए अभी तक, नहीं हुए अभी तक। ये मैं कहा यार मैं भी चाहता हूँ कि मेरा करियर उठे। हाँ, when people get mad कि तुम popular नहीं, हाँ, भाई तुमसे ज़्यादा मुझे मन है popular होने का। भाई, हाँ, भाई तुम इतने underrated क्यों? हाँ, भाई तुम्हारा तुम verified नहीं हो। मेरे पीछे काला जादू करा actually। अगर तुम हटा सकते हो तो please हटा दो। मेरे से गुस्सा हो रहे हैं कि मैं popular नहीं हूँ। अरे भाई तुम लेकिन उसने मुझे पहले इनसाइट किया था। आई टेल यू द नेम लेटर एंड यू विल रियलाइज कि कैसा वो रिएक्शन। मैं हमेशा अपने मन में यही सोचता हूँ कि काउंटर अटैक तो मैं उतना खराब नहीं मानता। हाँ हाँ भाई, तुमने अगर उंगली करी तो मैं बोलूंगा। मैं बग्स बनी देख के बड़ा हुआ हूँ। पहले उसको कोई उंगली उसके छेद में आके कोई भैंसो गन डालता था। हाँ, फिर उसके बाद गांड मारता था। तो कोई गलत वो नहीं होता है। डेफिनेटली। और दूसरा मैं अपने मन में ऐसे सोचता हूँ कि या तो मैं उसकी बात का बुरा मान जाऊंगा और मुझे इवेंचुअली उसे माफ करना पड़ेगा, या मैं खुद लाइन क्रॉस करके गिल्टी फील करूंगा कि मैं इतना रूडली क्यों बिहेव करा। राइट। और मुझे खुद को माफ करना पड़ेगा। खुद को माफ करना बहुत इजी है। वेरी इजी। मैं बहुत ऑलवेज बेटर। मैं रोज करता हूं। तो इससे अच्छा सामने वाले को के सामने वो रूड हो जाओ तुम कि करेक्ट तुमने लाइन क्रॉस करी। और लोग कहते हैं उसने अनजाने में बोल दिया। मैं कहा तुम्हें उसे थोड़ी दुनियादारी सिखा रहा हूं। इट्स गुड ओनली कि थोड़ा इल हेल्प हिम इन द लॉन्ग रन कि और हम तो मतलब हम वायलेंट नहीं। कल को तुम किसी ऐसे बंदे से करो जो बदतमीजी करो वो चाटा ही मार दे तो उससे तुम्हारे एक चाटा बचाया तुम्हारा तो कायदे से तुमको थैंक यू बोलना चाहिए। और तुम सॉरी पैसे कमा लेते हो इससे क्या वो है। अरे भाई काम करो बहनचोद। और सबसे ज्यादा गुस्सा पता मुझे किस पे आता है? जो आंटियां घर की कोई रिलेटिव ऐसे कोई चाची मौसी कुछ ऐसे सवाल पूछ रही है कि कितना कमा लेते हो। मैंने कहा एक तो आपको तमीज होनी चाहिए, मेरे से बहुत बड़ी है। हम कभी नहीं पूछते आप। हाँ भाई, मैं एक बार ये जब इंजीनियरिंग के जस्ट बाद जब कॉलेज के प्लेसमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो सब बहुत कॉमन ट्रेंड होता है। सब लोग आके पूछ रहे हैं और कितने का पैकेज लगा। हाँ, क्या है? तो मैंने एक अपने पापा के फ्रेंड को बोला सही लगा अंकल। हाँ, ठीक हो जाएगा। अरे तब भी नंबर बताओ कितना। हाँ। तो मैंने उनको नंबर बताया। मैं कहा आप कितना कमाते हो? हाँ। तो वो मेरे से बहुत चिढ़ गए थे। हाँ। पापा को जाके बोल रहे बड़ा बदतमीज हो। हाँ। लौंडा कि मतलब अंकल लोगों को अलाउड है, आंटियों को अलाउड है। हाँ। ये बदतमीजी करना, सेम चीज तुम उनके साथ कर दो वो बड़े हर्ट हो जाते हैं। मैं जो अब तो मूछ है, हम भी अंकल है। और मतलब उनका ये पता ही ये दिस इज अ बिग सीन एंड आई थिंक पीपल हु आर लिसनिंग शुड ऑल्सो फकिंग बी रूट टू ये अंकल अंकल की जस्ट एज की वजह से बहनचोद इनकी इज्जत करना ठीक नहीं। मैं तो बेइज्जती करो जाके। तो जैसे ट्रेन में या प्लेन में तुम्हारी सीट आके लेने लगेंगे और तुमने अगर मना कर दिया सो एंटाइटल्ड कि बोलेंगे अरे एक बड़े बहनचोद मैंने टिकट के अलग से पैसे दिए हैं ये सीट लेने के लिए और मैं लेडीज हूं। तुम लेडीज हो तो मैं भी फेमिनिन हूं भाई। मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट है तुम्हारे से, निकाल दो बहनचोद अपना मेकअप का दिखा देना। चार तरह के मॉइस्चराइजर रखे मैंने, बढ़िया लेडीज, देखते हैं कौन बड़ी लेडीज है। इट्स ओके टू बी रूड टू पीपल, किसी को स्ट्रेंजर्स को डोंट गिव देम लीवे जस्ट बिकॉज दे ओल्डर देन यू। बहनचोद बदतमीज हर एज के होते हैं। हाँ भाई, बच्चे भी बदतमीज होते हैं और बच्चे भी तमीजदार हो सकते हैं। तो ये मैं किसी को नहीं देता। और कोई भी यूजुअली देखा जो बुढ़े होते हैं ना वो जो उनकी पर्सनैलिटी का कोर होता है ना सबका एक वो बुढ़ापे में एम्पलीफाई हो जाता है। हाँ, तो अगर वो बदतमीज है तो महाबदतमीज हो जाएंगे। अगर वार्म होते हैं तो बहुत केयरिंग वार्म हो जाते हैं। राइट। तो भाई मुंह पे डांटो बहनचोद। और तुम्हारे रिलेटिव में पहली बात तो रिलेटिव किसके कभी काम आए? लौड़ा कभी काम नहीं आते। तो इनको जस्ट बिकॉज यू कीप गिविंग देम लीवे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये बूढ़े हो चुके हैं, ये जाने वाले हैं, इनसे मत बदतमीजी करो। मैं कहा फिर तो क्या मैटर करती, जाने वाले तो कर लेता हूँ जितनी बदतमीजी है। दो साल बुरा लगेगा। हाँ ठीक है भाई, दो साल दुख झेल लेंगे, गिल्टी हो जाएंगे, हम तो खुश हैं भाई। नहीं, मेरे को तो बहुत लंबा रहना है। मैं नहीं सह सकता बेइज्जती। और अगर वो मर गया तो फिर मुझे मलाल रहेगा कि बेइज्जती उसकी कर भाई। मर गया आप तो बोल भी नहीं सकते, कब्र में बोलेंगे क्या? तो I think it's and this is something that I see a lot of people holding back. A lot of youngsters have to hold back. उनसे कोई अंकल आके या आंटी आके, mostly aunties, I'm sorry, मतलब ये इसमें कुछ sexist relation नहीं है, बदतमीजी होती है। आगे बेटा बाल जा रहे हैं उससे पहले शादी कर लो। हाँ चुप रहो तुम बहन, जो चुप रहा करो। तो यंगस्टर्स आई थिंक यू शुड बी फकिंग रूड। मार मैं जो डांटो गालियां दो, इट्स ओके, दे शुड ऑल्सो लर्न। ये नहीं है कि मैं जो तुम अगर तुमने 30 साल तुम बड़े हो और तुमने कभी तमीज नहीं सीखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी रूड हो सकते हो। एंड यू वोंट गेट इट, यू विल गेट इट बैक। आई थिंक यंगस्टर्स शुड लर्न टू फकिंग गिव इट बैक टू देम एंड टीच देम अ लेसन। क्या बदतमीजी का कोई उम्र नहीं होती और तमीज की कोई उम्र नहीं होती। छोटे बच्चे मैंने देखे जो बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, बात करते हैं ऐसे। और बहुत सारी आंटियां देखी जो तमीज से बात नहीं करती और बहुत हर्टफुल चीजें कर देती हैं। तो भाई इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
आई थिंक इफ यू वॉचिंग दिस दिस इज द कोर. मैं इसका टाइटल भी यही रखूंगा कि आंटियों को चाटे मारो, दैट इज द टाइटल जो खाने चाहिए इनको क्योंकि बदतमीज है. तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि तुम स्ट्रेंजर जिनको अगर तुम फाइनल अगर रिलेटिव भी है तब भी मुझे थोड़ा समझ में आता है, तुम जानते ही नहीं, तुम पड़ोस की किसी बच्चे को ऐसी बात कैसे बोल सकते हो यार. वो बोल देते हैं बड़े कॉन्फिडेंटली, तो उनको तो पढ़ना चाहिए. मेरे साथ नहीं हुआ बट आई एम सेइंग मैंने देखा है होते हुए. नहीं, बहुत, I felt very hurt for that kid जिसने कुछ नहीं बोला, मेरे सामने हो रहा था. आई एम लाइक यार भाई इतना तो मैं चाहूंगा कि सब लोग ये बेसिक bullying retaliation सीख ले. Yes, yes, retaliate and bully can be anyone. It can be your age, family में भी आ सकता है. Family में भी हो सकता है. तो तुम्हारे अगर चाचा bully कर रहे हैं, दो चाटा घुमा के मैंचो. ऐसे stupid type की बातें करते थे. मैंचो मैं VIT में था, तो खाने का ये चाचा, ओह तू तो इडली सांभर ही खाया है. तुम्हारे घर पे तो मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा. Yeah. And the humor also, you can call them out on their humor also. कि क्यों पका रहे हो? घटिया बात पे हंस रहे हैं और तुम्हारी बात पे बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं. ये महमूद टाइप के जोक्स गए महमूद साहब के साथ. This is digital era. कुछ एजी बोलो तब होएगा यहाँ पे दाल गलेगी. यार क्योंकि बच्चों को बहुत गालियां पड़ती हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे. भाई तुम्हारी जनरेशन भी बहुत घटिया है. आई थिंक यू शुड बी रेडी टू टेक दैट ऑल्सो एज कि भाई तुम्हारा कोई तुम एक रूम में आ जाते हो तो यू डोंट बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और तुमको लगता है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो पर वो नहीं. आई थिंक हमने बहुत जिंदगी जी है. हाँ बट बोरिंग ही जी है. घटिया जिंदगी थी. मैंने देखी आपकी जिंदगी कैसी जी है आपने. एंड नाउ आई थिंक इट्स चेंजिंग लॉट बिकॉज अ लॉट ऑफ आई थिंक स्ट्रीमर्स यूट्यूबर्स अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. तो इनको वो भी थोड़ा हर्ट होता है कि हमने जीवन भर मेहनत करी, इन्फोसिस में काम भर मेहनत करी और हमने प्रोपगेट करा कि बेटा ये सब फालतू एक्टिंग वैक्टिंग इन सब में कुछ नहीं रखा है. तो वो पूरा गलत प्रूव हो रहा है. और इन्फोसिस में काम करके इतना करके हमने एक कमरा कमा पाए और बच्चे ने स्ट्रीमिंग करके मैं जो बंगला खरीद लिया तो दैट ऑल्सो हर्ट्स देम अ लॉट. तो इसलिए और थोड़ा उनका बिटरनेस निकलता है बट इट्स गुड निकलना. और प्लस वो भी करते रहते हैं कि देखो सच्चाई के राह पे चलोगे तो हमेशा बड़ा याद आ रहा है क्योंकि तुम कर नहीं पाए, रिवॉर्ड मिलता है. Yeah. भाई यहाँ फुल बेईमानी से जीत रहे हैं सब. क्या सिखाया तुमने मैच, सारे ही लेसन गलत सिखाए. तुम मिस्टर बीस्ट देखते है क्या? नहीं. अरे भाई यार मतलब आई बिकम सच अ फैन. तो मिस्टर बीस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स. तो उसका शुरुआत में तो मतलब वैसे ही करता था कि कुछ भी रिएक्शन वीडियोस वगैरह जो भी कर रहे हैं. बट हिज क्लेम टू फेम वाज वो लोगों को पैसे दे देता था. ऐसे जाएगा और सड़क पे किसी को दे देगा $1,000, भिखारी को दे देगा ऐसे $1,000. वरुण प्रूथी टाइप. बट वरुण प्रूथी एक्टर्स लाता है. ही वुड एक्चुअली गिव इट टू पीपल. नहीं वरुण प्रूथी एक्टर्स लाता था, वो केले वेले वाले बेचने वाले एक्टर्स. तो तुझे ऐसा नहीं लगता 10 वीडियो में केला वाला सेम ही क्यों है? मैंने तो ध्यान से देखा नहीं. एक ही बंदा है, वही कभी उसका बॉस बन जाता है, कभी वो भिखारी बन जाता है. वो तो कई बार वो रीएनएक्टमेंट करता है जिसमें ऐसा होता है कि एक बॉस ने उससे बदतमीजी करी, इवेंचुअली वही उसका बॉस बन गया. लेकिन कुछ कुछ वैसे होते थे कि वो जो वेट मेजर करने एक वेइंग मशीन के बगल में लोग बैठ जाते ना कि पैसे दे जाओ हम आपका वजन देख लें, वैसे टाइप की कोई अम्मा को पैसे दे, अम्मा मैं भगवान का आदमी हूं. तो वो सेम जॉनर है. तो बेसिकली इसने बहुत किया. तो मिस्टर बी स्टार्टेड विद कहता था कि वो उसने स्टार्ट किया था आई थिंक $10 किया, $100 की टिप देना. फिर एक बार उसने एक कंपनी का स्पॉन्सरशिप पहली बार आया, उन्होंने दे वर रेडी टू गिव हिम $10,000. दे वर आई थिंक रेडी टू गिव हिम 9. ही सेड गिव मी 10, आई विल गिव द होल मनी टू दिस वन गाय. एंड देन वो कहते हैं 10,000 तुम दे दोगे. उसकी मम्मी कहती है कि 8,000 दे दो, है ना, दो खुद रख लो, कम से कम कुछ तो कमाओ. वो कहता है कि नहीं टाइटल में अच्छा लगेगा, 10,000 लुक्स मच बेटर करके. एंड ही गेव इट एंड दैट बिकेम वायरल. और ऐसे कर करके ही केप डूइंग और अभी इतना ज़्यादा हो गया है. His videos are such big, at such a big level कि एक उसने वीडियो किया था कि $1,000,000 उसने रख दिया एक जगह पे और कुछ लोगों को बुलाया, आई थिंक अपने सब्सक्राइबर्स को ही बुलाया और सबसे बोला इसके ऊपर हाथ रखो, जो लास्ट हाथ हटाएगा उसके $1,000,000 हो जाएंगे. और एक बंदे ने एकदम लास्ट तक रखा रहा वो बंदा, उसको $1,000,000 मिल गए. फिर $1,000,000 उसके खर्च भी करवाए. तो बहुत इट्स अ लॉट ऑफ फन टू सी कि वो बंदा $1,000,000 से क्या कर रहा है. उसने घर खरीदा है, उसने गाड़ी खरीदी, अपने मम्मी पापा को दिए पैसे, अपनी सास को दिए, सारे दोस्तों को, अपनी फैमिली को बांटे और इन्वेस्टमेंट भी किया उसमें, साथ में टैक्सेस भी 40% अलग कर दिए, ये सब किया. और इस तरह के इसके पास हजारों वीडियो हैं. इज वेरी पॉपुलर. अभी इसके 100 million सब्सक्राइबर्स हो गए थे, अभी तो 111 कुछ है. बट मुझे ऐसा लगता था कि ये वीडियो देखने में क्या ही मजा आएगा. बट वेन आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज वीडियोज हैव वेरी हाई वॉच टाइम कि तुम अगर स्टार्ट कर दोगे एंड नहीं तक नहीं रुकोगे, बिकॉज सब कुछ फास्ट है, वो खींचता नहीं चीजें. तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट. वरुण प्रोथी ने बाद में ही किया होगा. मिस्टर बीस काफी पुराना है. बट देन तो उसका जैसे मिस्टर बीस का जो स्क्विड गेम वाला है
तो स्क्विड गेम का जो पूरा स्टोरी है वो इतने सारे एपिसोड में, 10 एपिसोड में देव डन द होल गेम्स राइट, इसने एक 10 या 15 मिनट की वीडियो में ही डिड द होल थिंग. तो वो इतना स्नैप कंटेंट है उसका कि वो टाइम में वेस्ट नहीं करता तुम्हारा. जल्दी जल्दी उसने पहला गेम लोगों को लेके आया और 437 लोगों को एलिमिनेट करके जीत भी गया बंदा और उसको फोर्थ. जिंदा रहते हैं वो. जिंदा रहते हैं पर सिमिलर गेम्स, पर वही है कि वो मरते नहीं है, खाली एलिमिनेट होते. तेरे को ये बैरियर कभी पहले फील हुआ है कि कोई चीज अगर बहुत पॉपुलर तो तेरा मन नहीं होता था देखने का कि ऐसा क्या देखते हैं मैं नहीं देखूंगा, या फिर यू वर ऑलवेज ओपन? आई वाज ओपन, आई जस्ट वांटेड कि मुझे मजा आना चाहिए. मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा कि दिस इज टू पॉपुलर दिस विल बी बैड. हाँ, ये सब नहीं. और मुझे मैं ये भी नहीं करूंगा कि सबको अच्छा लग रहा है तो मैं बोल दूंगा अच्छा है, अगर मुझे बेकार लग रहा है तो. बट आई वॉन्टेड टू वॉच कि भाई अगर इतना चल रहा है तो कुछ तो होगा उसमें बात. एंड जनरली होती है everything that is popular, it has something. The retention value of a video comes from something. कि अगर कोई लड़की वहाँ पे नाच भी रही है तो उसकी retention value क्या है? हर कोई नाचेगा तो उतने नहीं आएंगे. वो क्यों आ रहे हैं? कुछ तो reason है. तो I just want to study that. X factor है उस लड़की में. कुछ तो है यार. मतलब some people, if you give somebody one line, एक line है, funny line है, एक बंदे को दे दो बोलने को और फिर ऐसे 100 लोगों को बोल, तो किसी का चलेगा किसी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. तो कुछ रीजन तो है. सिर्फ कंटेंट इज नॉट एवरीथिंग. आई थिंक इट एवरीथिंग मैटर्स. हाउ यू शूट इट, हाउ इट लुक्स, कैसे एडिट हो रहा है वो स्क्रीन पे, कैसा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं कहते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस होता है कुछ तो है वो चीज. तो उसका वो भी है. मैं तो इतने मन में बड़ा बैरियर था कि मैं कुछ भी मेन स्ट्रीम नहीं देखूंगा, सब इंडी होगा, नीश होगा, ये बकवास होगा. पर अच्छा नहीं होता मेरी आगे की, मतलब जो सेकंड हाफ सा निकल रहा है वो ऐसे यही निकल रहा है कि बढ़िया तो है गेम ऑफ थ्रोन्स. लेकिन तो एक्शन मूवीज के साथ, इसलिए अभी मैं मार्वल, मतलब आई मेक इट अ पॉइंट कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में देखो, क्योंकि वो कलेक्टिव व्यूइंग एक्सपीरियंस हो सकता है. पैंडेमिक में भी बदल गया क्योंकि मैं वो कलेक्टिव वॉचिंग बहुत मिस करता था उस टाइम पे. भाई एनर्जी सब लोगों की, इट एलिवेट्स इट, सेम विद स्टैंड अप, सेम विद एवरीथिंग. बट तो मेरे को फिर ये भी लगता था कि अगर ऐसा हो रहा है, मेरा कंटेंट में टेस्ट ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब जिस तरह का मैं कंटेंट बनाऊंगा वो भी मेन स्ट्रीम होने लग जाएगा. थोड़ा अलग है लेकिन मुझे फिर लगा कि अगर हो भी जाएगा तो क्या हो गया. As long as you like it, it's fine. हाँ, वही तुम्हारा कंटेंट है ना. क्योंकि ये शुरू में बहुत मेजर वो रहता था मेरा क्वेस्ट कि मेरे को यूनिक बनना है. हाँ, अब मेरा ऐसा हो गया कि मैं जैसा हूँ वैसा बनना है. उसमें हाँ, कुछ पोर्शंस हैं जो जैसे सब लोग सोचते हैं वैसे ही है, तो वो रिलेटेबल हो जाएगा. ऑफ कोर्स कुछ मेरी पार्ट पर्सनालिटी में कोई चीज यूनिक है तो वो अब आ जाएगा. अब वो अब मैं क्या करूँ. द हेट कि मुझे रिलेटेबल होना ही नहीं है. भाई हो सकता है जो चीज तुम्हें पसंद हो वो रिलेटेबल है, तो क्या कर सकते हो? यू कांट चेंज. मैं चेंज कर दूंगा. अब मैं पानी की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि सब पानी पीते हैं. तो ये थोड़ा सा पानी से टॉयलेट. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हर चीज में यूनिक होना है तो फिर तो तुम एलियन हो यार. कुछ चीजें तो मैच करेंगी इंसानों से, तो वो मैच कर रही है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वो भी बहुत मतलब दैट टेक्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर की वो मेरे को बस द कंटेंट हैज टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम एट द मोमेंट. अगर वो मैं कर पा रहा हूँ तो ठीक है. अब फिर वो एंड ऑल्सो यू चेंज एज अ पर्सन. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शुरुआत में तुमको जो पसंद हो 6 साल बाद भी तुमको एक्जैक्टली वही चीजें पसंद हो? वो तो नहीं होगा. तुम्हारा कॉन्टेंट तो चेंज हो गया. पर मैंने 1 साल में बहुत वीडियो डाल दिए तो 1 साल में तो नहीं बदल रहा मैं इतना कोई खास. पर तुम्हारे हर वीडियो में बदल रहा है क्या? नहीं तो कोई खास नहीं. तो नहीं बदलता यार. ऐसे नहीं, 1 साल में कैसे ग्रो कर दूं इतना ज्यादा भाई मैं. पर कुछ यार वही है, तुम अगर जिस्ट देखो किसी की या फिर तुम क्रक्स देखो किसी के कॉन्टेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि लुई का पहला साल में भी अलग है क्योंकि तब वो बिल्कुल ही एकदम चिल्लाता बिल्लाता था. बट इफ यू सी हिज फर्स्ट गुड स्टफ फ्रॉम नाउ, इट हैजंट चेंज दैट मच. वो टू द एक्सटेंट दैट सम टेम्पलेट्स आर आल्सो द सेम. प्रेमिसेस आर सेम, टेम्पलेट्स ऑफ डूइंग दोस जोक्स आर सेम, बट आई स्टिल एंजॉय दोस जोक्स. तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता है क्या लुई भाई को इनोवेशन ही नहीं लाया. क्योंकि इस वाले स्पेशल में आपने टेबल क्यों नहीं बना दी है? कुछ तो अलग करो, आर्ट फॉर्म बदल दो. कत्थक कर दो. अरे भाई वो करेगा तो वही चीज है और वो अच्छा कर रहा है यार. मतलब जब तक तुमको पसंद आ रहा है, व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? सही जा रहा है, सही जा रहा है भाई. आर ब्लेसिंग्स, आर ब्लेसिंग्स टू लुई सीके. डेव शैपल बड़ा पॉपुलर है इसलिए मुझे अब अच्छा नहीं लगता. नहीं मुझे अच्छा ही लगता है भाई अभी भी. मुझे तो सारी ऑल्दो मेरे को बस थोड़ा वो इरिटेटिंग लग गया है, द सन शाइन्स आउट ऑफ माय एस टाइप की जो बात है कि
आई एम द गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी. वो तो यार ये तो आयरोनिकली बोलते हैं ना ये लोग. आई डोंट थिंक ही इज सेइंग इट आयरोनिकली. हाउ डू यू नो दैट? आंख में दिखता है. कुछ भी. उसने तो ये भी बोला था कि आई एम सो गुड एज अ कॉमिक कि मुझे पंच लाइन में ऐसे निकालता हूँ फिश बोल से और उसके बाद जोक को. वो तो आयरोनिकली था क्योंकि वो तो स्टैंड अप में करा था उसने जो स्पीचेस वगैरह में बोलता है उस पे. तो इट्स ओके डूड, इफ अ कॉमिक इज डूइंग इट आई गिव. चल ठीक है, तो कह रहा था मैं, माफ कर दिया उसको. दोस्त है यार अपना, क्या कर रहे हो तुम? क्यों उसको डांट? अब वो गुस्सा हो जाएगा कि चिराग ने बेइज्जती कर. नहीं नहीं, तू इतना स्ट्रांगली वाउच कर रहा है तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने देखो बोला ना अभी कि अरे चिराग ने बेइज्जती कर दी तो बुरा मान जाएगा. नाउ दिस ऑफ कोर्स आई एम डूइंग, बट कई लोग ऐसे हर्टफुली भी तुमको बोलने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं किसी से बोला कि मैं आज लाइनअप में नहीं आ पाऊंगा तो वो कह रहा है अरे द लाइनअप विल मिस यू अलॉट, ओ कैसे चल पाएगा हमारा शो तुम्हारे बिना. मैंने कहा भाई तू क्यों लड़ क्यों रहा है मेरे से? आई एम नॉट ट्राइंग टू साबोटाज द शो, और ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं इतना बड़ा स्टार हूँ. मैं बकचोदी में ही बोल रहा हूँ. फिर उन्होंने बोला तो मैंने बोला ये ऑल स्टार्स की बात है, तो मैंने कहा कि अब तो तुम्हारा शो सिर्फ ऑल बचा है, स्टार तो चला गया. आई डोंट नो अब उनको वैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा, बट अगर तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो तो मैं बकचोदी ही करूंगा. 90 आई एम नॉट गोना बी सीरियस. तो अगर तुम उसको इफ यू टेक दैट हर्टफुली किया नहीं, बट हो सकता है कई बार ये बहुत कॉमन वो होता है कि तू कुछ बोले किसी को फिर हाँ. वो सामने से बोले, फिर तू बोले भाई मैं मजाक कर रहा था, मैं भी मजाक ही कर रहा था हाँ. लेकिन तेरे मजाक में थोड़ी बिटरनेस थी. यस यस, इसलिए मैंने बोला. यस, वो टोन समझ में नहीं आती लेकिन बोलने में तो समझ में आ जाती है. मैं तो सामने देख रखा है तो तब तो समझ में आना चाहिए. तब यू कांट बी लाइक की अरे नहीं. लोग ऐसा करते हैं दे डबल डाउन कि जैसे तुमने बोला कि ये तुमने कोई जोक बताया एंड दे टेक इट सीरियसली एंड से कि अरे चाइल्ड मोलेस्टेशन पे जोक नहीं बनाना चाहिए. तो मैं बोला भाई ये जोक मैं मजाक कर रहा है, आयरोनिकली कर रहा था, मैं भी आयरोनिकली कर रहा हूं. नहीं भाई, तुमने साफ साफ बोल दिया था कि चाइल्ड मोलेस्टेशन पे बनाना नहीं चाहिए. या तो वो इतना सीरियस तो उसमें जोक क्या है? जोक ही नहीं था. अगर तेरा फनी नहीं था तो देन यू कांट प्ले दैट गेम. ये बहुत लोग करते हैं कि तुमको ये जोक भाई समझ में नहीं आया. नहीं मुझे आ गया था, मैं तो डबल कर रहा था. ये बहुत बार होता है और ये हमेशा गलत साबित होता है. कई बार सामने वाला कोई बहुत अग्रेसिव सा अटैक कर देता है कि वो कुछ तुम्हें बोले कि तेरी मूंछ अजीब लग रही है और मैं अगर तेरी माँ को थप्पड़ मारूं तो. अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक ही तू नहीं कर रहा था मजाक. रो क्यों रहे? मजाक कर रहा था, हंसी क्यों निकल रहे थे? भाई उस दिन ग्रीन रूम में कोई कुछ बता रहा था कि रणबीर शोरी नहीं नहीं रणबीर कपूर आलिया पे बहुत रेगुलरली चीट करता है बट शी इज ओके विद इट. ठीक है, ऐसा कोई कुछ बता रहा था तो मैंने कहा कहाँ गई ये ओल्ड स्कूल लड़कियाँ हु आर कंफर्टेबल विद द आइडिया. भाई वो ग्रीन रूम में जितनी लड़कियां थी सब मेरे पे चढ़ गई. तू भी रणबीर नहीं है, तू भी रणबीर नहीं है. ठीक है, मैं कह रहे मेरे को जोक ही नहीं, तू रणबीर मैं कहा हाँ वैसे तो नहीं है, मैं नहीं हूँ. सही बात है, लेकिन ये तो मैं बोल ही नहीं रहा था कि मैं तो ये कह रहा था कि मेरे को भी कोई ऐसा दो जिसके चीटिंग से कोई बोली. ये था मेरा जोक. अगर उसमें कोई बोले कुछ उस It is a joke only. I think how can you not see it? But अरे यार अब बताए मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तूने बोला you brought this point कि रणबीर आलिया पे चीट करता है और whatever and this has become it's kind of a rumor but now we have insiders in the industry क्योंकि कुछ कॉमिक इतने पॉपुलर हो गए हैं कि वो उठना बैठना है. तो कोई एक कॉमिक अभी एक कॉमिक जो बहुत पॉपुलर कॉमिक वो बोल रहा था कि मैं विराट और अनुष्का से मिलने पता है मेरे को कॉल है मैं दिल्ली में भी सुनाई ठीक है कि वो विराट के घर गया था. मैं कहा भाई अब ये इतना ज्यादा हो गया कि अब मैं अगर कुछ ऐसा जोक भी मारूंगा कि विराट ये करता है अच्छा लगता है इसने सुना होगा इसको बताया होगा उस कॉमिक ने. मैं भाई मैं चुटकुला मार रहा हूँ वो भी नहीं. वी नाउ ब्रीच्ड एवरी बैरियर कि अगर मैं शाहरुख खान के ऊपर कोई चुटकुला मारूं तो लोगों को लगेगा तो कोई आगे कॉमिक बोलेगा तू शाहरुख को वैसे नहीं जानता जैसे मैं जानता हूं. मैं जानता हूं, मैं तुझे नहीं पता उस पे क्या बीतती है. मैं तेरे को भी नहीं पता मेरे पे क्या बीतती है. इट्स नाउ नो फन बिकॉज़ यू कांट टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज बिकॉज़ नाउ वी हैव पीपल हु आर सच लाइक क्लोज टू दोस सेलिब्रिटीज. व्हाट द फक इज हैपनिंग डूड? जॉर्ज बुश पे जोक नहीं मार सकता. कोई मिल के आया है जॉर्ज, वो अपने यूएस टूर में देखने आया था जॉर्ज बुश उसका और वो मिला उसने बात बात करी बोला कि भाई वो चीटिंग नहीं करी थी यार. गलत समझ रही थी. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इराक से ईरान से कोई दिक्कत नहीं है भाई. मैं तो बस मेरे को कॉमेडी अच्छी लगती है तभी तो मैं रंग शारदा आया हूं. तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्यों बैठा हूँ टीसीसी में? बहुत बड़ा कॉमेडी फैन हूँ यार. या दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. सब पे एक आपार शक्ति खुराना का लाइक जरूर होता है. तो नाउ इट इज बिकम वी हैव ब्रीच दैट यार. तो भाई ये तो बता देगा सबको. हां अगर यहाँ तक पहुंच रखा है शाहरुख खान से भी उठना बैठना है कॉमेडी का है ना एआईबी वगैरह का इन सब का है किसी ना किसी का है. कितना छोटा लूप है. तुमने जोक मारा आपार शक्ति ने देखा उसने आयुष को बता दिया हो गया खत्म हो गया.
चला गया वन लेवल ऑफ कनेक्शन हो गया. तो इट्स वेरी बैड क्योंकि अब मोदी इज ऑल्सो वेरी क्लोज. कुणाल कामरा नोज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट राइट नेक्स्ट टू मोदी. तो अब भाई कैसे जोक बनाएंगे अब हमको. वी हैव टू नाउ टॉक अबाउट एलियंस एंड इसीलिए मैं नॉर्थ कोरिया ले रहा हूँ भाई. वो मेरा हाँ भाई. तो देख ये भी कोई पॉच नहीं बहुत छोटा वो है कि मैंने मान ले मासूम को कुछ बताया रणबीर चीट करता है. कल को मैं देख रहा हूँ मोदी बोल रहा है कि दोस्तों अगर आप कपूर फैमिली से हैं तो चीट ना करो. मैं कहूंगा मासूम भैनचोद एक बात नहीं रख सकता था अपने पेट में. तूने बता दी कामरा को, कामरा बता दी मोदी को. या दिस इज नाउ इंस्टाग्राम एंड कॉमिक्स गेटिंग टू पॉपुलर. इन दोनों ने सारे बैरियर्स ब्रीच कर दिए हैं. तो अब पूरा बिचिंग का जॉय ही चला गया है. बिचिंग का सारा जॉय चला गया, रूमर फैलाने का सारा जॉय चला गया. नाउ एवरीथिंग इज अगर कोई कुछ भी बता रहा है तुमको रूमर, तो यू हैव टू आस्क कि भाई एक मिनट ये जोक मार रहा है कि ये सच है. क्योंकि वेरी रूमर ऐसे बताना पड़ रहा है भाई रणबीर और आलिया कह रहे यार बातें अच्छी करते हैं, बहुत अजीब फील होता है उसको बहन से. और प्लीज ये रणबीर और आलिया वाला रूमर ही है, वी डोंट नो. मतलब हमको किसी क्लोज उसके नोन ने नहीं बताया. हंस क्यों रहा है? आई वुड यार लाइव शोज आर अ लॉट ऑफ फन, लेकिन इंस्टाग्राम वाला फील भी मुझे करना है. आई वॉन्ट टू बिकम रियली बिग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. इसीलिए मैंने देखो बताया ना वो पार्टनर वाला जो था, द पार्टनर प्रोग्राम इज देम टॉकिंग टू एंड देव ऑफ कोर्स देव रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. जो भी थोड़ा सा भी कोशिश कर रहे हैं तो उनको दिखा होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ इंस्टाग्राम पे मैं खड़ा हुआ सामने वीडियो बना रहे क्यों कर रहा है. तो दे टोल्ड मी अ फ्यू थिंग्स कि ये करना चाहिए. इट्स टफ टू डू, इट्स लाइक अ जॉब. मेरे को सबसे लाइव सबसे खराब सबसे गंदा वो लगता है कि लाइव करो लोगों से बात करो. तो वो जो हर चीज तो मैं नहीं करने वाला, बट आई टेल यू ऑल्सो इन जनरल पीपल वॉन्ट टू सी. वो उन्होंने बोला है मेरे को जो चीज़ें उनमें टॉप चीज़ें ये है कि तुम 5 से 7 स्टोरी हर दिन डालो. दिस इज टू कीप योर एंगेजमेंट अप ऑफ वट एवर. और मतलब मैं तो हर दिन क्या बनाऊंगा तो मैं रैंडम चीजें शेयर करता रहता हूँ. दैट इज वन. देन यू पुट अ रील एवरी डे विच आई कैन डू एवरी डे बट आई डू समटाइम. देन दे सेड कि हर 15 दिन में एटलीस्ट एक बार तुम लाइव जाओ एंड उसके बाद तुम स्टोरीज में पोल टाइप की जो एंगेजमेंट वाली चीजें वो डालो. ये 4 चीजों से तुम्हारा ग्रो हो जाएगा. ये तो वो है कि हमारे जितने भी फीचर हैं सब यूज करो खूब खूब बार. और 10 चीजों में से 4 ही बताएं तो आई थिंक और क्या है, बहुत चीजें. रील स्टोरी लाइव और स्टैटिक मत डालो. अब तुम्हें पता था वो तो वैसे ही दिखता है क्योंकि आप कोई फोटो देखता ही नहीं इंस्टाग्राम पे कुछ. मैं एक बार कभी कुछ पोस्टर शेयर करा है तो उसमें कुछ ऐसे 15-20 लाइक आए और नीचे बलराज लिख रहा है भाई कोई फायदा नहीं होता इससे. हां तो देन आई थिंक एवरीबॉडी इज फिगर्ड व्हाट माय मैनेजर इज टोल्ड टू पार्टनर इज टोल्ड. और वो ये कैसी एडवाइस हुई कि तेरे को कोई बोले भाई बहुत सारे वीडियोस डाल तो प्रोबेबिलिटी वाइज कोई भी चल जाएगा. हां बट वो करना बहुत टफ है यार. करना मतलब मटेरियल बनाने में बहुत टाइम लगता है. मटेरियल बना और प्लस तुमको ये भी लगता है ना कि अगर तुम्हें कोई चीज फनी लगती है तो मैं स्टैंड अप में करूंगा, मैं रील में क्यों डालूं. ये लगता है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो अब मुझे अपने सारे जो भी थॉट है उनमें कूड़ा ढूंढ के रील में डालना है क्योंकि मैं अच्छा वाला तो स्टैंड अप में करूंगा ना भाई. कई बार जैसे कहते हैं कि कोई छोटा जोक तुम डाल दो रील पे ऐसी, लेकिन अगर तुम शांति से फिगर आउट करो तो कई बार वो छोटा जोक कहीं फिट हो जाता है. तो तुम ये कर सकते हो कि तुम रील पे डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं और है और उस वीडियो में भी डाल दो. उसको एक्सपैंड करके उसका प्रेमिस को बिट बना के देन वीडियो में डाल दो. बहुत सारे लोग करते हैं बट मेरे को इट्स नो फन. तो मेरे को एक बैरियर ऐसा होता है कि मान लिया अगर कोई वीडियो मेरा एडिट पे पहुंच गया उसको मैंने अलग अलग एंगल से देख लिया तो नाउ आई ट्राई टू परफॉर्म लाइक आई परफॉर्म्ड इन द वीडियो विच जस्ट कंफ्यूजेस मी. एक नेचुरल एनर्जी से नहीं परफॉर्म कर पाता हूँ बिकॉज आई हैव परफॉर्म्ड सम बिट्स आफ्टर आई like I was them on reel. Even before releasing, I was working on the edit. और तब मेरे को वो करना है कि अभी एक घंटा है ये इसका replacement अभी आया नहीं है तो मैं वो कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको अजीब से उस एंगल में ही करने की कोशिश कर रहा हूँ. Oh, this is a problem I've never had. तो वो मेरे को अजीब सा confusion हो जाता है. वो फिर सेट करने में कुछ डिसओरिएंटिंग सा लगता है, नेचुरल नहीं लगता है, फिर एक रिहर्स सा लगता है. वरना यूजली मैं एक कुछ फीलिंग ही चेज कर रहा होता हूँ कि अच्छा ये ऐसा होता है तो मेरे को थोड़ा मैं थोड़ा डरा हुआ बात करता हूँ या कुछ वो करता हूँ और उससे निकालने की कोशिश करता हूँ. लेकिन कुछ समहाउ से एडिट में देख के मेरा दिमाग थोड़ा हिलसा जाता है. ये एक प्रॉब्लम है. ये मतलब आई थिंक ये और लोगों की भी प्रॉब्लम होगी, मेरी नहीं है. बट या इट्स अ सरप्राइजिंग प्रॉब्लम क्योंकि अगर तुम एडिट में देखो और तुमको अगर अपने मैनरिज्म अच्छे लग रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट साइन भाई. मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, मैं तो देख के घिन आती हूँ. इट इज नॉट ऑल वीडियोस, इट इज जस्ट सम ऑफ देम या मे बी.
क्योंकि मैं अपने वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है फक ये तो मैं कभी नहीं डाल सकता, हटाओ इसको, तो आई पुट अदर पीपल इन चार्ज की भाई तुम देखो और तुम डाल दो, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं अपना देख के ही गुस्सा आने लगता है। एक वीडियो, एक आधा वीडियो मुझे ऐसा था, वो भी क्लिप्स जो मुझे लगा कि मैं बार बार देख सकता हूँ और मैं देखता हूँ, ना नहीं होता बार बार तो नहीं, मतलब कई बार वैसे कि अगर फिर से सामने आ जाए तो आई डोंट माइंड वॉचिंग इट फॉर सम टाइम। देयर इज अ कपल ऑफ क्लिप्स आई हैव ऑफ माइन जो मैं ऐसी रूम में परफॉर्म किया और फोन से ले लिया, दैट आई हैव सीन मेनी टाइम्स, आई रियली लाइक इट, पर उसको अभी डाल नहीं सकता। पर नए जोक्स पे काम करने में बहुत मजा आता है यार, कोई भी अभी मैंने नया जोक एक, अगर चलने लगे तो हाँ चलने तो लगता, तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। मैं एक जोक तो अभी मैं बता दूं, मैं रेप के ऊपर एक जोक लिख रहा था विच इनिशियली नेवर वर्क्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट डिडंट वर्क, पर जैसे लुई ने बोला था ना कि जो भी तो उसका सबसे अच्छे बिट है शुरुआत में, इट गेट्स क्रेजी, इट गेट्स अवर्स रिएक्शंस, और बाद में इट स्टार्ट्स टू वर्क बेस्ट, उसको फिक्स करने में जो बहुत मजा है, बहुत मजा आता है, तो वो जॉय इज बेसिकली ट्राइंग इट आउट। मजा मतलब ऐसे प्योर जॉय जॉय नहीं रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन फॉलोड बाय ओ वाह अभी ये भाई जब वो चलता है तो क्या फील आती है, अच्छा ये हो गया, तो वो प्रोसेस अच्छा लगता है, लेकिन मतलब वंस यू हैव डन द प्रोसेस कि तेरे को मालूम है कि अच्छा है कि मैं इसको इवेंचुअली चला लूंगा जब वो तूने वो देखी है हैरी पॉटर देखी है, तो उसमें जब हैरी वापस जाता है और उसे रियलाइज होता है कि पेट्रोनस उसी ने कास्ट करा था, तो उसको पता होता है कि ओ मैं ये कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो कर देता है, जो कि वो अजीब सा टाइम लूप दिखाया हुआ था कि उसने किसी को करते हुए देखा कास्ट, फिर उसे बाद में उसका बाप है, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि अच्छा मैं ही था, और फिर जस्ट बुक में ही लिखा था उसमें, आई डोंट थिंक पिक्चर में पूरी तरह एक्सप्लेन करा था, ठीक से नहीं बताया, बट बुक में यही था कि वंस आई न्यू दैट आई एम केपेबल ऑफ कास्टिंग इट, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई वाज एबल टू कास्ट इट, दे वर एबल टू शो दैट आईडिया इन द मूवी आल्सो, लेकिन बुक में दे स्पेल्ड इट आउट, दे रोट इट, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ मी शोइंग ऑफ कि मैंने बुक्स पढ़ी हुई है, नहीं नहीं फेयर है ना, अच्छी बात, बुक्स पढ़ने में मजा, और मतलब जैसे अगर किसी ने कोई बुक नहीं पढ़ी कभी एंड दे आर स्केर्ड विच इज इट कैन बी इंटिमिडेटिंग, तो आई थिंक हैरी पॉटर इज वेरी इजी टू रीड, दिस वॉज द फर्स्ट नॉवल सीरीज दैट आई स्टार्टेड रीडिंग, उससे पहले कुछ हार्डी बॉयज या कुछ और भी मेरे को किसी ने कुछ देने की कोशिश करी थी, बट ये आई थिंक सिक्स्थ में था तब मेरे को किसी ने गिफ्ट करा था कि हैरी पॉटर पढ़ के देखो, और अच्छी लगी थी मेरे को, फिर वो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अगाथा क्रिस्टे, हार्डी बॉयज, अलग अलग फेमस फाइव लेवल चीजें हैं, एंड हैरी पॉटर, मैंने आई हैव नेवर रेड एनी अदर बुक, आई हैव जस्ट रेड द हैरी पॉटर नॉवल, तो अगर मतलब मैंने सिर्फ वही पढ़ी और मुझे मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो फिर मतलब इट्स वेरी इजी टू रीड, वेरी फन। ऑल्सो द टाइम ड्यूरिंग विच इट केम आउट, हम लोग हैरी के आसपास की एज के थे। ओ तूने उस टाइम पढ़ी है? मैं कॉलेज में पढ़ी जब मैं बहुत बड़ा था हैरी। ओ नहीं, मैं जब मैंने सिक्स्थ में पढ़ी थी तो फर्स्ट सेकंड पार्ट आ चुकी थी, फिर थर्ड पार्ट सब जब मैंने पढ़ना शुरू करा था तो मेरी और हैरी की एज मैच करती थी। लगता है यार इसका स्कूल बढ़िया है। तो तूने अगर हैरी की एज पे तूने बचपन में पढ़ी और फिर थ्रू आउट पढ़ता रहा कि जब जब वो बुक नहीं थर्ड पार्ट से जब वो बुक लॉन्च होती थी तो फिर वो मेरी लाइफ में बड़ा इवेंट होता था कि अभी नया पार्ट आ रहा है या सब कुछ, तो एक्साइटिंग था बहुत। हाँ तो ये मेरा कजिन एक करता था कि जब बुक लॉन्च होती थी उस टाइम वो बुक खरीदता था, लाइन वाइन में लगता था, पायरेटेड लेता था, तो वो करता था। तो मुझे एक तो ये लगता था कि यार मतलब ये हजार रुपए बुक में वेस्ट कर रहा है, जो वेस्ट मुझे तो वही लगता है, मैं कौन करे, और दूसरा ये कि उस समय मेरे पढ़ने की कोई वही नहीं थी, मैं मैक्सिमम कॉमिक या चंपक टाइप कुछ पढ़ता था, ऐसा था, लाइब्रेरी में भी जाके तो मैं लाइब्रेरी में जाके भी बकचोदी करता था, कोई पढ़ता वढ़ता नहीं था, तो पढ़ने की कोई स्कूल में वो नहीं थी, आदत नहीं थी, एंड नेवर फेल्ट लाइक इट। कॉलेज में मैंने पीडीएफ में बैठ के पढ़ी है, पहली बार लाइफ में मैंने कॉलेज में हैरी पॉटर पढ़ी, एंड अगर उस एज में व्हेन आई एम डूइंग इंजीनियरिंग तब मुझे अगर हैरी पॉटर अच्छी लग रही है तो आई थिंक इट्स अ वेरी इट इज अ वेरी वेल रिटन स्टोरी। या तो वो यार मतलब इसलिए उसका बनता है इतना पॉपुलर होना, एंड वेन एवर आई सी अ वीडियो गो वायरल और या फिर लाइक अ स्टोरी गो वायरल एंड इफ यू ट्राई टू स्टडी, इट्स जस्ट दैट इट इज सो एंगेजिंग कि उसका बनता है, तो मैं वही देख के बड़ा खुश होता हूँ कि यार अगर एंगेजिंग हम बना तो सकते ही हैं। हाँ। पर कई बार यही होता है कि वीडियो ढीले बन जाते हैं कि ये फालतू में चीज़ हटा सकते थे, मैं हटा सकते थे, कुड हैव वर्कड इट अ लॉट। ज़्यादातर तो मेरा फ्रस्ट्रेशन में ही डाल देता हूँ मैं वीडियो की, यार इतनी बार रिकॉर्ड कर दिया, या फिर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं क्यों रिकॉर्ड कर फिर से रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ये बार रिकॉर्ड किया डाल दिया, उसकी वजह से वीडियो खराब हो जाते हैं, वरना अगर इफ़ यू गिव इट टाइम और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, दैट्स द करेक्ट थिंग टू डू, पुट वन गुड वीडियो इज वे बेटर देन 10 एवरेज वीडियोज।
अब वो पंगा है वो, लेकिन वो इंस्टाग्राम जो तेरा पार्टनर है वो तो दैट पर्सन वुड से अदरवाइज की पर इंस्टाग्राम का इज डिफरेंट देन, क्योंकि तुमको रिकॉर्ड करने में पैसे नहीं खर्च करने, तो उनका ये है कि तुम भाई जब तुम फ्री में कर सकते हो तो व्हाई आर यू नॉट एक्सप्लॉइटिंग दिस अपॉर्चुनिटी की रील के तुम्हारे वो जो भी नंबर अपने बताए 3 बिलियन लोग देख रहे हैं, तो बहन जो तुम इतना भी नहीं कर सकते कि तुम 10 सेकंड का वीडियो बना दो और यहाँ पे 3 बिलियन लोग वेट कर रहे हैं तुमको वायरल करने के लिए, क्लिक करने को तैयार हैं, तो वो इसका फ्रस्ट्रेशन ठीक है कि भाई मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ बहन जो बना दो ना रोज दिन में एक वीडियो, तो उसका फ्रस्ट्रेशन ठीक है। आर प्रॉब्लम विद यूट्यूब इज वी हैव टू पुट एन इन्वेस्टमेंट इन कि वो रिकॉर्ड विच पीपल डोंट रियलाइज कि अरे एक महीना हो गया वीडियो, बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आई, हाँ भाई 40,000 रुपए जब रिकॉर्ड करने में लगते हैं तो स्पॉट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं आई थिंक मैंने तेरे को पहले बताया था कि मैंने ये रखा था कि वीडियो पे काम करो तो जोक तो बढ़ जाएंगे, टैग्स तो ऐड होते ही जाएंगे, लेकिन फीलिंग चली जाती है पूरी की पूरी वो करने के कि कोई मजा नहीं आ रहा है, तो मैं वो जब डिक्लाइन पे है तभी कोशिश करना चाहूंगा कि हो जाए इस समय रिकॉर्डिंग। राइस पे डाल दे, डिक्लाइन पे नहीं, राइस पे यू आर नॉट वेटिंग टू लाइक फुली, मैं थोड़ा थोड़ा बोर हो रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि अब एक इस माइक के बाद से इस सेट में बोर हो गया, ऑन ऑफ होने लगता है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट कभी नहीं बनता, दिस यू शुड नो, यू शुड बी लाइक, तुमको किसी दिन अचानक ये एनलाइटनमेंट नहीं आएगी कि ये जोक अभी कंप्लीट हो चुका है, आज में, हाँ क्योंकि भाई तुम जो कंप्लीट ही फोर्स करते हो, तुम एंड ही उसका फोर्स करते हो कि और फिर ये हो गया, लौड़ा कुछ नहीं हुआ था ये सब, तुमने खत्म कर दिया उस जोक को कि भाई बस अब नहीं लिखना हो, फिर वो वापस आ गया। मैं उससे उस दिन यही बात कर रहा था शीजा से कि ये जो तुम्हारा कॉल बैक है टू एंड अ जोक, कॉल बैक नेवर हैपन्स इन रियल लाइफ, तुमने डाल दिया उसको खत्म करने के लिए, इट्स अ लेजी थिंग और व्हाटएवर, यू आर फेड अप, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके टू डू। एक मेरी रियल लाइफ में भी कॉल बैक हुआ, तूने लड़की से बात करी और उसने कॉल बैक कर दिया, नहीं नहीं शी कॉल्ड बैक। मैं जब पहली बार मैंने पॉर्न देखी थी तो मैंने कुछ गूगल करा था ऐसे सेक्सी न्यूड गर्ल्स, क्योंकि मैं बहुत सोच के करा था कि एक तो मतलब सिर्फ लड़की सेक्सी होनी चाहिए, सेक्सी होनी चाहिए, सिर्फ नंगी मैं क्या करूँ, गंदी कोई दिखा दी, सेक्सी और सेक्सी और सेक्सी है लेकिन नंगी नहीं है, फिर क्या फायदा है, नहीं फिर तो सेक्सी न्यूड गर्ल्स लिखा था मैंने, फिर तो बॉलीवुड ही देख लेंगे सेक्सी। और फिर ऐसा हो गया था कि मुझे वायरस आ गया, मैं लगा भैंचो कंप्यूटर खराब, मैं पुलिस आ जाएगी, ये सब कुछ कुछ ये सब डर गया था मैं, और वेरी नाइस, मतलब उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता है उसमें आ गया, योर प्रोग्राम हैज परफॉर्मड एन इलीगल ऑपरेशन लिख के आया था, ये मैं एक लंबा सेट भी करा करता था कि इलीगल ऑपरेशन, हाँ तो उस टाइम पे मेरे प्रोग्राम ने फोन कर दिया जाके, तो कुछ उस समय कॉलोनी में मिलिट्री का ट्रक आ गया था, मेरी गांड फट गई थी कि भाई तो मेरे को पकड़ने आ गए, ठीक है इंडियन आर्मी भेज दी, तो फिर वो सेट वेट जो भी होता है ये सब कुछ कुछ होता है, जो फिर ये पोर्शन सेट में नहीं था लेकिन ये रियल लाइफ कॉल बैक था, फिर मैं सिक्स्थ में हुआ था, सेवन्थ में हुआ था ये, और फिर मैं सेवन में पॉन देख रहा है, हमारे स्कूल में बच्चे बिगड़ जाते थे जल्दी, तो फिर मैं चला गया था इलेवेंथ में दूसरे स्कूल, और फिर जब मैं छुट्टियों में वापस आया था तो तब मेरा भाई सेवेंथ में था और उसके साथ और उसने सर्च करा हुआ था सेक्सी न्यूड गर्ल्स, वाह, और फिर उसने मैं भाई को बुला के बोला ये क्या है, हाँ। कह रहा है भैया आगे से कभी नहीं करूंगा, किसी की कसम खिला लो आगे से कभी नहीं करूंगा, मैं कहा बट यही क्यों किया तूने, तूने ये क्यों करा सर्च, कह रहे फिर उसने बोला कि मुझे सपने में करना था तो उसने बोला कि मतलब यही लगा ठीक कॉम्बिनेशन, तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि भाई ये मेरा सगा भाई है, पक्का भाई, हाँ ये ट्रू ब्लड एडॉप्टेड नहीं है तो ये अब ये रियल लाइफ कॉल बैक ही मानेगा, तो और क्या होगा ये, अब तुम दोनों वहां जा सकते हो, ये जो नया नेटफ्लिक्स का शो आया है इसमें दो सिबलिंग्स जाते भाई, मतलब इतना तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, उसमें लिखा था डेटेड एंड रिलेटेड, तो मुझे लगा इंसेस्ट के ऊपर है, मैंने कहा जो बड़ा नेटफ्लिक्स प्रोग्रेसिव है इंसेस्ट के ऊपर छोड़ डाल दिया, वो भी रियलिटी शो, और फिर मैंने देखा तो उसमें दे आर लाइक कि वो विंगमैन बन रहे कि मैं अपनी बहन को, बट इट इज़ सो वियर्ड कि तुम अपनी बहन के साथ जाओ डेटिंग पे, वो किसी को डेट कर रही है, वो हेल्प कर रही है तुम्हें डेटिंग करने में, रियल लाइफ में तो लौड़ा कोई नहीं करता कभी हेल्प, ये कहते हैं पापा को बता दूंगी मैं, हाँ तुम डेट कर रहे हो अभी बताती हूँ, तो वही है, तो फिर आई जस्ट सॉ इट इज वेरी सरप्राइज विद द आइडिया ऑफ द शो, बट अपेरेंटली पर हमने अभी देख लिया 6-7 एपिसोड मैंने करी माने भाई, मैं सही फन था, मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरी बहन होती तो वो मेरे को हमेशा लड़कियां सेट करा देती, ऐसा नहीं, मैं सोचा कि मेरी बहन ये दलाली वाला काम क्यों करेगी भाई, जी मेरी दोस्तों से दूर रहना हमेशा, तुम उसके दोस्त, तुम उसकी दोस्त जो भी बहन के जो दोस्त हैं वो तो तुमको उसी नजर से देखते हैं, ये लो टॉफी, वो थोड़ी बोलेंगे कि अरे अभी मैं अपनी एक दोस्त है यंग लड़की है उसको बुलाती हूँ तुम्हारे लिए और फिर दलाली शुरू होगी भाई, क्यों करेगी हम, हम उनको ऐसे नजर से देखते हैं कि हम भी देना चाहते हैं टॉफी यार
तो इसीलिए जिन लोगों की बड़ी बहन है उन सबको फिर ओल्डर वुमेन से अट्रैक्शन इसीलिए हो जाता है, वो दोस्तों को देख देख देखते रहते हैं कि अरे यही सही होती है यार, हमारे क्लास की लड़कियां कितनी नासमझ है यार, कितनी इमैच्योर है सेवेंथ की लड़कियां, नाइन्थ वाली तो एकदम। मेरे को एक ये वाली चीज से बहुत इरिटेटिंग लगता था कि मेरे को तो मैच्योर लोग अच्छे लगते हैं, जो लड़के भी बोले मैं मैच्योर लड़कियां अच्छी लगती हैं और लड़कियां भी बहुत मैच्योर लगती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम फ्लेक्स कर रहे हो कि तुम बहन बहुत मैच्योर हो। एग्जैक्ट, तुम यही कह रहे हो कि मेरी उम्र की लड़कियों से मैं जेली नहीं कर पाता हूं, या अपनी उम्र में आई इवॉल्व ही नहीं है, या देव टू चाइल्डिश। और ये बात कभी अगर सोच कोई 30 साल की औरत बोल रही है कि देख टू चाइल्डिश मेरे साथ की, मुझे तो कोई डायबिटीज कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो 36 साल के ही पसंद है वो एज ग्रुप में। ऐसे नहीं होते, तुम्हारे स्कूल में कभी होते थे कि लड़कियां मेरा बॉयफ्रेंड तो आर्मी में है? स्कूल की बच्चे। हाँ हाँ भाई, हमारे स्कूल में एक लड़की थी कि मेरा बॉयफ्रेंड आर्मी में है, ये मेरे को इमैच्योर लगते हैं ये सब कुछ, आर्मी में जमादार है वो। सिर्फ आर्मी बोलने से कुछ नहीं होता भाई, आर्मी मोची भी होता है। बात क्या करते हो, बहुत मैच्योर बातें करते हैं क्या, स्टार गेजिंग। भाई ये मैं एक ना इस बार जब दिल्ली गया था तो मैं प्रखर के साथ एक ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ कि तुम जो भी कुछ, सारी नहीं कुछ जो भी मॉरली गलत चीज है उसको अगर स्टोर में बोलो अरे हाँ। तो ऐसे कि अरे भाई साहब ये तो पेडोफिलिया वगैरह कानून की किताबों में अच्छा लगता है। तो ये इस टोन में बोलने में आई थिंक तो कोई भी चीज जस्टिफाई कर कि ये सब चोरी चकारी टैक्स फ्रॉड बात करने के लिए ठीक है, कौन नहीं करता, ये अंकल टाइप का ये अच्छा कैरेक्टर है। प्रखर को आई थिंक कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग का भी एक बहुत ही लॉन्ग रनिंग एक कैरेक्टर है जो बाकी लोगों को बहुत गंदा लगता है, हमें बहुत पसंद। यार एक मैंने वो देखा था, एक प्रोडक्ट है जिसमें बुद्धा है और ऐसी बैकफ्लो वाली रखते हैं और वो नीचे नीचे वाटरफॉल होता है, वैसे वैसे नीचे नीचे धुएं का फॉल निकलता है और वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो मेडिटेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं, पर ये वाले प्रोडक्ट्स देख के लगता है कि थोड़ा कर लेते हैं ये। मैं पहले बहुत इसको वो करता था जज, आई थिंक मेरे को तो लगता है मेरी सारी लाइफ यही रही है कि मैं किसी चीज़ को जज करता था फिर बढ़िया निकलती है। बट गेम ऑफ थ्रोन्स को भी तूने किया, इसको भी किया। तो सेंटेड कैंडल्स में एक मेरे फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता था, मैं सोचता था क्या मैच मोमबत्ती पैसे खर्च करते हैं वो, फिर से लगा कि भाई फर्क तो पड़ता है रूम में अगर जला दो, लेकिन महंगा बहुत है तो रेगुलरली कहाँ से खरोगे, मेरा मूड फिर डिपेंडेंट हो जाएगा ये खर्चे पे। नहीं आई डोंट थिंक। अरे वो बहुत सही चीज़ है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना जिनको मतलब आई थिंक लड़कों ने बहुत बना रखी, ये तो एफेमिनेट होता है, ये मत किया करो भाई, सारी बढ़िया होती हैं, सारी बढ़िया होती हैं, सारी बढ़िया होती हैं। क्योंकि यार वो किया तूने कभी कि बाथटब में एप्सम सॉल्ट डाल के? हाँ हाँ भाई, इतनी रिलैक्सिंग चीज़ है भाई, वो मेरी फेवरेट चीज, मतलब कभी कभी करता हूँ बट मेरी फेवरेट। तो मैं तेरे को बताया ना कि मैं बॉम्बे बैंगलोर में सारे पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि मैंने वो स्वीट लिया ही इसलिए था क्योंकि मुझे बड़ा बाथटब चाहिए, जकूजी चाहिए, तो मैं लिया वो और उनको नीचे से मैंने बोला एप्सम सॉल्ट दो, वो एप्सम सॉल्ट लेके आए और मैं दो बार एटलीस्ट वहाँ पे दो तीन घंटे पड़ा हुआ था। कुछ बाथरूम्स में आई थिंक कुछ कॉमिक्स ने ये जोक भी करा है कि बाथरूम के उसमें मिरर लगा होता है कि ब्लाइंड्स हटा सकते हो, ये कर सकते हो, उस वो मेरे को वहाँ पे बाथ टब में लेट के टीवी देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रेगुलर जब बाथ टब में अगर बैठे हो तो फिर तो तुम्हारे थॉट्स आ जाते हैं तो बर्बाद कर सेशन, अगर लेकिन टीवी आ जाए तो तुम्हें वो बॉडी को भी अच्छा सेंसेशन मिल रहा है और फिर कचरा देख सकते हो तुम। कई सारे लोग अपना घर डिजाइन ऐसे करते हैं क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट व्हाट आर द रूम्स दैट यू यूज द मोस्ट, और जो सबसे ज्यादा इंडल्जेंट तुम जिनमें होते हो, एक तो बाथरूम होता है, किचन बढ़िया होना चाहिए, बाथरूम बढ़िया होना चाहिए, बाकी कमरे सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो बाथरूम में टीवी लगा देंगे, एसी लगा देंगे, दिल्ली में बड़ा ये एक चीज है कि बाथरूम में एसी लगे, एंड आई एम लाइक बाथरूम में एसी लगाने, बट इफ यू थिंक अबाउट इट तुम बैठे हो बेंच वहां पे, अगर एसी होगा क्या फील आती है यार, तो मुझे तो बहुत मस्त लगा। और ये जो तू बता रहा है ना वो बाथरूम में, तो उस बाथरूम में टीवी था तो मैं मतलब, और मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था भाई। और एप्सम सॉल्ट डाल के भाई मजे आ गए ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ मेरा शो भी अच्छा हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी शो के बाद। पर ये आई थिंक मुझे उसने बोला था एक बार, श्रीजा ने, कि जब मैं शो करके आती हूँ तो अगर खराब जाए तब तो मुझे चाहिए जकूजी वगैरह, और अच्छा जाए तब भी कोई भी एक्सट्रीम इमोशन में तुम्हें कुछ फिर चाहिए होता है, कुछ सपोर्ट की है, कुछ खुशी वाला ही चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरा खराब शो गया और मेरे को कोई लपड़ भी मार दे घर आके, मतलब दोनों डायरेक्शन से अच्छे में ही जाने का मन करता है। तो यही था, तो कहती है कि मुझे तो 5 स्टार ही अच्छे लगते हैं। मैंने कहा यार मैं 5 स्टार तब लेता हूँ जब ऑर्गेनाइजर खुद दे। तो अभी वाला ऑर्गेनाइजर दे नहीं रहा था, पर मैंने कहा ठीक है मैं खुद कर लेता हूँ। नॉट वर्थ इट भाई, बहुत महंगा था। मेरे सारे शो के पैसे खर्चे हो गए, लेकिन मेरे को मोमेंटरी फन। ओ मेरे को ये सब कम्फर्ट अच्छे लगते हैं, बट मेरे को समहाउ होटल में रुकने में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट
इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि अच्छा तुमने 15,000 रुपए दिए हैं, कैन मैं वसूल कर रहा हूँ क्या इसको, मैं वसूल ही नहीं कर रहा हूँ, बफे में खा लिया, लूज मोशन हो गए, ये सब कुछ ये सबसे पहले दिमाग में जाता है कि अच्छा इतना दिया है तो लेट मी सी कि कितना, तो क्या करोगे, मैं डाइनिंग टेबल तो खा नहीं सकता, बहुत अच्छी है, यू कांट डू एनीथिंग, छोटी टूथपेस्ट चोरी कर रहे हो फिर वो कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कुछ वो नहीं होता, हाँ तो कुछ होता नहीं है, वसूल करने का वही है कि इफ यू गोना स्टे फॉर द होल डे तब इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट डजंट। मैं 3 घंटे के लिए वहाँ पे था, क्या पॉइंट था, कोई जरूरी मुझे नहीं, ये भी नहीं अच्छा लगता है जैसे होटल स्टाफ तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, हाँ. तो मुझे पता है कि ये तुम असली में तो नहीं सोच रहे हो मेरे बारे में, तुम तो पैसे लालची हो, खर्च कर रहे हो, और प्लस मेरे भाई ने होटल मैनेजमेंट करा था तो उसके बाद मेरे को बस खराब ही लगता रहता है स्टाफ भाई, के लिए। वो अगर बता दें कि तुम्हारे खाना कैसे बनता है वो कैसे किचन की हालत, कुछ ऐसे कोई डार्क सीक्रेट कुछ बताया नहीं उसने, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता है, वो सब कुछ बस ऐसे ही लिखते रहते हैं कोरा वोरा पे, पर इन जनरल ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही अंडरपेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ये वो हैं, और तो फिर तो जो चीज़ तुम रिलिश करते हो स्टे के बारे में कि फ़ोन करके हाँ मेरे लिए ये ले आओ एक वो ले आओ, तो वो भी करने का मन कम करने लग जाता है तो हाँ ये दूसरा एस्पेक्ट है तेरा कि उन लोगों की क्योंकि लाइफ ठीक नहीं रहती तो हाँ, तुम उनके ऊपर किसी का भी कंफर्ट दूसरे जने के लिए भारी डिस्कम्फर्ट ही है, हाँ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यू फील कस्टमर सबसे पहले आता है, नहीं भाई सबसे पहले आते हैं गॉड फिर माँ बाप नहीं नहीं पर मेरा तो दूसरा इशू था कि मुझे किसी ने बताया था वही सेम, अरे बाप रे भाई बिजली गिरती समझ में आता पर हमारे ही ऊपर हमारी बिल्डिंग में गिरा रहे हो क्या भैया, तो ऐसा लगा कुछ ब्लास्ट ही हो गया टू मच, बट जब 2 मिनट के लिए बिजली आई थी लाइटिंग अच्छी हो गई तो आप अगर उस क्लिप को बार बार लूप करके देखें तो बढ़िया रहे, मैं जैसे बैंगलोर में अभी था तो वही था। किसी और पॉडकास्ट में बता दो थंडर हो एक एक पॉडकास्ट गिना दो जिसमें थंडर आता है या दिस मेक्स अस डिफरेंट, ओपन चैलेंज जो भी पॉडकास्ट का लिंक भेजे जिसमें थंडर है हम सुपर चैट भेजेंगे अभी तो यहाँ पे भी वही हालत हो रही है बारिश की, ये बैंगलोर में था ना हाँ। तो मैंने उससे पूछा, मतलब वही लोकल कॉमिक से मैं पूछा था कि यहाँ पे जाना है एयरपोर्ट कितना टाइम लगेगा, कहता है वैसे तो 2 घंटे लगते हैं लेकिन बारिश चल रही है तो फिर तुम नहीं पहुंच पाओगे भाई ये तो टाइम का भी नहीं है, कह रहा तुम पहुंच ही नहीं पाओगे तो अगर बारिश हो गई तो अभी निकल, मैं कल जा रहा हूँ हाँ, तो भाई मैं सॉरी तो फिर मैं 5 बजे निकल गया फॉर अ फ्लाइट दैट इज 10:55 इन द इवनिंग एट नाइट, 10:55 एट नाइट, मैं 5 बजे निकल गया क्योंकि और फिर वो हुआ भी बारिश होने लगी एंड इट टुक मी 2.5 आवर्स व्हाटएवर, बट ही वाज लाइक कि फ्लड अगर हो गया तो निकल ही नहीं पाओगे, गाड़ी डूब जाएगी, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई मैं भग लिया बहुत जल्दी एंड थैंकफुली कुछ हुआ नहीं फंसा नहीं, बट बाद में मैंने न्यूज़ देखी लोगों की भाई गाड़ियाँ डूब गई हैं, सब कुछ बहुत ही हालत ख़राब है, तुम जा रहे हो कल तो मतलब आई थिंक इट्स जस्ट डू द शो एंड रन, डोंट ट्राई टू स्टे, ओ मैं 8th, 9th, 10th, 11th जा रहा हूँ क्योंकि मैं 10th और 11th को शो है, 8th को मैं अपने दोस्त के साथ मिल रहा था और 9th में सोचा देख लेंगे कुछ, फिर तो कुछ नहीं, फिर आई थिंक बच ही जाओगे कोई दिक्कत किसी बंदे को ये बोल के क्या फायदा कि तुम ये मत करना है, प्लान ही हो चुका है, बट प्रॉब्लम ये कि तू सारी चीजें पहले बोल दे रहा है फिर मैं तेरे को प्लान बता रहा हूँ कि बैंगलोर अभी बहुत बात चल रहा है, मैं एक्चुअली मैं कल ही जा रहा हूँ, चल 1 दिन के लिए जाएगा, नहीं मैं तो 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर उतना खराब भी नहीं है क्या ही कर सकते हो, बट भाई मतलब दैट इज अ स्केरी थॉट कि तुम जाओ और मतलब जो लोग शहर में पूरे टाइम रहे दे डिजर्व टू काइंड ऑफ थोड़ा सा डूबने में क्योंकि तुम्हारे शहर में बाढ़ तुमने कॉल लिया है, हम तो भाई यहाँ पे खाली घूमने आए थे, हमको भी बाढ़ में डुबा दिया, दैट इज नॉट फेयर, हम तो बॉम्बे के हैं, तो वो आई थिंक दैट हर्ट्स मोर इफ यू आर विजिटिंग समवेयर और वहाँ पे कैलामिटी आ गई, दैट्स नॉट कूल, सब वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप सब अपने घर चले जाइए भाई मैं दूसरे शहर में कैसे जाऊँ मैं तो कभी ऐसे बारिश में बहुत लंबा फंसा है कहीं पे, मतलब ऐसी कोई मेमोरी है तेरी? हाँ दिल्ली में एक बार था, पर वो बहुत अच्छी मेमोरी थी कि दिल्ली में था और मैं बाइक से जा रहा था, फंस गए और मेरे आसपास ना मेरे ही उधर की कुछ तो कहीं की भी आई थिंक कॉलेज की या कहीं की ऑफिस की कोई लड़की मिल गई थी जो मुझे पसंद थी, तो हम फंसे हुए तो हम बात करते रहे और काफ़ी टाइम और निकल गया टाइम का, बढ़िया इट्स अ गुड मेमोरी नॉट अ बैड मेमोरी, मेरी तो बहुत ही, मैं नानू के साथ फंसा था अपने हु आल्सो यू लव ऑफ कोर्स सो मच यार ये क्या हो रहा है यार, दिस आई डिडंट इंटेंड दिस पॉडकास्ट टू बी भाई कि फैमिली की बेइज्जती हो, बट ओके ठीक है लेट्स जस्ट से कि नानी बहुत अच्छी है, नानी बहुत अच्छी है हाँ, और नानू के साथ आप फंसे थे तो क्या हुआ, तो हम लोग वो खरीदने गए थे, जब भी मैं
मतलब नाना नानी भोपाल के भोपाल जाता था नाना नानी से मिलने, तो हम सीडी खरीदने जाते थे कि उसकी पिक्चर ला के आज देखेंगे. हाँ हाँ ठीक है. तो वो सीडी लेके हम खड़े हुए थे और फिर बहुत भयंकर बारिश हो गई कि पेड़ वेड़ गिरने लग गए, ये सब कुछ कुछ हो गया. फिर एक कोई बहुत अच्छी सी फैमिली थी, उनने क्योंकि आई थिंक बच्चा प्लस बुढ़ा आदमी देखा साथ में, अच्छा, तो उनने कहा भाई इनको तो हेल्प करनी चाहिए. हाँ. तो उनने हम लोग को अंदर बुला दिया था, चाय वाय पिला दी थी, ये सब कुछ कुछ कर लिया था. दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी. हाँ. कि बुढ़े के साथ तो कोई चोर नहीं होगा. हाँ, बुढ़ा प्लस बच्चा. हाँ, और अगर बुढ़ा चोर है तो वो अपने बच्चे को लेके थोड़ी आएगा, पोते को लेके. तो ये दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी. पहले ऐसा होता था कि कपल ठीक होंगे, लेकिन आजकल कपल भी चोर निकलने लगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम. ये औरतें तेज हो गई हैं. ये चोर औरतों ने पूरा खराब कर दिया. तो भाई आजकल ये हमेशा सब ऐसे, आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं, यही बात. लड़कियां सिगरेट पीती हैं. हाँ, ये भाई सिगरेट तो काफी यूनिसेक्स चीज है, क्या बात कर रहे हो. मैं सबको ये वाले डिस्कशन में ऐसे कोई कॉन्क्रीट साइड ही नहीं पिक कर पाते. आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है. हाँ. जो कि क्यों हो कम. इतने साल तो नहीं रही है, दबके रहे हैं, पर डिवोर्स ही बढ़ गए हैं. पर भाई साहब, एक जना जब झुक जाता था तो फिर लंबी चल जाती थी शादियां. तो खून की बात कर रहे हैं. तो क्या हम खून ना करें क्या? हमको ज्यादा एक्सपीरियंस है खून का. बूम, जोक मार दिया भाई. अरे ये तो खाली मेंस्ट्रुएशन के ही जोक मारती है. तो भाई उनके साथ होता भी उन्हीं के साथ है, हमारे साथ है. वरना हम भी मारे, हमें पता होता तो मार देंगे. वो नॉलेज ही नहीं है कुछ. हमारी सारे मेंस्ट्रुएशन के जोक वही हैं कि विस्पर में इंक डाल देते हैं. हाँ, ये क्या है ब्लू. मेरा बहुत पुराना जोक था, मैंने ड्रॉप कर दिया, बट सब अभी भी वही मार रहे हैं. वो एक वो भी कॉमन वो रहता है, अगर लड़कों के पीरियड्स होते तो कहते भाई देख रहा है. दिस इज अ वेरी एसएनजी थिंग. हाँ. कि अगर ट्रेन प्लेन होती. अरे हाँ. भाई नहीं है ट्रेन प्लेन, पागल है क्या? क्या जोक मार, ये जोक है ये तुम्हारे सिनेरियो. ऐसे सोचो. सोचो अगर ऐसा. मैं हूं ही नहीं. सोचो अगर सारे लड़के बहुत नाटे होते. हाँ. एक एक फुट के तो क्या होता. और फिर छह जोक. आई डोंट ट्रस्ट दिस राइटिंग प्रोसेस. एक ये भी मेरे को लगता है, ये तो वही बात हो गई भाई साहब. और वो बिल्कुल अनरिलेटेड बात होती है. जैसे कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी कोशिश कर लो टेढ़ी रहेगी. वैसे ही आपका बेटा ड्रग एडिक्ट रहेगा हमेशा. कैसे भाई? क्या बोल रहे हो? हाँ, ये बोलने में बहुत फील आती है कि अंकल ये बिल्कुल ही वो बात नहीं. कोई बोल, ये तो भाई वैसे ही हुआ. घर का बेदी लंका ढाए, इसलिए इनका तलाक पक्का है. अरे पर कैसे. एनालॉजीज इतना मिसयूज्ड वो है ना टूल. एनालॉजीज आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज इट्स नॉट दैट इजी टू डू. किसी भी चीज में लाइक लगा के नहीं हो जाता. हाँ, प्रॉपर एनालॉजी जिसमें तुम्हें एकदम सिमिलर पैटर्न्स दिखने लग जाएं कि इसमें भी ये होता है, वो भी right. वो होता है. हालांकि जब जोक में एनालॉजी करो तो तुमने इस जो रियल चीज है उसके जोक्स करे, और अब एनालॉजी के रेफरेंसेज इसमें खुल जाते हैं ना, वो करने में मजा बहुत आता है. बट इट सीम्स वेरी इलॉजिकल व्हेन यू मे बी इलॉजिकल ऑल्सो. बट ये फॉर्मेट एग्जैक्टली ऐसा फॉर्मेट थोड़ी ना होगा जोक. तुम ये थोड़ी बोलोगे कि ये तो वही बात हो गई. कि वो दैट इज द थिंग दैट इज रनिंग बिहाइंड इन योर. लेकिन तुमको प्रेजेंट थोड़ी वैसे करना है. कि लोग देखो ये आदमी तो इतना मोटा है कि, और उसके बाद ये. भाई तुमको इन्फर करना होता है, तुमको ये नहीं बस बोल ही देना होता है सारी चीजें बोली. तो दैट आई थिंक इज द वेरी क्रूड वे ऑफ डूइंग द जोक. और लोग वो एनालॉजी में बहुत करते हैं कि दे डू इट इन अ वेरी क्रूड वे, सो इट डजंट लुक वेरी पैलेटेबल. बट अगर तुम उसको छुपा के करो, लेयर करके करो, देन द सेम जोक्स बिकम अ लॉट ऑफ फन. लुई करता है तो कई बार तुम भूल जाते हो कि ओरिजिनल चीज क्या थी. एग्जैक्टली एनालॉजी क्या थी. हाँ, तो वो पहले वो करेगा. हाँ. उसके बाद कहीं और ले जाएगा. हाँ. फिर एंड दैट इज वाई तो वो फन लगता है. तो वो एक वो क्राफ्ट है उसकी. हुँ. जो आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं. भाई बहुत कॉन्फिडेंट है यार बिल्लियाँ और दिल्ली के कॉमिक्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं फॉर नो रीजन. नो रीजन तो क्या. चल ही रहे दोनों. बिल्लियां भी चल रही है मार्केट में. बिल्लियां भी चल रही है. और यूए क्या हरकत है ये? ये क्या पागलपन की हरकत है? हैं जैसे कुछ सेंसिबल करे. कम से कम कुछ बुक बुक पढ़ो ऐसा लगे लोगों को. हैं अनपढ़ों वाली हरकतें कर रही हो. अभी हम लोगों ने एक चीज यूज करनी शुरू करी. मतलब हम लोगों ने गरिमा तो यूज कर ही रही थी. वो मिट्टी वाला साबुन. इट इज़ मोरक्कन मर्ड करी.
ब्लैक सोप विच इज़ मोरक्कन मड बेसिकली सिलिका, उसके अंदर बहुत जीने मत देना बेटा, खून चूस लो बाप का मेरे पापा की ये लाइन है, खून चूस लो बेटा, हाँ अभी फीस दी है तुम्हारी ये मैं कॉलोनी वाली बिल्लियों में ऐसे जब से वो गायब हो गई फिर मैं ऐसे कहता हूँ मैं एज अ पेरेंट जो जो कर सकता था मैंने कर दिया भाई, आप उसके बावजूद भी इनको तो क्या है, तो बस कॉलेज निकल गए एक बार फिर थोड़ी ना याद रहते हैं पापा क्या कर रहे हैं क्या वो कर रहे हैं बन रहा है धीरे धीरे बाप बन रहे। तो मेरा तो ऐसा था भाई, हमारा तो मैं तो हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं नहीं, ये एक बिल्ली है जो बहुत बाकी बिल्लियों को परेशान कर रही है, मैंने कहा इसको तो हटा ही देते हैं। फिर करीमा ने बोला नहीं, एंड देन नाउ शी इज़ बिहेविंग मच नाइसर। आई एम नॉट वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर व्हेन कम्स टू कैट्स, वेरी हार्ड टू टेल ऑल्सो, बात नहीं कर पाते जो बोले ना आदमी उसको कैसे लोग नहीं समझ पाते हैं बड़ा इंसानों का जज, लेकिन मैं तो इंसानों का भी कैरेक्टर का जज अच्छा नहीं हूँ, मेरा 50-50 रहता है, आधे टाइम बहुत सही जजमेंट रहता है आधे टाइम बुरा, और इसलिए मतलब दैट्स द वर्स्ट। अगर कोई ऐसा जो हमेशा ही गलत हो तो उसका ऑपोजिट कर लो। इसमें भी वो, इसमें वो कंज्यूमर वाली एंग्जाइटी नहीं फील होती कि चूतिया बन रहा हूँ मैं, नहीं इंसान है। हाँ जैसे लोग इतने गुस्से हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद, तो मेरे वेस्ट क्यों करे 2 साल अरे भाई मेरे भी हुए भाई और ऑल्सो ये थोड़ी ना हमने प्लान बना के किया था कि इसके दो साल वेस्ट करके फिर ब्रेकअप कर देंगे, हमारा तो खुद का एट स्टेक था, हम तो अगर हम लालची भी देखें तो मैं तो ये देख रहा था कि मेरा अच्छा जाए तो चांस ही बात है तुम्हारा भी बुरा हुआ मेरा भी बुरा हो गया, तुमने इरिटेट करना शुरू करा नहीं करते लोग सोचते हैं कि ये दिस इज कमिंग आउट ऑफ लाइक मैलेस की यार इसका बर्बाद कर देते हैं 2 साल, अपनी भी 2 साल बुरे होंगे लेकिन इसका खराब कर देंगे, ये सुसाइड बॉम्बिंग थोड़ी है भाई। मैं तो एज ही नहीं करता मैं वापस जवान होके घुस जाऊंगा डेटिंग मार्केट में। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्यों बोला पिछले महीने? सेक्स के लिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द आंसर? पर तुमने तो उस सब टाइम बोला था कि तुम शादी करो, झूठ बोल रहा था भाई ऑब्वियसली तुम तो जानते हो मेरी फितरत तुमने तो क्लियरली बोला था अगर शादी करनी है तभी सेक्स होगा तो मैं क्या बोलता जब ऑप्शन ही कोई दिया नहीं तुमने। ये मैं देखता था 8th 9th में जब लड़के डेट कर रहे होते थे हमारे स्कूल में, तो लड़के मुझसे तुम सीरियस हो या कैजुअल, तो बोलते थे मैं तो बहुत सीरियस हूँ, और मैं 8th क्लास हाँ, और मैं 10th में एक लड़की से बात करना शुरू करा था, मैं उसने कुछ पूछा था कहाँ क्या, मैं कहा मुझे क्या पता भाई 10th में हूँ मैं तो बच्चा हूँ तो बेंच हमारा चला ही नहीं कभी, और मैं सोचता हूँ ये मिश्रा ने सही बोला था कि 9th उसने बोल दिया कर दूंगा शादी, क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है उसकी बताइयो भाई 9th छोड़ो 32 में क्या अकाउंटेबिलिटी, जब तक तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया क्या अकाउंटेबिलिटी, लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तोड़ देते हैं जैसे तो कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तुमने इकबाल देखी है? हाँ इकबाल में नजरुद्दीन शाह उसको बोलता है कि तुम जिस टाइप की बॉल डालने वाले हो अगर तुम पहले से डिसाइड करके डालोगे तो बैट्समैन वो रीड कर लेगा और उस हिसाब से खेल लेगा, लेकिन अगर एंड मोमेंट तक तुम्हें ही नहीं पता तुम कौन सी बॉल डालने वाले हो तो वो कैसे करेगा। पोकर में अगर तुमको ब्लफ करना है तो खुद तुम कार्ड ही मत देखो, ब्लफ हो जाए भाई पर हार भी सो जाएंगे उससे क्या होता। तो डेटिंग भी वैसा है कि तुमने कैसे शादी, अरे मुझे खुद नहीं मालूम अभी तक भाई क्या कर रहे हैं, हम तो यही ट्रायल एंड एरर चल रहा है ऑन द गो, देखते हैं क्या होएगा। मैं तुमसे डेट कर रहा हूँ पर मुझे तो सच में कभी कभी लगता है मैं गे हूँ जब मैंने खुद को ही नहीं बताया कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। एक बार थोड़ी भारी आवाज में बोलो चिराग मैं यहाँ ब्लफ करने आया हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो, बहुत पागल आदमी, मैं सरप्राइज कर देता हूँ, मेरा नाम रघु है जो एक्सपेक्ट करके आई थी वो नहीं मिलता इधर भाई, वो क्या डायलॉग है यार, फिंगरिंग में मजा आ रहा है एक्चुअली राजीव कर रहा है वो तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड मैं तो यहाँ हुई नहीं यार रघु। और कई बार ऐसा होता है ना, दिस इज नाउ फ्रॉम दिस ट्रांजिशन इट लुक लाइक मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी की ऐसी स्टोरी देखो कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा डिवोर्स हो गया है और हम बहुत कॉर्डियल हैं, तो वो कॉर्डियल का लेवल कुछ तो ऐसा होता होगा नहीं, हाय हेलो या फिर मीटिंग में भाई वो मतलब चिपक के फोटो में वीडियो डाल रहे हैं दे गोइंग ऑन अ क्रूज और एकदम आधे नंगे, ये तो फिर
तुम अभी भी कंटिन्यू ही हो रहा है कॉर्डियल का कुछ तो एक डिमार्केशन होना चाहिए तुम्हारी रिलेशनशिप में और ब्रेकअप के बाद में कोई फर्क ही नहीं है तो फिर सबसे कॉर्डियल चीज यही हो सकती है कि मत मिलो दूर रहो भाई दूर रहो और कभी कभार कंसल्ट कर लो कि यार ये भी चूतिया काट रही है क्या क्या मैं ही चूतिया हूं क्या बात है हां गलत एडवाइस करो अपना वो मत करो भैंस अपना पुराना राड़ा मत शुरू करो I am in touch with all my exes and they are all my great friends अरे भाई मासूम उस दिन बोल रहा था मैंने कैसे यार कैसे हो सकता है नकली है भाई बहुत ही और अगर इतना ही तुम पसंद है तो फिर चली जाती आई डोंट थिंक क्यों ब्रेकअप हुआ फिर इतने सारे ब्रेकअप ये था कि हमको मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम आई एम जस्ट सेइंग नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट हिम आई डू नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल अगर कोई ऐसा बोलता है कि ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि वी आर नॉट एट द सेम पेज और व्हाटएवर ये सिर्फ बहाने हैं भाई उसको तोड़वाना था इसलिए तुम थोड़ा और पूछो ना कि वो कहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही थी क्या एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत चूतिया थी मेरी बहुत इंटेलेक्चुअल थी तो और मेरे को तो एक्चुअली मैच्योर लड़कियां अच्छी लगती हैं अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मासूम अलग बात करने पर ऐसे बहुत सारे मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन हो मैं तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रहा था लेकिन कुछ ऐसे बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि वो रामजस लड़की जो एक थी तो फिर हो जाता है कि अरे कितनी रामजस में तो मैं ही थी तुम्हारे जान रिलेशनशिप हिस्ट्री का नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ पर पता तो चल ही रहा है मैं तो यहाँ पे खाली टीआरपी बढ़ाने के लिए बैठा हाँ भाई तुम देखो अगर कोई अपने एक्स के बारे में बोलेगा फिर वो कोई उसके एक्स के दोस्तों से ढूंढ के भेजेंगे छह व्यू हर बार बढ़ जाते हैं तो ऐसा करना चाहिए कि तुम कोई एक एक्स को डिस्क्राइब करते रहो जिसमें सारे ट्रेड्स हो सारी एक्सेस के गंदी थी बिल्कुल पसंद नहीं बदतमीज थी और फिर तुम ऐसा करो कि इतना ज्यादा गंदा डिस्क्राइब करो कि वो पता है उस लड़की को कि उसी की बात हो रही है फिर भी बोलेगी मैं थोड़ी नहीं तो नाक बहती रहती थी उसकी हमेशा और वो खा जाती थी नाक सारी चीजें सही डिस्क्राइब करो और एक ऐसी चीज बोल दो तो बोलेगी नहीं ये मेरी बात तो नहीं हो रही एकदम सच्चाई बता दो उसके बारे में मेरी एक्स ये थी और उसका एक कान नहीं था सब कहेंगे ओ फिर तो मेरे बारे में नहीं बात कर रहा है फिर वो फोन करके बोले कि तुमने बिना कान की लड़की के साथ भी कर रखा है तुम तो बड़े बदतमीज वही तो मजा है बड़े डेस्प हाँ क्योंकि वो एक कान से सुनती नहीं थी तो उसी कान में मैं उसकी बेइज्जती कर रहा चल मैं तेरे से एक चीज पूछता हूँ हाँ बता तेरे को कभी ऐसे डीएम आते हैं ये जो हम बात कर रहे थे कि शो के बाद खाना खा लो ये कर लो तो उसमें तुझे ऐसा लगता है कि वो जो चेप हो रहे होते हैं उसमें लड़के थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि भैया आपकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है मैं भी एक्चुअली करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ खाते हैं और लड़कियों को आता है फ्री हो हाँ हाँ कई बार कुछ एक तो मैंने मतलब करीमा को भी दिखाया ऐसी बातें वो बोलती हैं कि मतलब जो यंग है ना वो लोग आई थिंक उनका कल्चर ऐसा है वो इज़ लाइक यू क्यूट दो आई एम ट्राइंग टू शूट माय शॉट हाँ ये मेरे को बहुत भाई क्या एक तो लगता मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ तमीज नहीं तुमको बात करने की दूसरा ये क्या है ये मतलब एफर्ट भी नहीं है कुछ भी नहीं आई एम नॉट सेइंग एफर्ट कोई मत मारो मेरे ऊपर बट आई एम सेइंग कि अगर किसी के ऊपर भी मार रहे हो तो एटलीस्ट बी नहीं मतलब जैसे तू लड़कों के क्रीपी डीएम लड़कियों के उसमें देखता है तो मैं देखता ही नहीं भाई ये सब क्या भाई कहाँ देख रहा है तू क्यों तुम्हें कोई दिखाते रहते हैं या फिर लोग स्क्रीनशॉट भी तो पोस्ट करते रहते हैं तो उसमें सब कुछ होता है कि लड़के रियली लव योर पोएट्री जो चांद के बारे में आपने बात करी थी मेरा भी दिल ऐसी रोता है ये होता है बाय द वे लड़कियां एब्स अच्छी वेरी सुपरफिशियल लड़कियों की सारी ऐसी हैं यू क्यूट हाँ दो वर्ड में वो भी कर दिया लेकिन हाँ आते हैं यार बट वही है कि मैं फिर मैं तब तक रिप्लाई नहीं करता जब तक बोलता है कि आपकी कॉमेडी पसंद नहीं ऐसी फंसा लेते मेरे को ऐसी फंसा लेते भाई वो मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं टिकट लिंक कहाँ है हाँ, रुको 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 भेज रहा हूँ और जैसे भेजा वैसे ही खाना खाओगे अरे भाई तुम शो देखोगे तो मैं खाना खा पाऊंगा घर पे पर एक बहुत सही एक बंदा है जो स्कूटर वो बना मैं तेरे को बोला नहीं मेरा मन था कि मैं बाइक बिल्ड करूं अपनी पूरी तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड और ये बंदा पूरा स्कूटर बिल्ड करता है बेसिकली तौसीफ नाम है उसका शाउट आउट बढ़िया बंदा है तो उसने विंटेज स्कूटर का कुछ तो इवेंट रखा था बैंगलोर में
मैं मिल नहीं पाया उससे, मतलब उसने बोला था कि यहाँ पे इवेंट है संडे को, संडे को ही मेरा शो था, मैं जा नहीं पाया. बट अपेरेंटली दीज गाइज कीप एन इवेंट जिसमें सब लोग अपने विंटेज अगर स्कूटर है तो वहाँ पे आओ, रेस वेस करो, जो भी चिल करो. ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, तो मैं इसलिए आई वांटेड टू मीट द गाय आल्सो. उसने बताया पूरा उसका जर्नी की ऐसे से बना रहा है, एक बाइक इसने ये बिल्ड करी, फिर उसने फोटो भेजी एक वेस्पा की बहुत ही सुंदर थी. मैं से कहता है कि आप अपना एड्रेस बताओ मैं आपको स्कूटर दे दूंगा. मैं कहा भाई स्कूटर मैं कैसे रख लूंगा यार, मैं कभी ना लूं, मेरे को डर लगता है फिर मेरे से बदले में पता नहीं क्या मांगेगा भाई. नहीं नहीं वो बंदा तो बढ़िया है, पर मतलब स्कूटर यू कांट टेक दिस नॉट सम, क्योंकि फिर नंबर वंबर रजिस्ट्रेशन होता है ना ये तो. और पता चला क्या वो व्हीकल इज टू मच, अगर कोई बोले कि मैंने आपकी पेंटिंग बनाई है कुछ, पेंटिंग भी मेरे को ऐसा, पेंटिंग तो आई एम ओके विद, इट्स एफर्ट, समबडीज एफर्ट, ये भी kind of his effort, लेकिन पैसा भी है यार, मुझे महंगा गिफ्ट थोड़ी चाहिए कोई. कई बार जैसे कोई फॉलो करे तुम उसका प्रोफाइल जाके देखो ना, अगर कोई ग्राफिक आर्टिस्ट निकलता है हाँ. वो देखने में बहुत मजा आता है हाँ, कि क्या है किस बना कैसे बना रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिस्टिंक्ट स्टाइल होता है, तो राइट. उनसे बात करने का मन करता है कि ये क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, कुछ होता है, लेकिन बात तो यार मतलब 10 मिनट में खत्म हो जाएगी बात वो. हाँ प्लस वो है यार, मैं तो जनरली आई ट्राई टू रिप्लाई टू पीपल इफ इट इज समथिंग आइदर दे आर सेइंग कि ये चीज़ पसंद आई कोई स्पेसिफिक, लेकिन कुछ लोग ऐसे सिर्फ हाय बोल के छोड़ देते हैं, मैं नहीं रिप्लाई करूंगा ऑब्वियसली. फिर इसमें कुछ एरोगेंस नहीं है, एज बहुत सारे ऐसे आते हैं हाय हे यू फ्रॉम कानपुर, आई एम नॉट गोना रिप्लाई टू ऑल दैट स्टफ, बट आई जेन्युइनली ट्राई टू रीड एवरी मैसेज एंड ट्राई टू रिप्लाई, क्योंकि मेरे इतने नहीं आते हैं, आई हैव थोड़े से ही हैं मेरे फॉलोअर, तो रिप्लाई मैं कर सकता हूँ आराम से इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन मैसेज. तो आई विल रिप्लाई टू एनी वन एज लॉन्ग एज इट्स अ नाइस मैसेज और इफ़ यू आर सेइंग समथिंग एक्चुअल, बट अगर तुम हाय हेलो यू क्यूट दो बोलोगे तो आई एम नेवर गोना रिप्लाई. एक मैसेज आया था हाय 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 तीन दिन ना, फिर चौथे दिन आया प्लीज रिप्लाई समथिंग अर्जेंट. हाँ मैं कहा बताओ. हाँ कर हाय हाय साले. अरे ऐसे बहुत ट्रिक करते लोग. एक बंदे ने ना बहुत पूरे टाइम हर टाइम रिप्लाई करता रहा हाँ. बोल मैसेज करता रहा. मैंने एक बार रिप्लाई कर दिया तो उसने पता है क्या बिल्डअप किया था, कहता है कि मैं एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको मैसेज करता हूँ रिप्लाई भी नहीं करती, आप भी नहीं करते, आप उसके भाई हो क्या, कुछ कुछ तो बकचोदी किए जा रहे, मैं कभी रिप्लाई नहीं कर रहा. और एक दिन उसने कुछ तो बोला कि पता नहीं कुछ तो जेन्युइन बोला तो मैं रिप्लाई कर दिया, अभी फिर रैंडम सेम बातें कर रहा हूँ. एक मेरे को एक लड़की ने बहुत लंबा सा मैसेज भेजा था कि मेरा बॉस मेरी बहुत बहनचोद जान खराब करके रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ छोड़ दूँ ये कर दूँ, लेकिन अभी मेरी शादी हो रही है तो मेरे को उसके लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए भी मैं जॉब छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ. मत छोड़ो भाई. मैं बोला भाई वो बोल दो उसको कि मैं बीमार हो गई हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है. तो सच में उसको जेन्युइनली मैं तो अगर ये सब जॉब मैं कहा तो सबैटिकल मिल जाएगा एक महीने का, तब दूसरी जॉब ढूंढ लेना, तक तब इससे डील भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि मैं ये मेरे को हर कंपनी में एक बार जॉन्डिस हुआ हुआ है, एक बार डेंगू हुआ हुआ है, सोनी लेव एक बार डेंगू हुआ हुआ है, तो मैं तेरे को तीन चार बताता हूँ मैं जो यूज करता था जॉन्डिस डेंगू. डेंगू बहुत वो बढ़िया होता है क्योंकि उसका तो होता ही बस टाइफाइड में बेड रेस्ट ही होता है सिर्फ, ठीक है ये तीन हो गए. फिर वर्क फ्रॉम होम में था कि हमारी कॉलोनी का ट्रांसफॉर्मर फट गया तो मेरा फोन लैपटॉप कुछ भी चार्ज नहीं है. तूने बहुत जॉब्स करी हैं भाई. अरे नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं. सेम ही जॉब में बहुत बार झूठ करता रहता था तो. और फिर एक मेरा बहुत मैं जो फारफेट सोचा था जो कि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया वो ये था कि मैंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया है. कैसे करता है इसको तू एग्जीक्यूट भाई, बच्चा लेके चला जाएगा. नहीं किसी के साथ फोटो खिंचा लेता एक और वो रख देता अपने क्यूबिकल में सामने और कहता ये चिंटू है, अभी चिंटू आज गिर गया. क्योंकि मैं देखता था कॉल पे सबको ये अलाउड होता था कि ओ अर्थ गिर गया तो अभी मैं कॉल से जा रही हूँ और फिर अर्थ का ध्यान रख रहे हैं और अर्थ तो गिरता ही रहेगा बच्चा ही है वो. तो मैं सोचता था यार ये भेजो सही वो है. अब मैं इस छुट्टी के लिए वो नहीं कर सकता लीव, मतलब शादी तो नहीं करने वाला भाई मैं, लेकिन बच्चा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक मेरी लाइफ में एक वॉइड है वो एक बच्चा ही भर पाए, सिंगल फादर बनूंगा मैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या कुछ भी भेजो करके ये कर लूंगा चिंटू. तो वो बीच बीच में आज उसका ओपन डे ये है वो है. चिंटू नाम अभी सोचा है कि अभी सोच रखा है कुछ. तूने बोला प्लानिंग कर रखी है तो फारफेच में तेरा नाम क्या सोचा. बच्चा तो क्या है चिंटू सबसे इजी, अगर कुछ ऐसे सही होता तो फिर मैं कुछ रिदाक्ष कुछ बढ़िया सा कुछ वो करता. भाई तुझे ये पता है ना कि जब तू बच्चा अडॉप्ट करता है उसका ऑलरेडी नाम होता है. अडॉप्ट करने में तुझे नया नाम नहीं तो मैं उसको बोलूंगा बेटा अब वो तुम्हारे पॉवर्टी के दिन गए, भूल जाओ वो नाम वो आइडेंटिटी और पंजवानी नाम.
चार साल का बच्चा अडॉप्ट किया, नाम ही बदल दिया। अब कोई तुम्हें बोले राकेश पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, पंचवा नहीं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, उसके कुछ 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 वो चलते रहेंगे। और फिर जब मेरे को जॉब स्विच करनी होगी, अगर मेरे को बड़ा ब्रेक लेना होगा, तो मैं बोलूँगा चिंटू मर गया, मर गया। तो तब तो भाई तू तो बड़ा ही बहुत लंबा ब्रेक, क्योंकि उसमें कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है कि अरे थोड़ी पीपीटी तो भेज दो, तक तक मैं कहूँगा तुम्हें शर्म आ रही है। सर अडॉप्टेड बच्चा था, एक दिन की छुट्टी मिल पाए। और फिर ये साइकिल मैं नेक्स्ट कंपनी में रिपीट कर पाऊंगा। देख तूने अपना अभी कॉर्पोरेट करियर बिल्कुल ही खत्म कर दिया, देयर इज नो वे यू कैन गो बैक, क्योंकि वो बोलेंगे तेरा असली बच्चा भी जब होगा ना, और तूने कभी एक कर दिया कि चलो मुझे एक जॉब करनी है, दिल भी लाएगी तेरा असली बच्चा नहीं अडॉप्टेड है, तो ले आऊंगा चिंटू ही नाम है इसका भी, हमने देख लिया था। तो अगर 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 कोई ये बोलेगा कि हमें मालूम है तुम्हारा प्लान, तो मैं कहूंगा अरे थैंक यू यार पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू, आप ट्रू फैन हो, आप शो पे आए हो। अरे अभी वहाँ पे था, इसलिए मुझे लगता है कि न्यूज़लेटर और ईमेल और लिस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हार्ड रॉक कैफे में शो था करके मैं बाहर आ रहा था, और तीन चार लोग मेरे से मिले, गए अरे शाश्वत बिग फैन व्हाटएवर जो भी किया, और उसके बाद मैंने बोला आप शो पे थे, कहते नहीं हमें पता ही नहीं था शो, मैं कहा भाई यहीं पे शो था, और मैं मतलब मैंने वहाँ पे अनाउंस कर रखा था, ईमेल में मैंने लिंक दिया था, मतलब ये नहीं बोला था कि बैंगलोर आ रहा हूँ, पर लिंक में जिन्होंने देखा होता कर देते, प्लस मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बार डाला था, तो अगर तब भी नहीं लोगों को मिल रहा है एंड दे स्टिल लाइक माय वर्क, विच मींस इट्स नॉट रीचिंग पीपल, अगर तुम्हारे जितने भी फॉलोअर हैं उनके पास नहीं पहुँचता है, तो ईमेलर इज़ द वे टू गो, वरना मिलेगा लोगों को पता ही नहीं चलता कि शो हो रहा है, बताओ। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट, नहीं बट वो ईमेलर का डेटाबेस भी तो अपने इंस्टाग्राम से बना रहा है, कहाँ से ले रहा है वो? जरूरी नहीं है, ईमेलर का यूट्यूब के थ्रू भी लोग आते हैं, उसके थ्रू भी आते हैं, प्लस ईमेल एज एन एंटिटी विल ऑल्सो ग्रो ऑन इट्स ओन, तो बहुत चीज़ें हैं, बट आई एम सेइंग अगर तू सिर्फ यूट्यूब से भी, जैसे उपमन्यू ने यूट्यूब में वीडियो में डाल दिया था, तो कहता है कि एक वीडियो में अगर तुम डाल दोगे बीच में तो काफ़ी ग्रो हो जाएगा, और उसके तो वीडियो में भी जो भी 25-26 मिलियन होते हैं तो उसका तो हो ही जाएगा, तो उसका बहुत बड़ी लिस्ट है, तो वो वहीं से टिकट बेच देता है। मेरा अभी इतना नहीं हुआ है कि उससे टिकट सारे बिक जाएं, बट आई वॉन्ट टू ग्रो इट टू अ लेवल वेयर आई हैव नो डिपेंडेंस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वो पता नहीं यार कभी आएगा कभी नहीं जाएगा, अकाउंट बंद कर दिया, अकाउंट बंद कर दिया, कभी रीच नहीं है, कभी कुछ उनका नया कुछ आ गया, अभी रील है, कल को कुछ फील जो भी है, मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ भी चीज आ गई, तो यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनी, फोन अपनी बॉडी टच कराना पड़ेगा, तभी आएगा, नंगे हो गए तभी रीच बढ़ाएंगे हम एज दिखा, तो ये सब हम नहीं कर सकते, इसलिए आई थिंक ईमेल इज समथिंग दैट मुझे आज भी अगर ईमेल किसी का डायरेक्टली आएगा आई विल डेफिनेटली रीड, उसमें जब येलो वो आता है क्या कौन है चेक करोगे, तो दैट आई थिंक इज द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट। लुई सीके ने किया इसलिए मुझे पता है, अभी मुझे नहीं पता कि इंडियन कॉमिक्स बहुत सारे कर चुके हैं, आई डिडंट नो दैट, हाँ बहुत लोग करते हैं, मुझे पता नहीं ना, उपमन्यु ने मुझे बताया वो चार साल पहले से कर रहा है, मैंने तो अभी डाला है, बट आई विल डेफिनेटली, दिस इज द वे टू सेल टिकट्स। मेरे को बस वो एक बहुत बड़ा बैरियर लगता है कि YouTube वीडियो के बीच में आके हेलो गाइस आई डोंट वांट टू डू दैट, बस वो एंड में कर दो उसके, एंड में कर दो, तो एंड में कर दो, बट तब भी वो वीडियो के फील से बाहर निकाल देता है मेरे को, जब भी मैं खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा वो भी आ जाएगा, चलो मैं कह रहा हूँ मैं तो वो डालता हूँ अपने रोलिंग क्रेडिट, तो रोलिंग क्रेडिट के बाद डाल दूंगा, वहां तक अगर जो बच रहे हैं वहां तक बचते हैं आई थिंक 10% लोग, तो ठीक है 10% देख लेंगे, बढ़िया है, विच इज गुड, क्योंकि अगर उन्होंने पूरा देखा तो मोर देन व्हाट यू आर रीचिंग थ्रू इंस्टाग्राम, डेफिनेटली, तो इसलिए वही है, अब तो मैं वीडियो के एंड में, और इसमें भी बाय द वे दिस इज द लिंक, ज्वाइन माई न्यूज लेटर, इट्स हियर, यहाँ पे भी है, और ये टी शर्ट का भी लिंक हम डाल देंगे, तो खरीद लो। मैं शाश्वत के न्यूज लेटर में कभी अपना शो डाल दूंगा, डन, तो न्यूज लेटर में आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट दिस इज द लिंक। तो अब मैं हर पॉडकास्ट में ऐसे बीच में एक जगह लिंक कर दूंगा। तो बेसिकली क्या है कि तुमको अपने सारे कंटेंट में अगर तुम मैं बता रहा था ना, मैं ये भी देख रहा था कि मैं टी शर्ट कितनी बिकी है, तो टी शर्ट कब बिकी थी, जब एक बार मैंने स्टोरी डाली थी उस दिन बिकी थी थोड़ी, और अभी मैं जब शो करके आया उस दिन थोड़ी बिकी, आई कैन पिन पॉइंट कि इस दिन जब पीक होता है तब बिकती है, तो अगर मैं हर कॉन्टेंट में डालूंगा अपने, तो फिर लोग देखते रहेंगे। आई जस्ट वॉन्ट दिस टू ग्रो बिकॉज आई फील लाइक इट्स अ वेरी फन डिज़ाइन, और दे डोंट नीड टू नो मी टू नो। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि ये उनके उनको लगा था कि ये माइक टाइसन का नॉम मैकडोनल्ड वाला जो कैरेक्टर है वो है, क्योंकि माइक टाइसन का एक पिजन वाला कैरेक्टर था जिसको वॉइस किया था नॉम मैकडोनल्ड ने, दे थॉट इट्स दैट रेफरेंस। क्या तेरे को मालूम था ये कैरेक्टर के बारे में पहले से? नहीं,
बट ये तो बहुत ही मस्त जब भी कोई ऐसे कुछ ऐसे लेयर के बारे में कुछ निकालते ना कि वो आप अपने जॉब वाले वीडियो के थ्रू कैपिटलिस्ट की गांड मार रहे थे. मैंने तो नहीं सोचा बिल्कुल, लेकिन हाँ करेक्ट. पर एक मैं वो करना चाहता हूँ, आई प्रॉब्ली पुट हाईलाइट एंड पुट ऑल द जोक्स, क्योंकि मैं कई सारे जोक्स में बोला है कि ये होने लगेगा और वो सारी चीजें होने लगी है ना, तो वो सारी तो वो मुझे बहुत फन लगता है. मैंने सबसे पहले उसमें किया था कि फिटबिट के थ्रू पता चल जाएगा कि वो चीट कर रहा है. और फिर एक स्टोरी आ गई, फिर मतलब पासपोर्ट पे लोग कट्टम जीरो खेलने लगेंगे, जो मेरा कैरेक्टर खेल रहा था वो भी हो गया. तो सारी चीजें एक एक करके जो मैंने बोला वो सब मैं बाद में न्यूज में देखा. तो आई वॉन्ट टू पुट दैट ऑल एंड आई कॉल इट अफकोर्स, कि अफकोर्स ये तो हो गए, तो ऑटो पलट गई. तो उसके लोग आज तक वीडियो मेरे को भेजते ही रहते हैं कि अब ऑटो पलटी है, कहीं भी ऑटो पलटती है लोग मुझे टैग कर देते हैं. भाई तेरे को अपना एक वो स्टेज नेम वो बनना चाहिए, इनकॉन्सिक्वेंशियल सूथसेयर, काइंड ऑफ वही है मेरा, जो फ्यूचर की सारी सबसे कम स्टेक्स वाली चीजें प्रेडिक्ट कर देता है. वही कॉनर मैकग्रेगर बोलते हैं ना कि यू कैन कॉल मी मिस्टिक मैक cuz आई प्रेडिक्ट दीस थिंग्स, तो मेरा वही है, आई प्रेडिक्ट दीस थिंग्स. ओ फन है यार भाई, मजेदार है, क्योंकि कुछ उसका रिलेशन नहीं है. और ऐसा नहीं कि मैंने प्लान करके बोला है, मैं बस जोक मारने के लिए बोला था. लेकिन दुनिया में चीजें ही इतनी अजीब होती हैं कि तुम कुछ भी बोलो वो कहीं ना कहीं हो ही रखा होगा. तो वही अगर तेरे को तू एस्ट्रोलॉजी और ये सब में करियर बनाना चाहता है तो तू बहुत सारी चीजें पहले बोल दे, फिर जैसी वो एक चीज हो वो रख लो और वो प्ले कर दो और बाकी सब डिलीट कर दो. तो मैजिक में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे तुम्हारा वॉज दिस योर कार्ड और तुम वो वीडियो के थ्रू तुमको बता रहे वॉज दिस, लेकिन उसने ऐसे 50 वीडियो बना रखे तो हर कार्ड के लिए बना रखे. इट्स सो स्टूपिड राइट, तुम्हें लगता है क्या फुद्दू हरकत है. लेकिन यही ऐसे चलता है जादू, कि तुम्हारा कार्ड कौन सा है तुम बताओ, अब वो वाला वीडियो दिखा देगा कि ये देखो मैंने भी यही गेस किया था. इट्स मेरे को मैजिक में सबसे बड़ा बैरियर ये लगता है कि हम अंदर से तो जानते हैं कि ये झूठ है, पर वही तो गेम है. हाँ कि सबको तो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम सचमुच मैजिक नहीं करते. हाँ वो कह रहे भाई हाँ, अगर मैं सचमुच मैजिक करता तो मैं के टिकट लेके तेरे पैसे लेता, मैं पहले ही ले लेता ना, ग्रिफिंडोर में होता मैं फिर. यहाँ क्यों ये होता? तो है ही ये दिस सेइंग दिस टू अ मैजिशियन कि तू सच में जादू नहीं कर पाता वरना उड़ के दिखा. भाई ऑफ कोर्स हां, मतलब वही वही इंप्रेसिव होता है कि तुमने कैसे कंसील करा, इसमें ट्रिक क्या है. इल्यूजन तो भाई है. लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करते कि देखा क्या ट्रिक पुल ऑफ करी. आई थिंक अगर वो प्रिटेंड ना करे ना, हाँ अगर वो बोले कि ये मैजिक नहीं है, ये तो भाई हम तुमको बेवकूफी बना रहे हैं, अगले दो मिनट में बनाएंगे ये देखो, देन व्हाट्स द फील. नहीं तो भी मेरे को बढ़िया लगेगा कि सही इंसल्ट कर रहा है मेरी. बट तू देखो यही तो मेरे को सबसे ऑफ पुटिंग लगता है कि दे आर एक्टिंग लाइक आबरा का डाबरा. हाँ आई नो, मतलब मैं भी ये बिट करता हूँ इसमें कि वही मैजिशियंस ऐसे उल्लू बनाते हैं. लेकिन मेरा मतलब जो वैसे ही मेंटलिस्ट कहते हैं कि हम सब कुछ दिमाग पढ़ लेते हैं, तो आएगा मैं 5 मिनट से तुझे चूतिया बोल रहा हूँ वो तो नहीं पढ़ पा, इस तरह की चीज़ें. बट द थिंग इज ये तो सिर्फ जोक है मेरा, बट नेचुरली अगर तुम बोलो कि कोई मैजिशियन जाए और स्टेज पे एकदम ग्रैंड एक्टिंग ना करे, एकदम बोले कि सुनो मैं ये कार्ड बहुत फुद्दू लगेगा. तू अभी बोल रहा है तुझे अच्छा लगेगा, आई थिंक 100 की भीड़ में 4 लोगों को अच्छा लगेगा, बाकी बोलेंगे क्यों बोर कर रहे हो क्या है. कुछ तो वो होना चाहिए ना, द एक्ट द कंसीलमेंट दैट यू आर डूइंग शुड बी बिहाइंड द कर्टन्स. अगर तुमने सामने ही बोल दिया अभी उल्लू बना देंगे, तुम्हारा कार्ड मैं पहले ही देख लिया था ये है ना, कोई फील नहीं है उसमें यार. द शोमैनशिप इज द होल गेम ऑफ मैजिक. इल्यूजन प्रेस्टीज में भी वो करते ना, में वही है सेम है, अगर उसने बता ही दिया तो फील चली गई पूरी. मैं एक तेरे को जोक सुनाऊं, एक बार मैं एक मेरा मैजिशियन दोस्त था उसके घर गया, तो ये जोक है कि जोक है तो वो नहीं था घर पे, उसकी वाइफ थी. तो उसने बोला कि तुम आए हो तो ऐसा लग रहा है कितने दिन बाद कोई घर में आया, वरना वो तो घर पे रहता ही नहीं है और मैं बहुत मिस करती हूँ उसको. पहले हमारी शादी बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब से वो पॉपुलर हुआ एज ए मैजिशियन टूर ही करता रहता है, तो मैं घर पे अकेली बैठी रहती हूँ पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड. आज तुम आया तो आज उसकी कमी पूरी कर दोगे ताकि मुझे लगे कि वो मेरे साथ ही है. तो मैं तलवार निकाल के उसे बीच से काट दिया. यू नो व्हाट वेयर आई वाज गोइंग. और तू पहले बता. और उसको फोन करा कि भाई वो जोड़ते कैसे वापस. फर्स्ट पार्ट तो आता है मुझे ट्रिक का. अगर आप लोगों को कोई भी शो की अपडेट चाहिए तो जस्ट सर्च द नेम चिराग पंजवानी, आपको बिग माई शो में मिल जाएगा. मेरा नाम सर्च कर लो मिल जाएगा. कीप लुकिंग फॉर शोज, हम बार बार बता नहीं पाएंगे यहाँ शो कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, देख लो जाकर. ऑल्सो अब जब वो सुपर चैट थैंक्स का ऑप्शन आ गया, हाँ तो हमने हाँ वो करना चाहिए भाई. हाँ लेकिन अभी मेरे पास चिप्स का पैकेट लाना पड़ेगा. तो लास्ट टाइम हमें 40 रुपीज किसी ने सुपर चैट करे थे, जिससे हमने 2 चिप्स के पैकेट खरीदे. तो आधा तक खा रहे हम लोग 20 के.
इस बारी सुपर चैट में हम दो तीन नए नए फीचर लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें से जो जो दिमाग में आता जाए करते हैं, मेरे को जो जो याद है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप हमें 50 रुपीज मिनिमम 40 ट्रांसफर करने हैं और मैक्सिमम 50 करने हैं, हाँ। अगर आप 50 ट्रांसफर करोगे तो जिसने भी ट्रांसफर करें उसके नाम के साथ हम लौड़ा बोलेंगे क्या भाई सुदेश लौड़े 50 रुपए के लिए धन्यवाद, ये रहेगा, ठीक है और क्या था? जो भी अगर आप कोई चीज 40-50 ट्रांसफर करके बोलते हो कि इससे आप ये खरीदो तो हम वो खरीदेंगे और वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, डन, कि वो कुछ घंटी है, कोई बिल्ली का कुछ खाना है, डन, लेकिन खाएंगे नहीं, अगर बिल्ली का खाना है तो हम नहीं खाएंगे, बिल्ली को खिला देंगे, बट हम खरीदेंगे आपके, हाँ, परचेज ला सकते हैं, कोई एक्शन नहीं खरीद सकते आप हमारा, ये इंटेग्रिटी हमारी, राइट राइट, लेकिन हम कैमरे में दिखाएंगे खरीद के, हाँ वही चीज खरीदेंगे, तो उससे ही हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो पैसे भैं जो जेब भर रहे हैं अपनी, हाँ फालतू का सामान खरीदेंगे, वो भी तुम जो चूज करोगे वो खरीद लेंगे, डन डन, दैट्स अ गुड आइडिया। एक्चुअली चिप्स मैं देख लेता हूँ होंगे, हमने खरीदे तो थे, रुक जाओ, नहीं ये तो तूने अपने पैसे से पहले खरीदी हुई है ना, चीट नहीं करना है। और क्या सुपर चैट से यार, ये जो चिप्स है ना इसमें हवा भरने की जगह निकाल ली, पता नहीं कैसे बड़ी एक चिप्स है, तो हां अरे मैंने इनके सामने नहीं खोला, शिट, अरे ठीक है भाई अभी थोड़ा, कौन भी करेंगे तो इतना बहन जो 10 रुपए का कौन करेंगे, ये 20 रुपए का हमने चिप्स खोल लिया है, और 20 तो YouTube के पास जाते हैं, 20 हमारे पास आते हैं, तो ये एक पैकेट उससे हमने खरीदा था, और अभी देखो आपके पैसे की चिप्स खा रहे हैं, यही है, और ये महीने हमने ये इकलौती चीज खाई है तो पॉडकास्ट एडिट करने में टाइम लगता है, प्लीज तुरंत ट्रांसफर कर देना, बहुत भूख लगती है। द एफर्ट, या मोस्ट ऑफ द एफर्ट इज एडिटिंग, क्योंकि ये काम बैठ के बात करना तो सबको आता है, बहुत आसान है, बट उसके बाद हमने क्या क्या इम्पोलाइट चीज़ें बोली थी, क्या इनकंसिडरेट, क्या इलीगल एक्शन हो सकता था, वो सारा हटाना, और अगर आप 1 करोड़ भेज दोगे तो जो भी चीजें पॉडकास्ट से एडिट हुई हैं, अगर वो 1 करोड़ भेज दोगे तो आप बहुत पड़ेगा देव पहली बात तो ये नहीं मतलब ठीक है आपके पास आपका डैड का कुछ है शूज उसका बिजनेस, हाँ। अगर आप 1 करोड़ भेज दोगे तो पॉडकास्ट से जो जो चीजें एडिट आउट करी है उसका सबका कलेक्शन मेल कर देंगे आपको। एक्चुअली मैं सच में सोच रहा था, दिस इज नॉट अ जोक नाउ, मेंबरशिप में अगर मेंबरशिप स्टार्ट कर दूं, विच आई वांट टू स्टार्ट, पर उसमें क्या ऑफर करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन, तो दैट आई वाज वंडरिंग, तो उसमें एक आइडिया ये आया था कि जो अनएडिटेड वर्जन है या फिर जो भी पार्ट एडिट आउट किया है वो सिर्फ मेंबर्स को देंगे, दैट कुड बी वन। एक मैं सोचा था, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो दे दें, एडिट होती है गंदी गंदी बातें, हाँ गंदी बातें सारी एडिट हो जाती हैं, गंदी बातें, ऐसी चीज जिसमें कोई बुरा मान जाए या फिर हमने कुछ ऐसा बहुत ओवर द लाइन कुछ बोल दिया हो तो वो एडिट आउट कर देते हैं। बॉम्बे के सारे टॉप कॉमिक्स की गॉसिप अगर आप जानना चाहते तो 1 करोड़ इज द प्राइस तो वो सोचा था कि अगर मेंबर बनोगे तो फिर वो डाल देंगे। और एक मैंने सोचा था, एंड नाउ यू कैन वोट ऑल्सो, यू कैन टेल इनमें से कौन सा हम कर सकते हैं। मेंबरशिप पहली बात तो मैं सोच रहा हूँ डालने की, अभी डाला नहीं है, पर अगर मेंबरशिप बनाएंगे तो क्या हम ऑफर करेंगे उसका। एक ये सोचा था कि एक मेंबर्स ओनली सेगमेंट रखेंगे पॉडकास्ट में, जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया ये खत्म हो जाएगा अभी डाल देंगे, पर मेंबर्स ओनली सेक्शन में वी कैन प्ले अ गेम और रैपिड फायर समथिंग विद द गेस्ट, और वो सिर्फ मेंबर्स को देखने को मिलेगा। दैट वाज वन थिंग, और अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं तो वो आप बता सकते हो, एंड वी कैन देन वोट एंड देन डिसाइड व्हाट टू गिव द मेंबर्स, और वो कर सकते हैं। तेरा क्या आइडिया? अगर 20,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे हमें तो उनके घर जाएंगे फ्लाइट करा के, उनको मर्च बनाएंगे टी शर्ट और एक लपड़ मारेंगे भाई जब इसका चैनल में मेंबरशिप आएगा तो मत लेना, क्योंकि बहुत ही अजीब आइडियाज हैं इसके। मैं रघु फिलोसफी पे हूँ कि एकदम अनएक्सपेक्टेड अरे हाँ ये करते हैं, मेंबरशिप में आपको नहीं पता क्या मिलेगा, हाँ। कुछ भी दे सकते हैं हम, देंगे कुछ ना कुछ तो यही रहेगा। जैसे तुमने थप्पड़ मारा तो सामने लगे थप्पड़ क्यों मारा, तो तभी वो देखे उसकी टी शर्ट में लाइट जल गई जो वो टी शर्ट की लाइट थप्पड़ से एक्टिवेट होती होगी, ये सब सारे फन कॉक्स रहेंगे। ये सारी बातें बिना ड्रग्स लिए बोल रहा है ये आदमी तो आप सोचिए, वी कैन डू दैट,
वी कैन हैव अ मेंबरशिप टियर जिसमें तुमको नहीं पता क्या मिलेगा, कुछ सरप्राइज मिलेगा, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन कुछ मिलेगा. नाउ वी वोंट टेल यू, जिससे और तुम्हारी मिस्ट्री बिल्ड हो, और अचानक इट कैन बी वेरी सैटिस्फाइंग ऑल्सो और स्लाइटली लेस सैटिस्फाइड, नॉट अनसैटिस्फाइड. वी वोंट लीव यू अनसैटिस्फाइड. वो जो फारिस की वो लाइन में, आपकी सब्जी मैं चुराऊं तो वैसे हो जाएगा, घर आ रहे हैं सब्जी चोरी हो गई है, आपकी बच्ची मैं घुमाऊं, आपकी सब्जी मैं चुराऊं, शाम को अंडे मैं बनाऊं, सुबह अंडे वो बनाए, उन्हें बिस्तर में खिलाऊं, भाई वो अपने उसको भी खिलाऊं, खुद कुछ काम नहीं करता है, उसे बिस्तर में खिलाऊं और थोड़ा खुद भी खाऊं. यार मतलब वो बंदा बहुत ही सही है. अच्छा हाँ, तूने तो रैप तूने फॉलो किया ना, डिस वगैरह बहुत, मतलब फर्स्ट डिस और सेकंड डिस देखता हूँ, फिर उसके बाद जब वो झगड़ा चलता ही जाता है भाई, फील तो है लेकिन झगड़ा चल रहा है इसका मतलब है अभी और, भी मटेरियल बचा है, और इंटेंस होता जाता है तब फिर थोड़ा बेकार हो जाता है, स्टीम वो लूज जाता है, क्योंकि मैंने देखा पहले दो तीन अटैक में लोग सब चीजें निकाल देते हैं. फेयर इनफ. फिर तो लिटरली भाई ऐसे हो जाता है कृष्णा. लेकिन इट इज फेयर कि पहले में सारे निकाल लें, क्योंकि उनको थोड़ी पता है सीक्वल आ रहा है. वो तो कह रहे हैं कि यही मेरा इकलौता है. तो जैसे जब रफ्तार ने डाला था कि पर्पल वो मुंबई में शो था, तू मेरा ब्रो था, स्टूडियो का नाम याद होगा तेरे को, पर्पल स्टूडियो कुछ तो नाम, पर्पल हिल्स, पर्पल हिल्स स्टूडियो, नाम याद में आया, तो ऐसा लगता है ओ इसने एक रिकॉर्डिंग इसकी करवाई थी, ये सब कुछ. तो जो वो हर इंसान अपने मन में एक बड़ा एहसान लेके चल रहा होता ना, तू मेरे को बोल रहा है बेंचो, जब वो दिन याद है वो सारी चीजें तो पहली लड़ाई में निकल जाती है, फिर इवेंचुअली ऐसा जाता है क्या भाई तेरी नाक पकौड़े जैसी टाइप की, तो तब फिर तो हाइट ही कम है, क्या है भाई बेंचो. उसने बोला ना कृष्णा ने एमवीए को, चार फुट का लिलीपुट, ये क्या करेगा लड़ाई. अब फिर इसमें फिर वो हो जाता है कि अब ये सब्सटेंस नहीं बचा है. तो इस वाली में जब मैं डिस की बात कर रहा था, मैं आई थिंक ट्विटर में कहीं पे डाला था, आई वाज एक्सपेक्टिंग बिकॉज एमवीए हैज सो मेनी फैंस, तो लोग बोलेंगे कि अरे एमवीए भाई के बारे में क्यों बोला, बट पीपल गॉट एंग्री कि मैंने कृष्णा की बुराई कर दी, हमने कृष्णा का इतना फैन बेस, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो कि मुझे जो लोग फॉलो करते हैं वो कृष्णा के फैन ज्यादा होंगे. तूने कृष्णा का एक वो वाला गाना सुना है जिसमें वो हर लाइन में लेटर वाला वो करता है, गुड ऑलराइट, मतलब वो उसमें भी ऐसा है कि जब दो तीन लेटर आ जाते हैं फिर ऐसा लगता है ओके ठीक हो गया भाई. गेम देख लिया, पूरा करोगे क्या, समझ गए. ये वैसा नहीं होता अंताक्षरी खेल रहे हैं और किसी ने पूरा ही गाना मुकड़ा अंतरा और बैंक जो कोरस सब गा दिया ना, बस भाई आइडिया लग गया था, मुकड़े में अब चुप भी होना होता है, गाए जा रहे हैं फिर उसका वो गा रहे हैं अनप्लग, मुर्कियां लिए जा रहे हैं. अरे भाई सिंगिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, ये अंताक्षरी है. इसमें जब कई बार कोई ऐसे नहीं होते एग्जाम्पल दे रहे तो कहते हैं कोई भी आ जाए तुम्हारे पास, चाहे तुम्हारे पापा, मम्मी, भाई, ताऊजी, घर के पास जो लड़का रहता है वो, माली, नाई, नया वाला नाई, कोई भी आ जाए उनको तुम चाबी मत देना. मुझे हर तरह की बिरयानी पसंद है, हैदराबादी, बंगाली, मुस्लिम. फिर शुरू करो, हर टाइप का क्यूजिन पसंद है, जम्मू, कश्मीर, शिमला, दमन एंड दीव. समझ गए भाई, समझ गए. मुझे खाना गरम पसंद है, 100 डिग्री, 99 डिग्री, 98 डिग्री, 4000 डिग्री. स्टैंडर्ड से ये तो सीखा है कि दो पे पैटर्न होता है, समझ गए हम. किसको नहीं दूंगा चाबी मैं. मम्मी की साइड से कोई आ जाए. मासी, मामा, मम्मी के दोस्त, शकुंतला. शकुंतला कौन है? मासी की दोस्त. अबे तो जो डिस वाला सीन था ना, इसमें मतलब शुरुआत में जैसे हम लोग उसकी भी बात कर रहे थे कि विच इज अ वेरी कॉमन, डिवाइन ने पहले शुरुआत में बोला कि मैं अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ, है ना, मेरी माँ झाड़ू वाड़ू लगाती है जो, बट उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि वो पॉपुलर हो चुका था, उसके बाद भी यही बोल रहा था कि माँ झाड़ू लगाती है, था भाई फिर बंद करवा दे उसका झाड़ू लगवाना, आई थिंक तेरे पास पैसे आ चुके. उसका उसको एकदम अच्छा जस्टिफिकेशन देना चाहिए था कि अरे पुरानी नोटबुक में था. कुछ दिन मेरे को पुरानी नोटबुक मिली थी, उसमें लिखा हुआ था, मैंने कर दिया, क्या हो गया.
या वायरल हो गया है लेकिन अरे अभी मैंने एक वीडियो देखा बहुत फनी था जिसमें रॉक और केविन हार्ट बैठे हुए विच दे डू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. तो एक लड़की कहती है कि रॉक आई जस्ट ड्वेन रॉक नहीं बोला कि ड्वेन आई जस्ट सॉ उसने बोला रॉक ड्वेन यू नो व्हाट द रॉक इज कर. तो कहती है कि उसको ये रूल रखना चाहिए जो भी उसे रॉक बोलेगा वो उसको पीटने लग जाएगा. वो कहेगा अरे ये तो मेरी वही दुनिया याद दिला देता है. नॉर्मल बात करने से ड्वेन बोला करो भाई वो वाला स्विच मत दबाना. तो कहती है कि ड्वेन आई जस्ट सॉ दैट यू रिसेंटली बॉट योर मदर अ हाउस व्हिच आई थॉट वाज सो स्वीट. तो वो कहता है केविन हार्ट बगल में बैठा है कहता है कि अबाउट फकिंग टाइम कहता है $10 billion लेटर यू रियलाइज दैट यू वांट टू सेल लाइक बाय अ हाउस फॉर योर मदर. हे मॉम यू कैन कम आउट ऑफ द ट्रेलर पार्क नाउ. तो वो सब बहुत बकचोदी बहुत सही था. व्हिच इज द सेम केविन हार्ट गेट्स अ लॉट ऑफ हेट. आई थिंक ही इज वेरी फनी. नो ही गेट्स हेट फॉर द स्टैंड अप बिकॉज़ उसके स्टैंड अप के जोक्स बहुत पेडेस्ट्रियन है. लेकिन ही इज फनी एज हेल डूड. उसके सारे इंटरव्यूज ऑल द लाइव व्हाटएवर रॉक के साथ के उसके सारे वीडियो सो फनी. तूने केविन हार्ट और बिलबर का एक पॉडकास्ट केविन हार्ट देखा था जिसमें केविन हार्ट बुलाता है बिलबर को अपने पॉडकास्ट पे. या दैट इज द अदर वन जिसमें जिसकी एंड्रू शूल्स के साथ लड़ाई हुई थी कि उसने सेम नाम यूज कर लिया था. तो उसमें क्या होता है बिलबर आता है पॉडकास्ट पे कहता है लेडीज जेंटलमैन वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स वो कहता है दिस गाय हैजंट कॉल्ड मी इन 7 years. वो कहता है वेरी फनी. ओ केविन हार्ट मेंटेन्स द कैरेक्टर ऑफ अ पॉडकास्ट होस्ट. कहता है आई थॉट ही वाज माय फ्रेंड ही जस्ट वांटेड टू स्पॉट अ डेंजर फील्ड्स ही यूज्ड मी फॉर दैट स्पॉट and he didn't call me at the birth of my daughter. Ladies and gentlemen, Bill Burr. Funny. Yeah. बहुत ही बढ़िया भाई वो. जब केविन हार्ट इसके शो पे आया था ना जो रोगन पे तो जो रोगन पे they were not talking too much about comedy. They like कि तुम्हारा करियर कैसा चल रहा है. तो उसने सब केविन हार्ट बिकेम दैट मल्टीविटामिन लॉन्च कर दिए हैं. इसने इतने सारे बिजनेस डाइवर्सिफाई किए हैं. कहता है आई वर्क आई एम अ वर्कहोलिक ये सब. तो तब मुझे नहीं फनी लगा क्योंकि वो फनी नहीं था. मतलब तब मुझे लगा कि यार ये सब नहीं सुनना है ये फालतू सक्सेस वाली बातें मत बताओ चुटकुले बताओ. मेरे को भी जब भी कोई आई एम अ वर्कहोलिक बोलता है मुझे लगता है भाई मैं भी बन जाता हूँ नींद आती है बस. नॉम का बहुत अच्छा जोक है ना कि आई एम अडिक्टेड टू वर्कहॉल. क्या फनी है यार ये. मतलब ही टेक्स एवरीथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड बिकम्स सो फनी. डिस कल्चर के बारे में बात किसी ने लिखा भी था पहले वाले में पॉडकास्ट में हमारे किसी ने लिखा था कि डिस कल्चर के बारे में बात करो. तो मेरा यही था कि मुझे तो बहुत ही पसंद है क्योंकि अगर तुम अदरवाइज विदाउट दैट स्टोरी लाइन और विदाउट कि इसने इसकी गांड मारी थी अब ये बदला लेगा जब तुम रैप सुनते हो तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं क्या इसका पॉइंट क्या है. मैं सिर्फ आर्ट देखूं इसमें मुझे थोड़ा आई वांट टू सी ब्लड ड्रॉन वो सब तब फील आती है. तो डिस मेरे जैसे कैजुअल फैंस के लिए आई थिंक डिस इज द वे टू पुल यू इन. अगर स्टैंड अप में मैं भी जब ये आया था आई थिंक गली बॉय जब शूट हो रही थी तो उसके बारे में वो करने लग गए थे. मेरे को ये दोनों बहुत कूल लगते हैं जोया अख्तर और फरहान अख्तर. इनकी सारी मूवीज जो डायरेक्ट कर रही हैं और इन जनरल इंटरव्यूज वगैरह में कर रहे हो बेटा तुम्हारा तलफ्फुज जो है वो थोड़ा सा खराब है पर तुम्हारी आवाज में खराश बहुत है लेकिन हाँ फुल चेंज हो गया भाई सॉरी. जावेद अख्तर इज ऑल्सो वेरी विटी. आई एम वेरी विटी लेकिन मैं थोड़ा सा लाभी हूँ. एक में इंडियन आइडल का एक कंटेस्टेंट आता है वो ऐसे आशिक बनाया ऐसे कुछ कुछ गाना गाता है ठीक है. तो सब उसको फीडबैक देते हैं कि आप शायद रहने दीजिए ये वो. तो उसको जावेद अख्तर बोलता है मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अपना ख्याल रखिए. एक लाइन आपने गाई है पूरी सांस फूल चुकी है आप पूरे हिल गए हैं ये सब सिंगिंग होता रहेगा आप अपना ध्यान रखिए. आप अपना ध्यान रखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज एहसास जो है और जो तलफ्फुज़ है मुझे बिल्कुल मिमिक्री नहीं आती. आई लव इट एंड आई डोंट नो यू दैट्स द फीलिंग कि मुझे ये चीज इतनी पसंद है. आई विश आई कुड डू द वॉइसेस आई कैन डू जीरो वॉइसेस. मैं बस ऐसे ही करता रहता हूँ घर पे. मैं तेरे को बताया था ना मैं वो बिट कर रहा हूँ कि आई एम अ वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट बट जस्ट I make only the people you don't know. This is Subhash from class 7. वही a bit. तो क्या बता रहा था. हाँ तो ना जब गली बॉय की शूटिंग वोटिंग चल रही थी तब मेरे को थोड़ा रैप में इंटरेस्ट आया था और फिर तब उसी टाइम पे रफ्तार और इसका डिस शुरू हुआ था. Correct. तो तब मैंने पहली बार फिर काम भारी और सारे सब सुने थे तो ये लेकिन वही सेकंड डिस के बाद फिर जब वो ऐसे हो गया था कि हल्के में ले रहा है तू काय को जा रहा है मेरे मुस्लिम होने पे ये सब तो फिर ऐसे हो गया था कि भाई ये तो कोई अब लड़ाई की बात ही नहीं है अब तो बस अटैक ही है. मैंने तो सारे सुने और सारे मुझे एमवीपी के गाने भी याद हैं पहले डिस वाले सारे
रफ्तार रफ्तार हुआ गिरफ्तार सब याद है। तो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था। आई थिंक मुझे प्रखर बहुत सुनता था उस समय, तो बोलता रहा था कि उसका ये गाना चाहिए चुतिया। और जब डिस हुआ तो देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट, फिर मैंने और भी 47 और ये बाली इन लोगों के सुने। फनी कैरेक्टर्स हैं काफ़ी, बहुत फनी लोग हैं। बाली इज़ एक्चुअली वेरी फनी, तो उसके गानों में भी वो दिखता है, वो कुछ तो मीम वगैरह डाल देते। ऑल दो दे आर ऑल वेरी स्मार्ट ऑल्सो, कि क्या चलेगा तो वही चीज़ करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सेकेंडरी स्किल की तरह मैं यूज़ कर रहा होता तो फिर बहुत कम प्रेशर होता। जैसे जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर में दिखता था, वर वेरी इनसाइटफुल एंड बट नॉलेजेबल, सेकेंड फनी देयर सेकेंड स्किल, तो दैट हेल्प्स देम मार्केट द फर्स्ट स्किल। यहाँ पे ऐसा लगता है जो फर्स्ट स्किल ही है कि बस यही मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फनी है फनी है, तो कुछ और अब इसको तो भाई हेल्प करने के लिए वही है कि इनसाइटफुल। हाँ, फिर तुम तुम जितनी इनसाइट दे रहे हो जब तुम पॉडकास्ट में आते हो, तुम कई जो बातें बताते हो, दैट इज द सेकेंडरी स्किल। एंड इफ यू आर इमोशनल और इफ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, तो ये सारी चीजें सेल योर स्टैंड अप। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई हंसा तो कोई भी देता है, इसने तो रुला भी दिया, ये सारी चीजें लोग लिखते हैं। एंड पीपल लाइक ऑल, इवन दो यू वुंट अग्री, मोस्ट पीपल वुंट अग्री, द थिंग इज पीपल लाइक कि तुम्हारी लाइफ के बारे में तुमने कुछ बताया, तो तुम्हारी इनसाइट एक बताई, तुमने अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्क्लोज किया। ये सारी रिलेशनशिप वगैरह पे जो कमेंट आए हैं मेरे, वो यही है कि अरे इसकी रिलेशनशिप ऐसी थी तो नाउ आई लाइक यू मोर। सम पीपल डू दैट, बट आई एम लाइक दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट। तो इट्स द सेम थिंग कि अगर कोई रैपर मैं बाली के बारे में बोल रहा हूँ कि वो फनी है, तो कोई एक कॉमिक के बारे में भी बोल रहा है कि ये बहुत स्मार्ट है। तो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। कभी कभार तुम्हें लगता है तुमने बहुत किसी चीज़ पे दिमाग लगा के कुछ सेट बनाया, उस पर कोई कमेंट नहीं आएंगे, फिर एक मैं सेट डालूंगा जिसमें बोल रहा हूँ लौड़ा मेरा केबीसी, लोग लुकेंगे स्मार्ट कॉमेडी में, क्या तुम हाँ, कैसी बात कर रहे हो भाई। हाँ, तो लेकिन दैट इज द लोएस्ट कॉमेंट डिनोमिनेटर, उस तरह के जो कॉमेंट से बहुत आते हैं, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पूरे फिल्टर हो जाते हैं, अच्छे वाले बचते हैं थोड़े, और तुमको पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी चीज चलने वाली है। दैट इज तो डेफिनेटली, तो मतलब अगर तुम सेल्फ एक्सप्रेशन पे रिलाई करो तो वो थोड़ा इजीयर होता है कि मैं आजकल ये सोच रहा हूँ, इस बारे में मेरा दिमाग चल रहा है, तो इस बारे में बात करूंगा। ट्रेंड कैच करना तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। इट पीपल डू गेम द सिस्टम फॉर श्योर, लेकिन उसमें भी वो करते करते लाइक सारे प्लॉट बनाते बनाते कि ऐसे गेम करेंगे कर करके, दे फाइंड देमसेल्फ एंड देन फिर वो करने लगते हैं। जो बिस्ट बीस ने किया, वो कहता है कि उसने हजारों वीडियो देख के स्टडी किया कि इस तरह का कंटेंट चलता है, ऐसी ये कलर्स होने चाहिए, ऐसा थंबनेल होना चाहिए, ऐसे टाइटल होने चाहिए, मैं टाइटल का और थंबनेल का एक्सपर्ट बन गया हूँ, ये सब बोलता है। बट राइट नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज नथिंग टू डू विद हिज टाइटल और थंबनेल, वो उसका कंटेंट ही वैसा बन गया। सो यू ग्रो ओवर टाइम। अगर तू 50 फोटोज रिलीज करेगा अपने प्रोफाइल पे ये देख के कि कैसी फोटोज चल रही है, 10वें फोटो के बाद तेरा खुद का एस्थेटिक सेंस घुस जाता है उसमें, आई गेस वो घुस ही जाता है। तुम कितना भी कोशिश करके ट्वीक कर करके जैसे तुम्हें पसंद आता है उसमें ले जाते हो, तो तुम ऐसे करने लगे तो कि ये चल रहा है, ये भी रहेगा, ये रहेगा, लेकिन फिर इवेंचुअली उसकी तरफ ही शिफ्ट कर जाता है। हाँ, तो मतलब ये एक रिकमेंडेशन है। आई थिंक इफ ही हैज 111 million सब्सक्राइबर्स, तो देखा ही होगा सबने यहाँ पे सब्सक्राइब करके वहाँ पे, बट आई एम सेइंग कि अगर नहीं देखा है तो मिस्टर बीस्ट इज वेरी वायरल, बट आई थिंक यू विल फाइंड हिज कॉन्टेंट वेरी एंगेजिंग, वो बहुत फन है। तो वो उसके वीडियो देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि अच्छा अभी बीच में बोर हो रहे हैं बंद कर दो, विच इज द बिगेस्ट थिंग इन यूट्यूब। मतलब प्रोबेबिलिटी देख की सारे जो सब्सक्राइबर्स उन्होंने देखा हुआ, मैंने नहीं देखा है। हाँ, तुमने मैं ही जाके देख लूंगा पहले तो। और ऑल्सो हम ये बात बोल रहे हैं इस पॉडकास्ट के एंड में, व्हाट आर द चांसेस कि तुमने ये पूरा देख ली यहाँ तक आ गए और वो और मिस्टर बीस नहीं देखा, तो देख लेना आई गेस। अगर 2 करोड़ दिए तो मिस्टर बीस को थप्पड़ मार देंगे। 2 करोड़ कुछ नहीं है यार, वो 1 million दे देता है लोगों को, विच इज 7-7.5 करोड़। अच्छा, तेरा अगला शो कहाँ पे है? बैंगलोर में 10th और 11th को, 10th और 11th दोनों को सोलो है। और कहाँ पे? 10th को है टिल्ट में, वो टिल्ट यूरोपियन बार। हाँ, उसकी टिकट चली गई सारी, वो अच्छा रूम है, लोग बोल रहे हैं इट इज अ वेरी गुड बार गिग इज व्हाट आई हैव हर्ड। और ये लोग ही चलाते हैं, सोमनाथ ज्योति, जो कि अच्छे रूम चलाते हैं सारे। और 11th को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमेडी में, उसके भी चले गए, उसके बचे हुए टिकट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमेडी भाई, ये हफ्ते जा रहा हूँ, एडिट कर जाएगा, सॉरी नहीं, रुक जा रुक जा। हाँ, बात का पुणे में 24th को है, 24th सितंबर, तब भी हो सकता है ना। 30th को कोलकाता में आ जाएगा, 30th को कोलकाता में, 24th को पुणे में,
गो वॉच हिम. अब इन जनरल अगर तुम्हारा डेट का कंफर्म नहीं है तब भी जस्ट सर्च द नेम्स ऑन बुक माई शो, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड. एंड फॉलो इंस्टाग्राम का, यहाँ पे लिंक मेरा, यहाँ पे चिराग का, और जहाँ पे भी न्यूज़लेटर का, और ये टी शर्ट का. वी कैन डू द थिंग गाइस. गुड नाइट, बाय.